started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, falling.
Show you wanna be my enemy. You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. Take it all, I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. वीडियो मैंने आपको जो नया स्पीड हैक वाला ग्लिच दिखाया था, आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपके साथ भी ये ग्लिच हो जाता है तो बिल्कुल इसे ट्राई करने की कोशिश मत करना, देर मिल सकती है। Come on.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का गवाई स्पोर्ट्स इंडिया चैनल पर। तो फिलहाल हमारा पहला मैच स्टार्ट हो चुका है और प्लेन पाथ भी आ चुका है। मैप हमारा इरेंगल है और हमारी 16 टीम्स खेलते नजर आएंगी। 63 क्लॉबी हमारे सामने नज़र आ रही है। तो वेल बात करेंगे प्लेन पाथ की। प्लेन पाथ हमारा जाएगा मिलिट्री बेस के आइलैंड से, मिलिट्री बेस के आइलैंड से जाएगा और हॉस्पिटल के थोड़ा सा नीचे जॉर्जपुल के साइड में जा करके एंड होगा। तो वेल यहाँ पर टीम्स थोड़ी सी दिक्कतों में आ सकती हैं। इनके जो मेजर ड्रॉप्स जहाँ पर टीम्स जाती हुई नज़र आती हैं वो थोड़ा सा दूर नज़र आ रहे प्लेन पास से, तो उनको ग्लाइड करना पड़ेगा, व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा। और काफ़ी टीम्स मिलिट्री बेस के आइलैंड से ही प्लेन पास गया था तो मिलिट्री बेस के आइलैंड पे ही ड्रॉप कर चुके हैं। तो वेल यहाँ पर टीम्स जल्दी से जल्दी अपने ड्रॉप लोकेशन पे जाना चाहती हैं और लूट करके फाइट लेना चाहती हैं। तो काफ़ी टीम्स उतर भी चुकी हैं, इसी इरादे से मिलिट्री बेस की ओर चलेंगे। SWYL के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, ऑन स्लॉट 23 में खेल रहे हैं। यहाँ पे रेओपियन के साथ खेलेंगे, किंग खेलेंगे एंड मैंगमस्टर खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ टाइटन के प्लेयर्स फर्स्ट ब्लड निकालते नजर आएंगे। तो वेल पिस्टल से यहाँ पर नॉक भी किया है और SFYL के एक प्लेयर को बाहर भी कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर वन फिनिश के साथ, ओवरऑल टू फिनिश के साथ मैजिक ने भी यहाँ पर अपना कारनामा कर दिखाया है। SKS के साथ एक प्लेयर को ढेर कर दिया है। तो फिलहाल दो फिनिशर निकाल लिए गए टाइटन के प्लेयर्स के द्वारा। ग्राउंड टीम्स में यहाँ पर दो प्लेयर्स आए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा करके दो फिनिश के साथ ये टीम अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएगी। तो काफ़ी यहाँ पर दिक्कतों में आ चुके हमारे SFYL के प्लेयर्स। अर्ली फाइट और यहाँ पर ड्रॉप क्लैश में यहाँ पर उतरे टाइटन के प्लेयर्स और उनको बाहर कर दी, उनके दो प्लेयर्स को बाहर कर चुके। तो शेडो और ड्यूक अपनी टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे। दूसरी तरफ FE के प्लेयर्स क्रेटोस यहाँ पर अपना कमाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्रेटोस ने यहाँ पर एक प्लेयर को UMP से डाउन भी किया और देखते ही फिनिश भी कर दिया है। तो फिलहाल क्रेटोस ऑन फायर एक फिनिश निकाल करके अपनी टीम की ओर से ओपनिंग निकालेंगे और बाकी प्लेयर्स को भी टारगेट करते नजर आएंगे। फिलहाल अभी चौंस नॉक है तो टीममेट्स की कोशिश रहेगी कि उनको जल्दी से जल्दी रिवाइव दिया जाए, बट यहाँ पे रिवाइव नहीं दिया जाएगा, सामने एक पुश आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अपने टीममेट के बदले की आग में वैक्सीन के प्लेयर्स आ चुके हैं FE के ऊपर। तो वेल यहाँ पर रैम्पेज काफ़ी दूर है, क्रेटोस अब काफ़ी मुसीबत में आ चुके हैं। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे वैक्सीन की, वैक्सीन में दो ही प्लेयर्स अब बचे हैं, लैग फिनिश हो चुके हैं। युगर नॉट खेल रहे हैं एंड डीसिंग खेलते नजर आ रहे हैं। तो वेल क्या यहाँ पर युगर नॉट और डीसिंग क्रेटोस को बाहर कर पाएंगे या रैम्पेज आकर के अपने टीममेट को कवर देंगे? फिलहाल रैम्पेज बहुत ही अच्छी पोजीशन पर मौजूद है, अपने टीममेट को सक्सेसफुली यहाँ पर कवर दे सकते हैं।
बट ओवरऑल देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे स्ट्रैटेजी के साथ वैक्सीन के प्लेयर्स अपने टीममेट का बदला लेंगे और कैसे यहाँ पर एफ ई के प्लेयर्स को बाहर करने की यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो वेल क्रेटोज अपने टीममेट के कवर के साथ टीममेट के एंगल में ईजली खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि सामने ऊपर प्लेयर आए वैक्सीन के और यहाँ पर ईजली इनको कवर फायर मिले और उसी कवर फायर के चलते ही वैक्सीन के बाकी प्लेयर्स को ही फिनिश करने की यहाँ पर कोशिश की जाए। बट उसी का फ़ायदा उठाएंगे रैंपेज धीरे धीरे क्लोजिंग करते नजर आएंगे और यूगर नॉट भी क्रोटस के अंदर नॉक होते नजर आएंगे और कैटॉस यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। तो फिलहाल अब रैंपेज के ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी, फिलहाल यहाँ पर रैंपेज क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि उनको रोड के सामने से आना पड़ेगा, तो ओपन एरिया है और अगर नहीं आ पाए और जल्दी यहाँ पर कैसे भी करके यूगर नॉट रिवाइव हो गए तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल रिवाइव भी हो गया यूगर नॉट और अब रैम्पेज और ग्लैडेज को ही इस मैच को कंटिन्यू करना पड़ेगा क्रेटोस के बिना एंड यहाँ पर जॉन्स के बिना। वन फिनिश निकाला गया है, रैम्पेज यहाँ पर एकेम के साथ खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर ग्लैडेज की, ग्लैडेज के पास अभी फिलहाल इतनी पावरफुल गन्स नज़र नहीं आ रही हैं। थॉम्सन है जो क्लोज फाइट में ईजिली यहाँ पर कमाल दिखा सकती है, बट चलिए पीपी फाइजर मिल गई है मिड रेंज के लिए, बट यहाँ पर अभी उनको एआर ढूंढनी चाहिए और ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं ग्लैडेज। इनके पास हीलिंग्स भी यहाँ पर थोड़ी मात्रा में मौजूद है, बिल्कुल 5% एंड दूसरी तरफ बात करें इनके पास हेलमेट लेवल 1 का है और लेवल 2 का वेस्ट है। नोवा के प्लेस ग्राउंड टीस पर नजर आएंगे, कुछ ही दूरों पर लूट करते नजर आ रहे हैं। जॉर्जफुल कंटेनर इनका यहाँ पर टारगेट बना हुआ है, जॉर्जफुल कंटेनर को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पैनिक जेली और ड्रैगर गोस्ट एक साथ खेलेंगे। TMNT के प्लेयर्स ऑन स्लॉट 8 में खेलते नजर आ रहे हैं, लियोनार्डो मिकी रैफ एंड करण जी। इनके पास कोई भी टीम नहीं है, इजली शांति से लूट करेंगे बट फिलहाल यहाँ पर इनको लूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेलमेट की सबसे ज़्यादा लूट में ज़रूरत है। लियोनार्डो पास हेलमेट नहीं है, अगर हेलमेट यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे और किसी अगर कोई टीम इनके सामने से आसपास से गुजरेगी, फाइट यहाँ पर गलती से भी स्टार्ट हुई तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों में आ सकती हैं। बट वेल अभी यहाँ तो इनके दूर दूर तक इनके पास कोई भी टीम नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हेलमेट भी उठाना जाएगा। छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटे जा रहे हैं TMNT के प्लेस के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर स्केप और यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ लूट के साथ अपना गेम प्ले कंटिन्यू करना चाहते हैं TMNT के प्लेयर्स। काफ़ी ज़्यादा यार दिक्कत देते हैं दूसरी टीम्स को ये टीम। तो फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत ही प्यारे यहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, किसी के भी साथ अभी फाइट इनिशिएट करने की कोशिश इनकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। फर्स्ट जोन की बात करेंगे, फर्स्ट जोन हमारा KMSK स्टार ज़ेवर्नी का थोड़ा सा एज आएगा और उसमें यासना पोलियन जिसमें हमारे गैंग 99 के प्लेयर्स अपने टॉप लोकेशन पर उतरते नजर आएंगे नजर आए थे वोल्ट के प्लेयर्स एंड बात करेंगे लिपो का और हमारा मेंशन मिल्टा पावर और मिल्टा फार्म सेल्टर कम्प्लीटली जोन के अंदर रहने वाला है। तो फिलहाल टाइटन के प्लेयर्स फिर से फाइट इनिशिएट करेंगे, इनसे रहा नहीं गया। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक टीम को बाहर करते नजर आए थे, फिर से यहाँ पर इनका एग्रेशन चालू हो चुका है। दो क्रिच यहाँ पर निकाले हैं साइपर ने इस मैच के स्टार्टिंग से अभी तक और दूसरी तरफ बात करेंगे सामने यहाँ पर मैजिक डाउन पड़े हैं, मैजिक जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश रहेगी। फिर से यहाँ पर 4 फिनिश के साथ में गेपले को कंटिन्यू रखते हुए नजर आएंगे। स्नाइपर 3 फिनिशर्स अपनी टीम की ओर से अकेले निकाल चुके हैं इस सात मिनट में यहाँ पर इतनी जल्दी 4 टीम से निकाला, कमाल यहाँ पर स्नाइपर। फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे शॉटगन के साथ वेनम की बात करेंगे, इनके पास बैरल मौजूद है, ज्यूस 5, इनके पास फिनिशर्स नहीं है बट इनके पास लेवल 2 हेलमेट और लेवल 1 वेस्ट अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। इसका यहाँ पर यूज़ काफ़ी अच्छे यहाँ पर फाइट्स में करते हुए नजर आएंगे ज्यूस 5 एंड दूसरी तरफ बात करेंगे मैजिक यहाँ पर अभी नॉक पड़े थे, उनको रिवाइवल दिया गया। इनके पास ओवरऑल 1 फिनिश मौजूद है, लेवल 2 का वेस्ट है जो कंप्लीटली यहाँ पर डैमेज हो चुका है, तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके लेवल 2 वेस्ट ढूंढ ले तो काफ़ी यहाँ पर मैजिक प्लेयर्स हेल्पफुल साबित हो सकता है। चिल कैरी इससे ओरा के प्लेयर्स के साथ फाइट लेते नजर आ रहे हैं, वैक्सीन के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर डुओ ही खेलेंगे यहाँ पर और डुओ यहाँ पर एफ ई के प्लेयर्स भी खेलते नजर आएंगे। अगली फाइट और दो यहाँ पर प्लेयर्स फिनिश होते नजर आए थे बट बात करेंगे यहाँ पर सामने जो फाइट चल रही है हमारे एट प्रेजेंट एस के प्लेयर्स एंड ओरा के प्लेयर्स की। तो फिलहाल यहाँ पर एस के एक प्लेयर अननोन वाइट ही फिनिश हो चुके हैं एंड यहाँ पर आई एम बैक सामने से यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं एंड ओरा के फायर फर्स्ट खेलते नजर आ रहे हैं, प्रोटोटाइप खेल रहे हैं एंड कैप्टन खेल रहे हैं। तो वेल प्रोटोटाइप नॉक पड़े, उनको रिवाइव देने की कोशिश बाकी टीम मेट्स की ओर से जरूर रहेगी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे व्हीकल लेकर के आई थिंक कवर बनाएंगे और यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर व्हीकल काफ़ी डैमेज हो चुका है कैप्टन का एंड एस के प्लेयर्स लगातार यहाँ अपने टीममेट का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं।
C9 जो इनके पास 7 का हेलमेट है, इनके पास 11-3 का वेस्ट है, इनके पास स्कारल है। तो फिलहाल यहाँ पर मिड रेंज की फाइट है और ईजली यहाँ पर स्कारल के साथ नॉक कर सकते हैं जोजो और फाइट को निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नॉक निकालने के लिए बहुत ही इनका अच्छा स्टॉन्स नज़र आ रहा है, बट थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि सामने कोई पिक्सल रिवील हो सामने अपोनेंट्स का, तो फिलहाल यहाँ पर नॉक निकाले जाएंगे। वेल दूसरी तरफ बात करेंगे ऑरा के प्लेयर्स की, ऑरा के प्रोटोटाइप फिनिश हो जाते हैं, देखते देखते यहाँ पर प्रोटोटाइप फिनिश हो जाएंगे और 3v3 की फाइट या बराबरी की होती नजर आएगी। दोनों ही टीम्स एक दूसरे के एक एक प्लेयर को फिनिश करके अपने खाते में एक ही फिनिश ऐड कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अभी मतलब जैसा यहाँ पर स्टार्टिंग फाइट चली थी वैसे ही यहाँ पर कुछ चल रही है। पहले आपके पास 4 प्लेयर थे और यहाँ पर अब 3 प्लेयर बचे हैं, वो भी दोनों ही यहाँ पर टीम्स में। तो वेल यहाँ पर 1 फिनिश एंड ऑन 15 प्लेस पे टीम्स खेलते नजर आ रही हैं, स्लॉट 13 के प्लेयर्स एंड यहाँ पर ऑरा के प्लेयर्स, एस के प्लेयर्स और ऑरा के प्लेयर्स। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, सामने यहाँ पर अपोनेंट्स के पेशेंस को चेक किया जा रहा है दोनों टीम्स की ओर से। तो फिलहाल जिसका पेशेंस ज़्यादा होगा, जिसका यहाँ पर टाइमिंग अच्छी होगी, वो इस मैच को निकालते नजर आएगा। बात करेंगे यहाँ पर LTG के प्लेयर्स की, ऑन स्लॉट 9 में खेलते नजर आ रहे हैं जैबजेड LTG एंड गोस्ट LTG एंड यहाँ पर खेल रहे हैं डेविल LTG और DIS अर्जुन LTG खेलते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ईजिली लूट करने की कोशिश है और लूट किया भी जा सकता है, कोई यहाँ पर इनको रोक टोक करने वाला नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बट जोन यहाँ पर शायद दिक्कत देने वाला है और IGL जरूर समझेंगे LTG के, जल्दी से जल्दी रोटेशन डालते हुए नजर आएंगे। तो ऑरा के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद है, LTG के प्लेयर्स उधर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भैया यहाँ पर ऑरा एंड एस के प्लेयर्स के साथ अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी करेंगे तो काफ़ी यहाँ पर फिनिशर्स निकाल सकते हैं, बट ओवरऑल अभी यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं निकाली जा रही है। अभी भी यहाँ पर शांति के साथ ऑरा के प्लेयर्स बैकस्टेप कर चुके हैं और सामने से एस के प्लेयर्स भी हट चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ट्रायो के साथ एस के प्लेयर्स एंड ट्रायो के साथ हमारे ऑरा के प्लेयर्स अपने गेम प्ले को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। L4 के प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑन स्लॉट 10 के अंदर, L4 के लोड पेन है, M4 के साथ सुब की बात करेंगे, इनके पास AKM मौजूद है एंड यहाँ पर यस M4 एंड AKM के साथ, और अल्ट्रा की बात करें यहाँ पर इनके पास VSS मौजूद है। फिलहाल हैकर वाली गन लेकर के अल्ट्रा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे फिनिशर्स निकालते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, काफ़ी यहाँ पर सामने वाली टीम्स को दिक्कत दे देते हैं। तो फिलहाल हैकर वाली गन है, तो क्या यहाँ पर मिड रेंज में कोई हमको इस गन से नॉक होते हुए नज़र आएगा? ये गन सभी को सरप्राइज करती है, कि कोई अगर नॉक होता है तो बस टीममेट्स यही देखते हैं कि कहां से साउंड आ रहा है, कहां से कौन मार रहा है। FE के प्लेयर्स यहां पे डुओ खेलते हुए नजर आएंगे। अब दो प्लेयर्स क्रेटोस एंड चॉन्स फिनिश हो गए थे बहुत पहले ही और अब यहां पर जोन के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल व्हीकल यहां पे ढूंढेंगे, उसके साथ यहां पर आगे जाने की कोशिश करेंगे, बट NEO98 अपनी टीम की ओर से अपने आप को किल फील्ड में लाएंगे। फिलहाल OS के प्लेयर्स के पास जीरो फिनिशर्स मौजूद ही नहीं कुछ भी। तो अभी यहाँ पर HS के मोहित को नॉक किया गया है, तो फिलहाल मोहित नॉक हो चुके हैं और अपने टीममेट से रिवाइव की मांग जरूर कर लेंगे। फिलहाल पेड़ का कवर मौजूद है एंड OS के प्लेयर्स के पास अभी कोई भी चांस नहीं दिख रहा है कि मोहित को फिनिश किया जाए। फिलहाल यहाँ पे NEO98 एक और यहाँ पर नॉक, तो फिलहाल यहाँ पे दो नॉक निकाले गए नियो के द्वारा। तो क्या यहाँ पर अब नियो के इस स्ट्रगल को यहाँ पर इनका परिणाम मिलेगा? जी हाँ, परिणाम मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरे OS के प्लेयर यहाँ पर शिवम और इनायक अपनी टीम की ओर से कमाल का गेम प्ले दिखाएंगे, न्यू को ही बाहर कर देंगे और उनके यहाँ पर टीममेट्स को भी बाहर कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर HS के दो प्लेयर बाहर हो चुके हैं, वॉल्टर एंड यहाँ पर 98 के, नहीं न्यू यहाँ पर, सॉरी क्या ही दिमाग चल रहा है मेरा, नियो यहाँ पे 2 फिनिश निकाल लेंगे एंड OSCM विथ 1 फिनिश के साथ, ओवरऑल 3 फिनिश के साथ ये टीम अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएगी। Level 3 का हेलमेट पहुंच गया CM के पास और HS के प्लेयर्स काफ़ी यहाँ पर दिक्कतों में आए और उनको देखते देखते बाहर किया गया है। फिलहाल यहाँ पर 3 फिनिश के साथ गेम प्ले निकालते हुए नजर आएंगे OS के प्लेयर्स, जैस OP दिखाई देंगे, इनके पास M24 एंड M4 मौजूद है, NI के पास AKM मौजूद है एंड M4 मौजूद है, काफ़ी यहाँ पे प्लेयर्स AKM और M4 ही यूज़ करते हुए नजर आते हैं, बैरल भी यहाँ पर कुछ ही प्लेयर्स यूज़ करते हैं। तो फिलहाल दूसरी तरफ L4 के प्लेयर्स फाइट लेते नजर आएंगे और इजी सामने यहाँ पर नोवा के प्लेयर्स को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेल यहाँ पर
तीन प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं, लॉर्ड पेन नॉक हो चुके हैं, शुभ नॉक हो चुके हैं एंड अल्ट्रा नॉक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे नोवा के प्लेयर्स की, नोवा में केवल पैनिक नॉक पड़े हैं, जेली ओवरऑल फिनिश हो गए थे। गोस्ट एंड ड्रैगर अपनी टीम की ओर से गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, सामने यहाँ पर टीम को फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। L4 के लॉर्ड पेन भी यहाँ पर गैंग 99 के अल्टर के द्वारा स्टील होते हुए नजर आएंगे एंड नोवा के ड्रैगर के पास L4 ES का फिनिश जाता हुआ नजर आएगा। गोस्ट AKM के साथ जीरो फिनिश के साथ दिखाई दे रहे हैं, बट ड्रैगर ने यहाँ पर 3 फिनिश निकाल दिया अपनी टीम की ओर से। L4 के प्लेयर्स ओवरऑल 15 प्लेस पे एग्जिट कर जाएंगे इस मैच से। गैंग 99 के प्लेयर्स भाई साहब चुपके चुपके यहाँ पर चोरी चोरी से फिनिशर्स चुराते हुए नजर आए। अल्टर यहाँ पे 1 फिनिश के साथ दिखाई देंगे, अपनी ओपनिंग निकाल चुके हैं। गैंग 99 के प्लेयर्स हेडशॉट खेल रहे हैं, उनके साथ माफिया खेल रहे हैं और डैडी ओपी खेल रहे हैं। गैंग 99 के प्लेयर्स फिलहाल यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टॉन्स में मौजूद थे। स्टॉन्स में यहाँ पर उनके स्टॉन्स पे कोई और आने की कोशिश कर रहा था, एस के प्लेयर्स यहाँ पे LTG के प्लेयर्स के आने की कोशिश कर रहे थे, जिनको यहाँ पे पनिशमेंट दी गई। अर्जुन LTG को नॉक किया गया और उनको वहाँ पर इंस्टेंट फिनिश किया गया। DIS जैब्स अपने आप को स्केप करने के लिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। DP के साथ गोस्ट LTG भी उनके साथ मौजूद हैं, तो फिलहाल व्हीकल यहाँ पे काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो इस व्हीकल को डिनाई किया जाएगा और इस व्हीकल के बिना ही खेलने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। वेल यहाँ पर डेविल नॉक हो चुके हैं OS के प्लेयर्स के द्वारा, OS के इनाइट को स्पॉट किया गया। सबसे पहले यहाँ पर इनाइट को हेडशॉट देकर के DP के साथ डाउन किया जाएगा। दूसरा बात करेंगे जैस OP यहाँ पर फिलहाल अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, बट रिवाइव नहीं दे पाएंगे एंड देखते देखते गोस्ट LTG अपने खाते में एक फिनिश ऐड कर लेंगे बस। बट यहाँ पर OS CM का एक काउंटर आएगा और देखते देखते यहाँ पर LTG के प्लेयर्स को भी दिक्कत कर देगा, गोस्ट को बात कर देगा। तो फिलहाल पुशिन आ चुका है और यहाँ पर अपने मैन पावर के साथ OS के प्लेयर्स अपनी गन पावर के साथ फाइनल प्लेयर को यहाँ पर DIS जैप्स LTG को ही बार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वेल यहाँ पर कुछ ही दूर पे बैठे हमारे नोवा के प्लेयर्स जो कि यहाँ पर इन फाइट का लुफ्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। सामने यहाँ पर कुछ भी एग्रेस यहाँ पर करने की कोशिश नहीं कर रहे। IM के प्लेयर्स भी मौजूद है। वेल 6 फिनिश के साथ हमारे OS के प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे। 4 फिनिशर्स निकाले हैं नियो ने अपनी टीम की ओर से अकेले एंड यहाँ पर OS CM 2 फिनिश के साथ दिखाई देंगे। इनायक यहाँ पर इनके लिए बड़ा यहाँ बड़ी बुरी बात रहेगी कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर गोस्ट के द्वारा फिनिश होते नजर आए। तो फिलहाल LTG के प्लेयर्स भी अपने खाते में फिनिशर्स लेकर के गए हैं, बट निराशा रहेगी इनको प्लेसमेंट से जो कि यहाँ पर इनको नहीं मिल पाए हैं और 14 प्लेस पे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वेल यहाँ पर नियो M4 के साथ फिर से रेडी हो चुके हैं अपने टीममेट के साथ। नोवा के प्लेयर्स ग्राउंड टीम्स में नजर आएंगे जो कि 3 मैन एडवांटेज के साथ खेलते नजर आए। विथ 3 फिनिश के साथ पैनिक ड्रैगर एंड गोस्ट जैली फिनिश हो गए थे काफ़ी समय पहले। अल्टर यहाँ पर एक और फिनिशर निकाल चुके हैं, माई गॉड चुपके से यहाँ पर अल्टर फिनिशर निकालते नजर आ रहे हैं, सामने टीम्स के लिए सील करते नजर आ रहे हैं। अल्टर के पास 2 फिनिश है एंड हेडशॉट अभी DP के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। गॉड बिल्डिंग में यहाँ पर यासना की गॉड बिल्डिंग में मौजूद है। माफिया की बात करेंगे इन फिलहाल आई थिंक AFK हैं, जी नहीं AFK नहीं है, TPP ले रहे हैं। गन्स को यहाँ पर बैक में रख करके M4 मौजूद है और बर्निंग व्हीकल के साथ यहाँ पर कनेक्शन बना रहे हैं। एंड दूसरी बात करेंगे डैडी के पास M4 मौजूद है, 4X मौजूद है। TMNT के प्लेयर्स डोमिनेशन के साथ आएंगे, 8 स्लॉट में बैठे हैं और यहाँ पर कनेक्शन बना करके आई थिंक चार्ज इन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लूट कम्प्लीटली नज़र आ रही है, UMP है एंड यहाँ पर M4 भी मौजूद है लियोनार्डो के पास। और मिकी की बात करेंगे, मिकी के पास फिलहाल अभी यहाँ पर Level 2 का हेलमेट है जो कि काफ़ी डैमेज हो चुका है Level 2 के वेस्ट के सहारे एंड थोड़ी सी हीलिंग्स के सहारे एक हेल्थ किट के सहारे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रैफ यहाँ पर दिखाई देंगे, इनके पास UZ मौजूद है, Level 3 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट दिखाई दे रहा है। करण जी फिलहाल अभी व्हीकल ड्राइव करते नजर आ रहे हैं, रैफ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजी यहाँ पर एक अच्छे से कंपाउंड को ग्रैब करेंगे और उसी कंपाउंड के साथ फाइट निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जोन का एज इनके फेवर में आ चुका है एंड यहाँ पर चिल क्रेजीज सामने प्लेयर्स को नॉक करते हुए नजर आएंगे, डाउन करते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर इनके पास बहुत जल्दी एक फिनिश आ गया था, सामने एक टीम फाइट ले रही थी जो कि आई थिंक नोवा के प्लेयर्स थे, फाइट लिया था और वहाँ से इनको उनका एक प्लेयर भी फिनिश हुआ था और वहाँ से इनको एक फिनिश भी मिलता हुआ नजर आया था। तो फिलहाल अपने आप को कंप्लीट हील करके क्राइसिस फाइट लेना चाहेंगे। एस के यहाँ पर एरिस दिखाई दे रहे हैं एंड C9 जो दिखाई दे रहे हैं।
यास नापोलियाना कम्प्लीटली जोन के अंदर है। मेंशन का थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन की जो पीछे की थोड़ी सी जो डाउन रिच एंड यहाँ पर डिप्स है वो जोन के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे HWYL के लकी अपने मैग्मा सर के साथ अपने टीममेट्स के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। टाइटन के प्लेयर्स थोड़ा सा हाइट के एडवांटेज भी लग रहे हैं, बट HWYL को यहाँ पर थोड़ा सा एक डिप स्केप करता हुआ नज़र आ रहा है टाइटन से। तो वेल यहाँ पर ऑरा के कैप्टन XD भी सामने टीम सामने यहाँ पर प्लेयर्स को नॉक करना चाहेंगे और इसी यहाँ पर नॉक कर चुके हैं, तो फिनिश भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ सकते हैं। वोल्टेक्स से प्लेयर अभी भी यहाँ पर फोन में मैन एडवांटेज साथ खेलते नजर आ रहे हैं। HS अमन अपनी टीम की ओर से अभी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। और आके यहाँ प्लेयर्स की बात करेंगे, कैप्टन SD ने अभी फिलहाल यहाँ पर वन फ्लेस के साथ खेल रहे, एक नॉक निकाला है। MC ने फोर के साथ और भी यहाँ पर सक्सेसफुल डैमेज देते नजर आएंगे। सामने मौजूद है प्लॉट 19 के प्लेयर्स हमारे एलिक के प्लेयर्स। तो वेल यहाँ पर एलिक के प्लेयर्स आई थिंक खेल तो नहीं रहे थे, हमने इनको तीन दिन से तो नहीं देखा, बट आज परफॉर्म कर रहे हैं और वेल यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके पास इनकी पूरी स्क्वाड कम्प्लीटली अवेलेबल है। यहाँ पर रियूजिन खेल रहे हैं, डैड खेल रहे हैं एंड नबील OP खेल रहे हैं और उनके साथ खेलते नज़र आ रहे हैं जिन नबील OP TMT के प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके हैं और इसलिए यहाँ पर डाउन भी कर चुके हैं। 17 का डैमेज स्मोक में रैंडम फायर करके दिया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर TMT के प्लेयर्स काफ़ी दिक्कतों में हैं और इनको बाहर करने के लिए नेबिल OP पूरी यहाँ पर ट्राई हार्ड करते हुए जा रहे हैं। सामने यूटिलिटीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। TMT के यहाँ पर मिकी को डाउन किया गया था नेबिल OP के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर आप किल कंफर्म करने के लिए अपनी यात्रा में निकल चुके हैं नेबिल। TMT के यहाँ पर रैप भी फिनिश हो चुके हैं डैड के द्वारा और TMT के करण जी भी डैड के द्वारा फिनिश हो चुके हैं और डैड यहाँ पर फाइनली लियोनार्डो जो अकेले प्लेयर बचे थे उनको ही बाहर करते हुए नजर आए। तो फिलहाल डैड के पास ही आई थिंक ये चारों फिनिशर्स तीन फिनिशर्स डैड के पास गए हैं और एलिक जिन के पास वन फिनिश गया। तो वेल फोर फिनिश के साथ ये टीम अपने मैन एडवांटेज के साथ मैन पावर के साथ अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आएगी अपनी यूटिलिटीज एंड अपने गन्स के साथ। और के प्लेयर्स अभी भी अपने कंपाउंड में मौजूद है और आई थिंक अभी इनके पास दूर दूर तक टीम नहीं दिखाई देगी, तो इस भी अपने कंपाउंड के साथ सर्वाइव करेंगे और जोन के अंदर यहाँ पर रह करके बाकी टीम्स का वेट करेंगे कि सामने कोई टीम आए और यहाँ पर फाइटिंग शेड की जाए। बट कुछ ही दूरी पे नोवा के प्लेयर्स हैं अपने ट्रायो के साथ थ्री फिनिश के साथ अभी भी उसी कंपाउंड में मौजूद हैं, जो कि अभी यहाँ पर हिलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। एंड गैंग 99 के प्लेयर्स अभी भी यासना पोलियाने के एज पर ही दिखाई दे रहे हैं, गॉड बिल्डिंग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अल्ट्रा खेल रहे हैं टू फिनिश के साथ डैडी एंड माफिया और हेडशॉट। आज लगता है कि गैंग 99 के प्लेयर्स कुछ कमाल दिखाने वाले हैं। आज काफ़ी दिन से स्टार्टिंग से ये एग्रेसिव ही खेल रहे थे, आज इनका थोड़ा सा सर्वाइवल देखने को मिल रहा है और ये सर्वाइवल इनको काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है। इनके पास सर्वाइवल स्कोर भी आएंगे और गैंग 99 के प्लेयर्स तो धमाका करने में माहिर हैं। यहाँ पर इनके इनसे क्लचेस भी होते हैं 1v2 1v3 एंड 1v4 तो करते हुए नज़र आते ही हैं। तो वेल यहाँ पर गैंग 99 के प्लेयर्स आज सर्वाइवल भी दिखाएंगे और आज अपना गैन पावर भी दिखाएंगे, तो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कैसे यहाँ पर कोई चिकन रन आज ले जाते हैं या यहाँ पर पिछले कुछ ही दिनों की तरह हमारे गैंग 99 के प्लेयर्स अपना गेम प्ले शो करते नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर FE के प्लेयर्स की बात करेंगे, अभी भी दो यहाँ पर टू मैन एडवांटेज साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। दो प्लेयर्स ऑलरेडी फिनिश हो गए थे, उन्हें यहाँ पर दो प्लेयर्स के बिना ही अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आएंगे, रैम्पेज एंड ग्लाइडेज। सामने गैंग 99 के प्लेयर्स को कम्प्लीटली स्पॉट किया गया, बट फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी कोशिश नहीं करेंगे और बट थोड़ा सा जोन यहाँ पर हटेगा और उनको अब कोशिश करने पर मजबूर करेगा और कोशिश यहाँ पर व्हीकल के साथ रहे तो आई थिंक इनके लिए काफ़ी सही हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट जाएंगे तो गैंग 99 के प्लेयर्स उनको ऑफ एंगल यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं और ओपन में यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर सकते हैं। तो वेल 12 टीम्स हैं और अपनी टीम के लिए सर्वाइवल निकालने की कोशिश कम्प्लीटली करते हुए नजर आ रहे हैं। OS के CO देखिए भाई साहब कहाँ से रोटेशन ले रहे हैं। OS के यहाँ पर जैज OP कम्प्लीटली जोन के अंदर आ चुके हैं और शिवम के साथ अपना गेम प्ले अभी कुछ ही देर में कंटिन्यू करते नजर आएंगे, बट शिवम को जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा और जोन भी मिल जाएगा OS के प्लेयर्स को, इजीली यहाँ पर आ जाएंगे। बट FE के प्लेयर्स को भी यहाँ पर निकलना पड़ेगा जोन के अंदर, ग्लाइडर्स निकल चुके हैं जोन के अंदर सक्सेसफुली आ जाएंगे और यहाँ पर AS के प्लेयर्स को दिक्कतें होने वाली हैं। एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं और एक फिनिश के साथ एरिस भी अपना खाता खोल चुके हैं। तो वेल यहाँ पर C9 जो भी अपने फिनिशर्स को निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे, निकाल भी चुके हैं। तो वेल जो के पास भी वन फिनिश आएगा, सामने वाली टीम्स को बाहर कर दिया जाएगा। इस दिन यहाँ पर ट्राई के साथ तो खेलते नजर आएंगे AS के प्लेयर्स विद थ्री फिनिशर्स के साथ, वन फिनिश जो एरिस एंड क्रेसिस। वोल्टेक्स के प्लेयर्स अभी भी
इनके पास कोई फिनिश मौजूद नहीं है। बोल्ट एक्शन भी है, इनके पास AR भी दिखाई देगी एंड ER लॉर्ड जैसे यहाँ पे प्लेयर्स भी फिलहाल अभी काफ़ी अच्छे तरीके से टीम्स में खेलते हुए नज़र आते हैं, अपनी टीम के साथ कंडीशन बनाते हुए नज़र आते हैं। तो वेल यहाँ पर अभी फिलहाल जोन के बाहर बहुत जोन के अंदर यहाँ पर जोन के एज पे खेल रहे हैं, तो कोशिश नहीं की जा रही है कि सामने कोई एग्रेसिवनेस दिखाई जाए। तो सर्वाइवल यहाँ पर काफ़ी निकल चुका है और भी निकालेंगे, अभी 11 टीम बची। तो फिलहाल यहाँ पर कोशिश करेंगे टॉप 5 में आकर के ही, टॉप 5 या टॉप 10 में आकर के ही अपने मैच को यहाँ पर एग्रेसिवनेस के साथ स्टार्ट किया जाए। तो वह जोन के एज के साथ हमारे बोल्ट के प्लेयर्स खेलते नजर आ रहे हैं एंड टाइटन के प्लेयर्स भी जोन के एज के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। इनके पास 4-man एडवांटेज अलाइव है बट इनके पास 4 फिनिशेज ऑलरेडी हो चुके हैं। स्नाइपर दिखाई देंगे, मैजिक खेल रहे हैं एंड यहाँ पर जियो 5 खेल रहे हैं और वेनम खेलते नजर आ रहे हैं। वेनम विद 0 फिनिश के साथ मौजूद है बट इनके पास M4 मौजूद है, तो M4 के साथ और भी फिनिशर निकल सकते हैं। बट FE के प्लेयर्स ग्लैडेज यहाँ पर 4FM रियोजिन को नॉक कर देंगे एंड ग्लैडेज यहाँ पर डैड को भी एलिक डैड को भी नॉक कर देंगे। तो वेल एलिक के प्लेयर्स के पास 4 फिनिशर्स आ गए थे बट अब यहाँ पर 2 प्लेयर ओवरऑल बाहर हो चुके हैं, डैड बाहर हो चुके हैं, निबिल OP बाहर हो चुके हैं और सामने इनके नज़र आएंगे FE के प्लेयर्स जो कि यहाँ पर जिन को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पर गाड़ी टकराई थी और उसी यहाँ पर टकराव में बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी लोग FE के साथ मौजूद है और दूसरी तरफ से एक और यहाँ पर प्लेयर आएगा, यहाँ पर FE के रैंपेज आएंगे और देखते देखते अपने खाते में 2 फिनिश के साथ इस टीम को बाहर का रास्ता दिखाएंगे ऑन 11 प्लेस पे। तो वेल यहाँ पर रैंपेज के पास 2 फिनिशर्स मौजूद हैं एंड ग्लाइडेज फिलहाल यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये टीम 5 फिनिश के साथ ऑन टॉप 10 में अपने गेम प्ले को शो करते नजर आएगी बट जोन यहाँ पर इनका भी नहीं साथ देगा। जोन यहाँ पर नेक्स्ट बनेगा, 5th जोन हमारा 200 मीटर दूर ले जाएगा FE के द वन एंड ओनली रैंपेज को। तो वेल रैंपेज को अब जल्दी से जल्दी जोन के अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड टाइटन्स अपने फाइट यहाँ पर निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 4 फिनिश मौजूद है और इनके सामने ग्राउंड टीम्स पे काफ़ी टीम मौजूद है, ORA के प्लेयर्स भी कुछ इधर मौजूद है, OS के प्लेयर्स, SWYL के प्लेयर्स सामने खेलते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर स्नाइपर नॉक पड़े, उनको रिवाइव देने की यहाँ पर कम्प्लीटली ट्राई किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिवाइव दे दिया गया है। तो फिर हाल यहाँ पर SWYL के प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश अब करते हुए नजर आएंगे। OP खेल रहे हैं M4 के साथ, सामने बोर्ड के प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको दिक्कतें यहाँ पर जिनके लिए दिक्कतें बनाई जा रही है बट दूसरी तरफ टाइटन के प्लेयर्स OS के प्लेयर्स को यहाँ पर शिकार बनाते हुए नजर आएंगे। नियो 98 को डाउन कर दिया गया है, जैज OP के सामने खेलते नजर आएंगे एंड खेलते हुए नजर आएंगे उनके साथ शिवम। तो फिलहाल शिवम अपनी व्हीकल के साथ नजर आ रहे हैं, 2 फिनिश के साथ, Level 3 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट के साथ, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे पोजीशन जाना चाहते हैं, अच्छे से कवर में जाना चाहते हैं, कवर मिल चुका है, अपने आप को हील करेंगे फिर से फाइट में वापसी करते नजर आएंगे। जैज OP अपने टीममेट नियो 98 को रिवाइव दे चुके हैं बट देखते देखते शिवम यहाँ पे नॉक हो जाएंगे और मिनी के साथ और आके यहाँ पे कैप्टन एक्सडिन को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, फिनिश कर देंगे। जैज OP भी नॉक हो चुके हैं, नियो 98 के पर अब सारे जमा आते नजर आएगा। UMP के साथ एक नॉक निकालेंगे, अगेन यहाँ पे नॉक निकाला जाएगा और यहाँ पे तीसरे प्लेयर को भी बाहर करने की कोशिश। ओ माय गॉड, क्या यहाँ पे 1v3 हो सकता है, क्या यहाँ पे 1v3 हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पर टाइटन के स्नाइपर आएंगे और अपनी टीम के लिए सेवियर का काम कर जाएंगे बट यहाँ पे नियो का जो UMP के साथ जो यहाँ पर 2 नॉक निकालेंगे, बहुत ही प्यारे नॉक्स थे। तो फिलहाल नोवा के प्लेयर्स अभी भी रोटेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जोन के अंदर आ चुके हैं, अच्छे से यहाँ पर जगह ढूंढ करके फाइट लेने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी तरफ बात करेंगे, IM बैक को स्पॉट किया गया पैनिक के द्वारा, M4 के साथ स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश बट फिलहाल एक भी यहाँ पर बुलेट हिट नहीं होगी। तो बैक अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों में नजर आएंगे, DB के यहाँ पर MO का भार नहीं सह पाएंगे, नॉक हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे नॉक तो गोस्ट भी पड़े हैं तो उनको रिवाइव देने यहाँ पर पैनिक सब जरूरी समझेंगे। स्मोक वॉल बनाया है, स्मोक की चादर बिछाने की और भी कोशिश करेंगे पर गैंग 99 के प्लेयर्स उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले, सामने यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर अपने किल फिनिशेस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर गैंग 99 के प्लेयर्स 4-man एडवांटेज से टॉप 8 में आ चुके हैं। अब यहाँ पर इनका भाई साहब मुक्का चलने वाला है, पैनिक को यहाँ पर बाहर कर दिया गया, गोस्ट का भी यहाँ पर अल्ट्रा फिनिश लेते हुए नजर आएंगे। SWYL के लकी यहाँ पर वोल्टेक्स के प्लेयर को नोजी बॉय को भी यहाँ पर डाउन करते नजर आएंगे, वाइपर भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं SWYL के लकी के द्वारा एंड OP HS अमन को फाइनली यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो फिर वेल यहाँ पर काफ़ी इनक्रेडिबल फाइट्स चलती हुई नजर आ रही है। SWYL के प्लेयर्स के पास ओवरऑल 1 फिनिश मौजूद है बट काफ़ी अच्छे यहाँ पे नॉक निकाले गए। OP
एचएस अमन का आप अपने खाते में फ्रीज ऐड करते हुए नजर आए थे। बट दूसरी तरफ यहाँ पर गैंग 99 के प्लेयर्स को स्पॉट किया गया, बट उनको अभी फिलहाल यहाँ पर कंप्लीटली नॉक नहीं कर पाएंगे। रेओपी अपने टीममेट को रिवाइव देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी अपने टीममेट के पास जाएंगे रिवाइव देने की यहाँ पर कोशिश करते नजर आएंगे। वोल्टेज से प्लेयर्स इनके सामने मौजूद है, तो फिलहाल यहाँ पर कोशिश करेंगे वोल्टेज से प्लेयर्स की रिवाइव ना दिया जाए, रिवाइव की यहाँ पर प्रक्रिया कंप्लीट ना हो पाए। तो नोजी बॉय अपने M4 के साथ फिनिशर अभी नहीं निकले हैं, तो कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं फिनिशर निकालने की। नेड यहाँ पर कुक किया गया, अगर ये नेड कनेक्शन बनाएगा स्मोक वॉल में, अगर ये रैंडम यहाँ पर जा करके फटेगा तो सामने दिक्कत होने वाला, डैमेज यहाँ पर जरूर हो सकते थे, बट फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी डैमेज डील नहीं किया जाएगा। एज एल के प्लेयर्स कॉन्टीन्यूअस अपने टीममेट्स के कवर में स्मोक वॉल के सारे अंदर कंपाउंड के कवर के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर वन फ्रेंस के साथ ही SWYL के प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। गैंग 99 के प्लेयर्स 6 फ्रेंसेस अपने खाते में ऐड कर चुके हैं। हेडशॉट अभी 0 फ्रेंस के साथ नजर आ रहे हैं M4 के साथ, बट यहाँ पर दूर नहीं है इनसे, आप चिकन रेड दूर भी रहिए और यहाँ पर फिनिशर्स भी अब दूर नहीं है। फिनिशर्स यहाँ पे आते ही जा रहे हैं, यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और SWYL के प्लेयर्स फिर से डोमिनेशन में आएंगे और इस यहाँ पे डोमिनेट करते नजर आएंगे। लकी अपनी टीम की ओर से अकेले बचे हैं, द वन एंड ओनली। देखते देखते यहाँ पर जोन भी इनको बाहर करता नजर आएगा और फाइनली जोन से ही रीड आउट होकर के, जी नहीं जोन से नहीं यहाँ पर उनको भी बाहर करते नजर आएंगे। गोलियों को शिकार बनाया जाएगा, लकी ने यहाँ पर वोल्टेक्स के एयर लोड को बाहर किया था, बट यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे प्लेयर्स को बाहर किया था। वोल्टेक्स की अपलिटी यहाँ पर टीम को ऑलमोस्ट बाहर कर दिया था। वोल्टेक्स के यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे थे, वो भी प्ले जोन से बाहर हो जाएंगे। गैंग 99 के प्लेयर्स टाइटन के प्लेयर्स के ऊपर भारी पड़ता नजर आएंगे। M4 के साथ उनको देखते देखते बाहर किया गया। टॉप टॉप टीम हमारे सामने आ चुके हैं, यहाँ पे गैंग 99 के प्लेयर्स एक नंबर पर नॉक पड़े। ओह माय गॉड ये होती है भाई जीत, ये होती है जीत अपने चारों प्लेयर्स के साथ। यहाँ पर फुल बूम बाप, थोड़ा सा सर्वाइवल यहाँ पे दिखाया। पहले 3 दिनों में बिल्कुल भी यहाँ पर एक भी चिकन रेयर इस टीम ने नहीं निकाला था, बट फाइनली यहाँ पर चिकन रेयर इनके सामने मुंह के सामने आ चुका है। एरिस अपनी टीम की ओर से अकेले बचे हैं, अब यहाँ पर इनको जीतने के लिए गैंग 99 के प्लेयर्स को यहाँ पर बाहर करना पड़ेगा। गैंग 99 के प्लेयर्स को कि दहाड़ को यहाँ पर हटा, इनके मुंह को बंद करना पड़ेगा इनके। तो फिलहाल एरिस अपनी टीम के यहाँ पर अकेले बचे, इस कारण M4 के साथ गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। वन प्लेस के साथ यहाँ पर मार्च एम रिपोर्ट करेंगे डाउन करने की कोशिश, बट देखते देखते फाइनली यहाँ पर इसके लास्ट प्लेयर भी बाहर होते नजर आएंगे। तो वेल गैंग 99 के प्लेयर्स इजली अपने 4-man एडवांटेज के साथ, बहुत ही प्यारे फिनिशर्स के साथ और अपनी गौजियों की बौछार के साथ इस वीरा चिकन रेयर को अपने खाते में ऐड कर चुके हैं। इनके फिनिशर इतने हैं कि थोड़ा सा काउंट करने में वक्त लगेगा। हेडशॉट अभी भी 0 फिनिश साथ, अब 0 फिनिश के साथ ही चिकन रनर ले गए हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने टीममेट के साथ इस जीत को जरूर एंजॉय करेंगे, अपने पहले चिकन रनर को जरूर एंजॉय करेंगे। 4 फिनिश के साथ ऑल्टर, 2 फिनिश के साथ डैडी और यहाँ पर 7 फिनिश के साथ माफिया खेलते नजर आ रहे हैं। तो वेल 13 फिनिश के साथ गैंग 99 के प्लेयर्स ऑन टॉप पे शो कर रहे हैं अपने आप को। इसके प्लेयर्स की बात करेंगे, नीचे मौजूद है, सेकंड प्लेस में मौजूद है, बट यहाँ पर फिनिशर्स इनके पास रिसेंट नजर आ रहे हैं। 3 फिनिश निकाले गए क्राइसिस के द्वारा, एंड एरिस ने यहाँ पे 1 फिनिश निकाला है और C9 जोजो ने 1 फिनिश निकाला है। तो 5 फिनिश के साथ ऑन सेकंड प्लेस से ही संतोष करेंगे इसके प्लेयर्स। ट्राई यहाँ पर अच्छा किया था अपने 3-man एडवांटेज को, काफ़ी देर तक यहाँ पर अलाइव रखा गया ऑन सेकंड पोजीशन पर, इसी मैन एडवांटेज साथ यहाँ पर एंड करते नजर आएंगे। गैंग 99 के प्लेयर्स उनको बाहर करते नजर आएंगे। टाइटन के प्लेयर्स की बात करेंगे, थर्ड पोजीशन पर मौजूद है, इनके पास भी काफ़ी अच्छे फिनिशर्स नजर आ रहे हैं। 1 फिनिश के साथ मैजिक दिखाई दे रहे हैं, 5 फिनिश के साथ स्नाइपर, 0-5 दिखाई देंगे 3 फिनिश के साथ। तो वेल यहाँ पर इस टीम ने 9 फिनिश के साथ इस मैच का एंड किया ऑन थर्ड प्लेस पे। SWYL के प्लेयर्स 3 फिनिशर निकाले गए लकी के द्वारा, 1 फिनिश निकाला गया रेओपी के द्वारा, एंड वोल्टेज के प्लेयर्स फिफ्थ प्लेस पे आएंगे 2 फिनिश के साथ, 1 फिनिश स्पाइडी एंड 1 फिनिश वाइपर। नोवा के प्लेयर्स की बात करेंगे, 3 फिनिश के साथ इस मैच को एंड करेंगे ऑन 6 प्लेस पे, जो कि ड्रैगर के द्वारा निकाले गए हैं, एंड ऑरा के प्लेयर्स 2 फिनिश निकाल करके इस मैच को एंड करेंगे 7 प्लेस पे, कैप्टन XD के फिनिश के साथ। यहां पर HS के प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे, अमर अब बहुत ही अच्छा सर्वाइव देखे गए अपनी टीम को, बट ओवरऑल 0 फिनिश के साथ ही 8 प्लेस से बाहर हो जाएंगे। 9th प्लेस पे दिखाई देंगे FE के प्लेयर्स, 2 फिनिश यहाँ पे ग्लैडिस ने निकाला है, एंड 1 फिनिश निकाला गया है क्रेटोस के द्वारा, और रैंप पे जहाँ पे निकाले हैं 3 फिनिश, 2 फिनिश। तो वेल यहाँ पर फिनिश पॉइंट के सहारे ही अपने पॉइंट टेबल में जगह बनाते नजर आएंगे FE के प्लेयर्स विद 5 फिनिश के साथ। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे OS के प्लेयर्स की, OS के यहाँ पर नियो दिखाई देंगे, नियो 98 विद 4 फिनिश के साथ, एंड सीएम दिखाई देंगे 2 फिनिश के साथ, 6 फिनिश के साथ OS के प्लेयर्स ऑन टॉप 10 में अपने आप को शो कर रहे हैं। ALIG के प्लेयर्स, इनका डोमिनेशन यहाँ पर कमाल का देखने को मिला था।
AMNT के प्लेयर्स जो कि पिछकल यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से सामने वाली टीम को बाहर करते हुए नज़र आ रहे थे, उनको बाहर किया गया था LIG के प्लेयर्स के द्वारा। तो फिलहाल उन्हीं के फिनिश के साथ इस मैच को एंड करेंगे। 3 फिनिश के साथ डैड दिखाई दे रहे हैं एलिक डैड, एंड यहाँ पर नजर आएंगे जिम्स 2 फिनिश के साथ। 5 फिनिश के साथ एलिक के प्लेयर्स ऑन 11 प्लेस पे संतोष करेंगे अब। एंड दूसरा बात करेंगे विजन के प्लेयर्स की, वैक्सीन के प्लेयर्स की। वैक्सीन ने यहाँ पर 2 फिनिश के साथ ही ट्राई के साथ बाहर होते नजर आएंगे। ऑन 12 प्लेस पे 2 फिनिश निकाले गए डी सिंह के द्वारा। TMNT के प्लेयर 0 फिनिश के साथ ही यहाँ पर ओपन में ही बाहर होते हुए नजर आए थे, 13 प्लेस से बाहर हो जाएंगे। एंड LTG के प्लेयर्स की बात करेंगे, 1 फिनिश निकाला गया गोस्ट LTG के द्वारा, 14 प्लेस से इस मैच को एंड किया इन्होंने। L4 के प्लेयर्स अर्ली एडमिशन फेस करेंगे, बट इन्होंने 1 फिनिश निकाल के अर्ली एडमिशन एक्सेप्ट किया है, सो यहाँ पर 1 फिनिश के साथ दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर SFLY प्लेयर्स 0 फिनिश के साथ ही ऑन 16 प्लेस से बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा फाइनल का तीसरा दिन यहाँ पर ये याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पर पहले मैच में गैंग डायनेस्टी के प्लेयर्स अपना पहला चिकन ले जाएंगे। गैंग डायनेस्टी के माइक यहाँ पर नजर आएंगे 7 प्लेयर्स के साथ गोइंग ऑल आउट में, अपने आप को टॉप फ्रैगर यहाँ पर दिखाएंगे इस मैच में। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे टाइटन के वेनम की, 2 बार रिवाइव देकर के बेस्ट कंपेनियन ने अपने आप को स्टार ऑफ द मैच में लेकर के आएंगे। एंड स्टार ऑफ द मैच यहाँ पर फाइनल एनिमेशन करके माफिया अगेन अपने आप को एज अ फिनिशर शो करेंगे, इस मैच को एंड करेंगे। तो वेल पहला मैच यहाँ पर गैंग डायनेस्टी के प्लेयर्स ने धमाका कर दिया है, बहुत ही प्यारा गेम प्ले। और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ हम उसे एक बार यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग को स्ट्रीम अच्छी लगी हो और किसी को कुछ मेरी बात बुरी लग रही है तो प्लीज़ यहाँ पे माफ़ी ज़रूर चाहेंगे, कभी कभी कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। वेल यहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट मैच के साथ, आपके नेक्स्ट चिकन डिनर विजेताओं के साथ।
don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
वेलकम एवरीवन। बात करेंगे सेकंड मैच की। सेकंड मैच हमारा वेकेंड ही नज़र आ रहा है एज इट इज़ आपके सामने। प्लेन पाथ भी दिखाई दे रहा है। प्लेन पाथ हमारा पेस्कोवा से होते हुए विनेरी के ऊपर एंड होगा। तो वेल सभी टीम्स अपने ड्रॉप लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं और ईजली यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। तो पेस्कोवा हमारी एक टीम उतरेगी एलटीजी के प्लेयर्स और ट्राई के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पर लूट करेंगे सक्सेसफुली। यहाँ पर एकेएम के साथ डीआईएस अर्जुन अपनी टीम की ओर से अपना गेम प्लेट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वेल अभी आई थिंक यहाँ पर एक ड्रॉप क्लैश भी है। तो यहाँ पर एस के प्लेयर्स कुछ ही दूरी पर ग्राउंड टीस पर नजर आएंगे। C9 जो एरिस एंड अननोन वाईटी और उनके साथ एक और प्लेयर्स खेलेंगे जिन्होंने कि पिछले मैच में एस के प्लेयर्स की ओपनिंग निकाली थी क्राइसिस। तो वेल यहाँ पर क्राइसिस भी लूट करते नजर आ रहे हैं। इनके पास थॉमसन गन आ चुकी है और भी यहाँ पर बेटर लूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास डबल टू का हेलमेट भी आ चुका है और धीरे धीरे ऐसे यहाँ पर लूट इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। क्राउड टीम से हमारे TNT के प्लेयर्स नजर आएंगे। एस के प्लेयर्स से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और एस के प्लेयर्स की ओर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं TMNT के करण UMP के साथ हैं। लेवन वन हेलमेट के साथ हैं और एक हेल्थ किट यहाँ पे दिखाई देगी करण के पास। दूसरी तरफ यहाँ पर रैफ लेवन वन वेस्ट के साथ अपना गेम प्ले कॉन्टिन्यू करते नजर आ रहे हैं। इनको DBS मिल चुकी है। लियोनार्डो की बात करेंगे, इनके पास PP बाजर दिखाई दे रही और दूसरे हाथ में इनके UMP है और इसके जो यहाँ पे TMNT के करण को स्पॉट भी करेंगे और बाहर करने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जैसा बता रहे थे कि उसी अलग डायरेक्शन थे और देखते देखते करण जी को बाहर भी कर दिया जाएगा। तो वेल यहाँ पे वन फ्रेंड्स के साथ C9 जो अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे अपने पूरे फोलमैन स्क्वाड के साथ। फिलहाल लेवन यहाँ पर हेलमेट ढूंढने की कोशिश रहेगी। तो अगर यहाँ पे जोनी जो जल्दी जल्दी अपने लिए हेलमेट ढूंढ पाए तो काफ़ी इनके लिए बेटर सिचुएशन हो सकती थी। अब यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जोन देखिए इनसे कितनी दूर जा चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2000 मीटर इनको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। तो वेल यहाँ पर जोन वेस्टर्न साइड को प्रीफर करेगा। कुछ टीम्स जोन के अंदर दिखाई दे रही हैं और मोस्टली टीम्स जोन के बाहर है। तो फिलहाल यहाँ पर जल्दी से जल्दी लूट करना पड़ेगा और बिना टाइम को गवाए हुए टीम्स को जोन के अंदर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। L4 के प्लेयर्स ऑन फायर यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर L4 के प्लेयर्स के पास फिर से नज़र नहीं आ रहे। ग्राउंड टीम्स में अभी भी कोई टीम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, बट X1X के प्लेयर्स कुछ ही दूरी पर मौजूद है। एक प्लेयर यहाँ पर लोकी नॉक हो चुके हैं L4 के प्लेयर्स के द्वारा। शंकर खेल रहे हैं एंड केरला FT खेलते हुए नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर ट्रायो के साथ X1X के प्लेयर्स गेम प्ले बनाने की कोशिश यहाँ पर गेम प्ले रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट लोकी नॉक है और शंकर यहाँ पर रिवाइव दे करके इनको भी फाइट में वापस यहाँ पर कराएंगे और यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस मैच में एक्टिवनेस बनाते हुए नजर आएंगे लोकी अपने आप को हील करके। L4 के प्लेयर्स धीरे धीरे क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लूट भी उसके साथ ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉर्ड पेन यहाँ पर M4 के साथ मौजूद है। इनके पास लेवल का हेलमेट एंड लेवल 2 का वेस्ट दिखाई देगा। अल्ट्रा की बात करेंगे, इनके पास M4 मौजूद है और इनके पास लेवल 2 हेलमेट एंड लेवल 1 वेस्ट दिखाई दे रहा है। व्हीकल भी सामने मौजूद है तो इस व्हीकल को छोड़ा नहीं चाहेंगे। जैसा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव सीन में होता ही है कि व्हीकल है तो आपके पास लास्ट जोन भी है।
L4 यहाँ पर यस दिखाई दे रहे हैं, L4 के यस यहाँ पर सामने स्पॉट कर चुके हैं लोकी को, फिर से यहाँ पर डाउन करने की कोशिश की जा रही है, बट लोकी फिलहाल बिना हेलमेट के ही दौड़ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने लिए कवर और अपने लिए अच्छा सा हेलमेट ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। एफी के प्लेयर्स, एफी के चांस यहाँ पर पिछले मैच में बहुत जल्दी फिनिश हो गए थे और फिलहाल यहाँ पर इस मैच में फिनिश नहीं होंगे, यहाँ पर दूसरों को फिनिश करते नजर आएंगे। वन फरिस के साथ रैम्पेज एंड क्रेटोस और ग्लैडेज उनके साथ खेलते नजर आ रहे हैं, सामने मौजूद है गैंग 99 के प्लेयर्स, एक प्लेयर फिनिश हो चुके हैं ऑल्टर। पिछले मैच में यहाँ पर विन अवरेंज कैंटर था और इस मैच में थोड़ा सा यहाँ पर पीछे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब ये ट्राई हो पिछले मैच की तरह इस मैच में भी दबदबा बना पाएगा सामने वाली टीम्स के ऊपर, या यहाँ पर इनको बाकी मैचेस की तरह पिछले वाले मैच को छोड़ करके इनको एंटर नहीं किया करने दिया जाएगा टॉप लिस्ट में। तो वेल यहाँ पर हेडशॉट खेल रहे हैं, माफिया खेल रहे हैं, एंड डैडी खेल रहे हैं और ऑल्टर फ्रिच हो गए, तो उनके बगने ही ये ट्रायो खेलते तो नजर आएगा। एंड X1X के प्लेयर्स काफ़ी यहाँ पर दूरी पर मौजूद थे और उसी दूरी के साथ यहाँ पर फाइट निकालने की कोशिश दिखाई दे रही है, बट ये कि एस के प्लेयर्स और एलटीजी के प्लेयर्स की भी यहाँ पे बड़े कुछ ही देर में हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर फेंस पे यहाँ पर टीपी पे लिया जा रहा है जोजो के द्वारा, तो बट यहाँ पर फेंस छोड़ेंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर कोशिश की जा रही है एलटीजी के प्लेयर्स को नॉक करने की और यहाँ पर लगातार स्प्रे भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है यूजी के, बट क्राइसिस यहाँ पर ईजी एक प्लेयर को नॉक कर देंगे। तो वेल यहाँ पर क्राइसिस के पास फिनिशेस मौजूद नहीं है, बट अपनी टीम की ओर से यहाँ पर फिनिशेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईएस के यहाँ पर एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं जो कि हैं डीआईएस अर्जुन एलटीजी, नो यहाँ पर जैबजेट एलटीजी। तो फिलहाल एलटीजी के प्लेयर्स काफ़ी दिक्कत में नजर आ रहे हैं, ट्रायो इनका ब्रेक होता नजर आ रहा है। गोस्ट की बात करेंगे G3 के साथ टीपीपी लेते नजर आ रहे हैं एस के प्लेयर्स के अगेंस्ट, एंड अर्जुन भी यहाँ पर टीपीपी लेते हुए ही नज़र आ रहे हैं ऑन ग्रास। तो क्या यहाँ पर अब ये डुओ सामने वाली फोर में एडवांटेज के प्लेयर्स को ब्रेक कर पाएगा। दूसरी तरफ बात करेंगे वैक्सीन के प्लेयर्स L4 के प्लेयर से पंगे ले चुके हैं और दो प्लेयर्स को यहाँ पे लगातार डाउन कर दिया गया है, तो फिलहाल बैरल का यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं वैक्सीन के प्लेयर्स, ट्रायो के साथ खेल रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर डीसिंग के पास अभी फिनिशर्स मौजूद नहीं है, व्हीकल के साथ यहाँ पर बाइक के साथ दिखाई दे रहे हैं, एंड दूसरी तरफ से रोपी यूजी के साथ आगे क्लोजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने टीममेट यहाँ पर गुज्जर नॉट के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर जीरो फिनिशर्स ही दिखाई दे रहे हैं। L4 के यहाँ पर एक प्लेयर अभी भी यहाँ पर नॉक पड़े हैं अल्ट्रा, और अगर अल्ट्रा को यहाँ पर रिवाइव नहीं मिला तो आई थिंक ब्रीडर होकर के फिनिश भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर रिवाइव की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अल्ट्रा रिवाइव होकर के अपने आप को हील करके फाइट में जल्दी से जल्दी एक्टिवनेस बनाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, बट दूसरी तरफ यहाँ पर श्योर ओपी नॉक होते नजर आएंगे XIS के प्लेयर्स के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर XIS के प्लेयर्स लोकी को खो चुके हैं और केरला FTW और शंकर यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं। शंकर ने अपनी टीम की ओर से ओपनिंग निकाली है, दो फिनिश के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं टीम को UMP के साथ एंड लेवल 2 हेलमेट लेवल 2 वेस्ट के सुरक्षा में। केरला FT प्रोनिंग पोजिशन में धीरे धीरे आगे साइलेंटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं स्लोली। सामने लॉर्ड पेन मौजूद है, लॉर्ड पेन आई थिंक इनको स्पॉट नहीं कर पाए हैं। तो वेल यहाँ पर क्या सिचुएशन होने वाली है, लॉर्ड पेन यहाँ पर बाहर होंगे या यहाँ पर X1X के प्लेयर, आई थिंक पेन ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया है और केरला को यहाँ पर स्पॉट जरूर कर लिया है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी भी यहाँ पर केरला को स्पॉट नहीं कर पाए, केरला यहाँ पर देखेंगे और UMP के साथ इस यहाँ पे लॉर्ड पेन को डाउन भी करेंगे और फिनिश भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रही है। L4 के यहाँ पे बाकी प्लेयर्स के ऊपर स्प्रे बनाने की कोशिश की जा रही है केरला के द्वारा, बट फिलहाल यहाँ पर लॉर्ड पेन ब्लीडर होकर के केरला को अपना फिनिश दे देंगे और E4 के प्लेयर्स भी यहाँ पर गैंग नाइन के प्लेयर्स का शिकार होते नजर आएंगे, बट फिलहाल यहाँ पे केरला बचे थे टीम के अकेले और L4 के प्लेयर्स उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यश यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, लॉर्ड पेन यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, अल्ट्रा यहाँ पर खेल रहे हैं एंड सुबजेट खेलते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर वन फिनिश के साथ ट्रायो यहाँ पर कायम रखने की कोशिश की जा रही है L4 के प्लेयर्स के द्वारा, बट यहाँ पर एक और फाइट चली थी हमारे गैंग 99 के प्लेयर्स फिर से यहाँ पर चिकन ट्रेन निकालने की आगे कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, फाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे MP5 के द्वारा। यहाँ पर गैंग 99 की हेडशॉट, एक फिनिश अपने खाते में ऐड कर चुके हैं, माफ यहाँ पे दिखाई देंगे, डैडी दिखाई देंगे। सामने FE के प्लेयर्स हैं, FE के यहाँ पर फोर में एडवांटेज साथ टीम खेलते हुए नजर आ रही है, दो फिनिशर्स निकाले गए रैंपेज वन फिनिश के साथ, चौंस वन फिनिश के साथ। E4 के प्लेयर्स की बात करेंगे, दो प्लेयर फिनिश हो चुके हैं इनके, यहाँ पर
पराग ज्ञान फिनिश हो चुके हैं, स्काइपो फिनिश हो चुके हैं, सिंजॉय और चेल्सी ही अपनी टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे। वैक्सीन के प्लेयर्स भाई साहब यहाँ पर दो प्लेयर फिनिश भी हो गए हैं, सेरोपी एंड गुजर नॉट, बट ओवरऑल यहाँ पर दो फिनिशर्स निकाले गए हैं डीसिंग के द्वारा और ये टीम 3 फिनिश के साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएगी विद द सपोर्ट ऑफ डीसिंग। जो होगा देखा जाएगा। जहमर और डी सिंह निकल पड़े हैं यहाँ पर सामने, प्री स्मोक किया गया है और स्मोक वॉल के सारे ही L4 के प्लेयर्स के ऊपर एग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने शुभ एंड यहाँ पर यस जैसे प्लेयर है जो फिलहाल यहाँ पर आई थिंक टफ सिचुएशन होने वाली डी सिंह के लिए। तो वेल यहाँ पर इनके पास बैरल मौजूद है और दो फिनिशर्स भी मौजूद है, तो कॉन्फिडेंस इनके पास बहुत ज़्यादा है और उसी का यहाँ पर यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी बुलेट का कनेक्शन बनाया जाएगा L4 के प्लेयर्स के द्वारा और यहाँ पर बाहर करने की भी कोशिश की जाएगी डी सिंह के प्लेयर्स, डी सिंह के यहाँ पर डी सिंह को यहाँ पर वैक्सीन के लास्ट प्लेयर को। तो स्मोक वॉल के सारे डीसिंग अपने आपको छुपा करके रखे हुए हैं और यस और सुब जेड उनको फिनिश करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए इधर उधर यहाँ पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं। बट डी सिंह एक प्लेयर को यहाँ पर इजी डाउन कर चुके हैं, यूजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैरल यहाँ पर रिलोड की गई है, यस के ऊपर यहाँ पर L4 के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सुब जेड अपनी टीम यहाँ पर यस अपनी टीम के ऊपर अकेले बचे हैं बट यहाँ पर देखते ही देखते बाहर हो जाएंगे। डी सिंह अपनी टीम की ओर से इकलौते प्लेयर, तो टू फिनिश के साथ L4 के प्लेयर्स टॉप 15 में अपने यहां पर जगह बना चुके हैं और भी यहां अपने आगे गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे इस मैच में। LC के प्लेयर्स ऐसे खेलते नजर आ रहे हैं, फिलहाल यहां पर पिछले मैच भी इनकी इतनी ज़्यादा फाइट देखने को नहीं मिली थी और शायद पिछले मैच में ये थे या नहीं थे यहां पर कोई आइडिया नहीं है, बट यहां पर इस मैच में हैं तो शायद यहाँ पर इनका डोमिनेशन देखने को मिलने वाला है। खेल रहे इसमें आना ओपी, स्प्रे बॉय और निशांत ओपी और रिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेल यहाँ पर फोर मैन यहाँ पर पूरी कंप्लीट स्क्वाड मौजूद है और ये स्क्वाड कब तक यहाँ पर डोमिनेशन स्टार्ट करेगी, कब तक यहाँ पर अपनी गन्स एंड यूटिलिटीज़ का यूज़ करते नजर आएंगे, कब यहाँ पर सामने टीम्स को यहाँ पर बाहर करने की कोशिश करेंगे, ये कुछ ही देर में हम लोग को इन्हीं के द्वारा पता चलने वाला है। ऑरा के प्लेयर्स G3 के साथ दिखाई देंगे प्रोटोटाइप और यहाँ पर कैप्टन XD खेलने, फायर पॉज खेलने एंड यहाँ पर आइए बैक नॉक होते नजर आएंगे वोल्टेक्स के साइको के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर वोल्टेक्स के साइको सरप्राइज अटैक देंगे और आके एक प्लेयर को M24 के साथ नॉक कर चुके हैं, बट साइको भी यहाँ पर काफ़ी डैमेज है तो अपने आप को हील करते नजर आएंगे। दूसरा यहाँ पर हेड करने की कोशिश कर रहे थे बट फिलहाल यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनाया जाएगा और यहाँ पर एक पुशिन भी होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर वोल्टेक्स के एक प्लेयर आगे जा चुके हैं जो कि हैं नोजी बॉय और सक्सेसफुली यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन भी कर दिया गया। तो फायर फीस नॉक पड़े हैं और उसी के साथ एक क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा और वोल्ट के प्लेयर्स यूटिलिटीज का यूज़ करते हुए नजर आएंगे। कंपाउंड के अंदर यहाँ पर यूटिलिटीज का कम्प्लीटली थ्रो किया जाएगा और एक यहाँ पर सभी पूरी यहाँ पर ओवरऑल टीम को बाहर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ओरा के प्लेयर्स एक फायर फीस को रिवाइव दे चुके हैं और फायर फीस अभी फिलहाल अपने आप को हील कर लेंगे और इस भी अपने G3 के साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। वोल्ट यहाँ पर एक्सपायरी ग्राउंड किया जाएगा G3 से प्रोटोटाइप के द्वारा एंड देखते देखते प्रोटोटाइप उन ER लॉर्ड को भी डाउन कर देंगे G3 के साथ और यहाँ पर AKM के साथ एक स्प्रे आएगा। वोल्टेक्स यहाँ पर लूजी बॉय को डाउन किया जाएगा, IM बैक डाउन जाएंगे AKM के साथ और आके प्रोटोटाइप भी AKM के साथ बाहर डाउन हो जाएंगे वोल्टेक्स के प्लेयर्स के द्वारा। दो यहाँ पर प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं, बैक नॉक हो चुके हैं और प्रोटोटाइप नॉक हो चुके हैं और सामने यहाँ पर वोल्टेक्स के प्लेयर्स भी अपने फोर में एडवांटेज के साथ खेल रहे थे। इसमें से यहाँ पर नोजी बॉय नॉक हो जाएंगे, स्पाइडी भी यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे यूजी के साथ कैप्टन XD के द्वारा और साइको अपनी टीम की ओर से अकेले बचेंगे। ER लॉर्ड भी फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लीडेड होकर के देखते ही देखते यहाँ पर और आके प्लेयर्स को फिनिश दे देंगे। तो फिलहाल यहाँ सॉरी वोल्टेक्स के क्या ही नशे में हम ओरा के प्लेयर्स को फिनिश दे देंगे। तो ओरा के प्लेयर्स अपने पूरी कंप्लीट स्क्वाड के साथ 3 फिनिश के साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे विद 1 फिनिश ऑफ IM बैक एंड 2 फिनिश ऑफ प्रोटोटाइप। काफ़ी अच्छे कंडीशन के साथ ये टीम अपने गेम प्ले को यहाँ पर शो करते हुए नजर आई थी। HS के प्लेयर्स नजर आएंगे कुछ ही दूरी पर मौजूद है, सामने यहाँ पर ओरा के प्लेयर्स को स्पॉट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर करने की कोशिश हो सकती थी बट अगर यहाँ पर HS के प्लेयर्स अभी नॉक नहीं निकालेंगे तो पुशिंग भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। काफ़ी यहाँ पर डिस्टेंस की फाइट है, प्रोटोटाइप काफ़ी लो HP के साथ मौजूद है, वॉल्टर उन्हीं के ऊपर एम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि
सामने ऑरा के किसी न किसी प्लेयर को ऑफ गार्ड स्पॉट करना ही चाहते हैं। एक्जेनस के प्लेयर्स भी कुछ ही दूरी पर मौजूद है और यहाँ पर वही दूरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्रे दे करके सामने प्लेयर्स को नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरा के एक यहाँ पर प्लेयर को नॉक कर चुके हैं फाइव फीस को, और बाकी यहाँ पर M4 विशेष के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते नजर आएंगे। किंग उनके साथ खेल रहे शिकारी सोनियो एंड कॉरिगन वाइटी HSK 98 के भी डोमिनेशन दिखाएंगे। तो वेल यहाँ पर 5 से 6 टीम्स ग्राउंड टीम्स में शो कर रही हैं और पासिंग पास यहाँ पे चलता नजर आ रहा है। एक यहाँ पर टीम नॉक कर रही है, फिर वो टीम किसी और को नॉक कर रही है, फिर वो टीम किसी और को नॉक कर रही है। HSK 98 यहाँ पर 98 के यहाँ पर नॉक कर चुके हैं 98 के G3 के साथ नॉक कर चुके हैं। इनके पास लेवल 3 वेस्ट दिखाई दे रहा है और लेवल 2 का हेलमेट इनके पास दिखाई दे रहा है, और हीडिंग्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। 6 हेल्थ के साथ हमने गेम प्ले को और यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ बूस्टर के साथ हमने गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं HS98। दूसरी तरफ बात करेंगे मोहित के पास M4 मौजूद है और ओरा के प्लेयर्स की ओर यहाँ पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। और अमन की बात करेंगे, इनके पास MP5 मौजूद है, बहुत ही स्टेबल चलती है, बहुत ही यहाँ पर रिलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर एक बार रिलोड कर लो तो आई थिंक 40 to 50 बुलेट से यहाँ पर चांस मिलता है आपको कनेक्ट करने का। वॉल्टर के प्लेयर्स की यहाँ पे वॉल्टर की बात करेंगे जो कि HSK प्लेयर्स हैं एंड यहाँ पर लेवल 2 वेस्ट लेवल 3 वेस्ट के साथ एंड लेवल 2 हेलमेट के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें विद G3 के साथ। पर दूसरी तरफ यहाँ पर ओरा के प्लेयर्स भी काउंटर करेंगे और काउंटर अटैक में यहाँ पर 1 से 2 बुलेट HSK यहाँ पर प्लेयर को हिट होती हुई नजर आएंगे। प्रोटोटाइप दिखाई दे रहे टूफनेस के साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर और के प्लेयर्स ने क्लोज इन किया है और वोल्टेक्स के प्लेयर्स को बाहर कर दिया है। वोल्टेक्स यहाँ पर एक ही प्लेयर आप खेलते नजर आएंगे साइको, जो कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर मौजूद है। फिलहाल एक बार जोन की ओर रुख मोड़ेंगे, हमारा सेकंड जोन है, सेकंड जोन कम्प्लीटली सीनिंग हो चुका है, थर्ड जोन कुछ ही देरी पर बनता हुआ नजर आएगा। अब ये थर्ड जोन देखना पड़ेगा अगर ये डोबरे मास्टर के फेवर करेगा, जी नहीं डोबरे मास्टर को तो फेवर नहीं करेगा। ईस्टर्न साइड यहाँ पे शिफ्ट लेगा और कम्प्लीटली यहाँ पर टीम्स को फेवर किया जाएगा जोन के द्वारा। L4 के प्लेयर जोन के बाहर दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे, रोटेशन यहाँ पर व्हीकल के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी यहाँ पर जोन के अंदर आएंगे और इन्हीं फाइट्स में अपना भी योगदान देने को यहाँ पर मौजूद होंगे। तो वेल यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्योज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, HSK प्लेयर्स, LG के प्लेयर्स, EXNS के प्लेयर्स, TMNT के प्लेयर्स, वोल्टेक्स के प्लेयर्स, ऑरा के प्लेयर्स, FE के प्लेयर्स भी कुछ दूर नहीं है एंड यहाँ पर नोवा के प्लेयर्स भी व्हीकल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ACE के प्लेयर्स फिलहाल भी स्केप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गोरखा के यहाँ पर वाटर एरिया के थोड़ा सा पीछे अपने गेम प्ले को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। TMNT के प्लेयर्स मौजूद थे बट यहाँ पर गन साउंड सुन के आई थिंक व्हीकल के साथ पीछे हटने की तैयारी भी दिखाई दे रहे और जल्दी जल्दी यहाँ पर निकलना चाहते हैं। L4 के प्लेयर्स ऐसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेल यहाँ पर ये केओज अब कौन एंड करेगा, कौन यहाँ पर इस केओज को यहाँ पर तोड़ना चाहेगा, ये देखने यहाँ पर बना रहेगा। ACE के प्लेयर्स भी व्हीकल के साथ इस यहाँ पर सिचुएशन को डिनाई तो नहीं कर रहे और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेल एक भी प्लेयर नॉक नहीं हुआ है, किसी ने यहाँ पर कुछ भी मिस नहीं किया है, बता देना चाहेंगे ताकि यहाँ पर कोई कुछ बोल ना दे। तो फिलहाल हमारा मैच एज कॉन्टिन्यूस चलता हुआ नजर आ रहा है। जॉन्स, रैम्पेज एंड क्रेटोस, ओपी और ग्लाइडेज अपनी टीम की ओर से टूफनेस के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में यहाँ पर 2 ही प्लेयर्स बचे हुए थे इन 20 मिनट्स में, बट यहाँ पर वैकेंडी के 20 मिनट्स में FE के प्लेयर्स सर्वाइवल निकाल रहे हैं अपने 4 में एडवांटेज के साथ, इसलिए अपने गेम प्ले कॉन्टिन्यू करते नजर आएंगे। गैंग डैंटियन के प्लेयर्स पिछले मैच के विजेता कुछ ही दूरी पर मौजूद है, यहाँ पर एक प्लेयर को खो चुके हैं, उसके ऊपर अभी भी स्कोपिंग किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसी ना किसी प्लेयर को बाहर किया जाए, नॉक निकाला जाए और यहाँ पर और भी फिनिशर्स ऐड किया जाए अपने खाते में। वेल अभी यहाँ पर कोशिश थोड़ी सी नहीं, यहाँ पर काफ़ी अनसक्सेसफुली दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ ही दूरी पर मौजूद हमारे LC के प्लेयर्स रियुक यहाँ पे दिखाई देंगे, निशांत, OP, एना एंड स्प्रे बॉय सामने। यहाँ पर आई थिंक LC के प्लेयर्स को ही पता होगा गैंग 99 के प्लेयर्स कुछ ही दूरी पर मौजूद है। फिलहाल गैंग 99 के हेडशॉट को तो पता ही है कि इस साइड कोई टीम है, तो इसलिए यहाँ पर सामने कोई भी रिएक्ट करते हुए नजर नहीं आ रही है। HS के प्लेयर्स की बात करेंगे, HS के यहाँ पर वॉल्टर खेल रहे हैं UMP के साथ, और दूसरी तरफ यहाँ पर LE के प्लेयर्स फाइट लेते नजर आएंगे, एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन कर चुके हैं अपने UMP के साथ एंड दूसरी तरफ उनको फिनिश करने की भी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। स्लॉट 19 में हमारे LE के प्लेयर्स मौजूद है, 0 फिनिश के साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। डैड खेल रहे हैं एंड यहाँ पर निबिल, OP खेलते नजर आएंगे, रियुक जिन खेल रहे हैं और LE जिन खेलते नजर आ रहे हैं। सामने गैंग 99 के प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर को नॉक करके उनको फिनिश करने की, ओ माय गॉड, M24 का कनेक्शन यहाँ पर रियुक जिन
और वो सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्शन बनेगा और गैंग डैंटन के प्लेयर्स का नाम उस कनेक्शन पे बनता हुआ नजर आएगा। तो वेल यहाँ पर एक प्लेयर नॉक थे, उनको यहाँ पर रिवाइव दिया गया था, आई थिंक डैडी ही नॉक थे क्या, वेल कोई भी नॉक था यहाँ पर इस वक्त फिलहाल यहाँ पर डैडी नॉक पड़े हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है गैंग डैंटन के प्लेयर्स के द्वारा। स्मोक वॉल बनाई जा रही है, उसी वॉल के यहाँ पर सपोर्ट में आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे गैंग डैंटन के प्लेयर्स अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। बट यहाँ पर सामने वाली टीम, यहाँ पर एलिक के टीम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि रिवाइवल दिया जाए, इसलिए लगातार स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने रोका जा रहा है गैंग डैंटन के प्लेयर्स के द्वारा कि यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को रिवाइव देने से। तो फिलहाल यहाँ पर ट्राइव के साथ ही गैंग डैंटन के प्लेयर्स के अपने मैच कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे एंड एलिक के प्लेयर्स अभी जीरो फिनिश के साथ मौजूद है, बट कुछ ही देर में यहाँ पर इनके खाते में फिनिशेज ऐड होते नजर आएंगे। नोवा के प्लेयर्स नजर आएंगे जीरो फिनिश के साथ, फोर मैन स्क्वाड यहाँ पर कंप्लीट स्क्वाड के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पैनिक जेली गोस्ट एंड ड्रैगर काफ़ी अच्छा सर्वाइवल यहाँ पर देखने को मिला है और 14 पोजीशन में थर्ड जोन में, यहाँ पर फिफ्थ जोन में इसलिए यहाँ पर सर्वाइव निकाला गया है। तो फिफ्थ जोन की बात करेंगे, गोरखा का यहाँ पर कम्प्लीटली एरिया जोन के अंदर दिखाई दे रहा और इसके थोड़ा सा पीछे भी यहाँ पर सदर्न एरिया भी जोन के अंदर मौजूद है जहाँ पे हमारे एचएस के प्लेयर्स आ चुके हैं जोन के अंदर, सक्सेसफुली जोन के अंदर यहाँ पर अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आएंगे। नोवा के प्लेयर्स एच पे यहाँ पर मौजूद है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ प्लेयर्स यहाँ पर नोवा के कुछ ही मीटर दून जोन से हैं, तो बाई यहाँ पर बाई स्टेप जल्दी से जल्दी अंदर जा करके एक अच्छा सा कवर ढूंढ करके डोमिनेशन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। एलसी के प्लेयर्स भी जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और बाई फुट यहाँ पर गैंग नाइन के प्लेयर्स भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेल यहाँ पर हेलमेट नहीं है, डैडी ओपी के पास नॉक हुए थे M24 के साथ, इनका हेलमेट उतरता हुआ नजर आया था। टीम एंटी के यहाँ पर लियोनार्डो पी बाइजन के साथ एक्सनेस के प्लेयर्स को डाउन करते हुए नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर क्रीचर्स निकालने की भी कोशिश की जाएगी, बट दूसरी तरफ गैंग नाइन यहाँ पर डैडी इनके पास हेलमेट नहीं है, बट दूसरे का भी हेलमेट यहाँ पर सक्सेसफुल निकाला जा रहा है। हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, सामने यहाँ पर नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टीम एंटी के यहाँ पर बात करेंगे, रैफ इजली यहाँ पर सामने अपने खाते में फिनिशेज ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम की ओर से। साइको अभी भी यहाँ पर सर्वाइवल खेल रहे हैं अपनी टीम की ओर से, सोलो यहाँ पर गेम प्ले निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक यहाँ पर जो टीम डोमिनेट कर रही थी, जो टीम यहाँ पर टीम एनटी के प्लेयर्स मौजूद थे, वो जीरो फिनिश के साथ ही ऑन 14 प्लेस पे एलिमिनेट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ डैडी भी यहाँ पर ब्लीड आउट होकर के फिनिश होते हुए नजर आएंगे। माफिया मौजूद है, अपने आप को बूस्टअप करते हुए नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पर M4 के साथ अपनी सारी लूट यहाँ पर ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, टीममेट को यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल माफिया हील बैटल यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पर बाकी प्लेयर्स डैडी हेडशॉट और अल्ट्रा फिनिश हो चुके हैं। वेल नेक्स्ट जोन बनेगा, नेक्स्ट जोन हमारा कम्प्लीटली ओपन एरिया में नज़र आ रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर रिचेस का कवर मिलने वाला है, बट काफ़ी टीम्स ओपन में नज़र आएंगी और रोड अभी यहाँ पर रोड के पास दिखाई दे रहे हैं हमारी एफ ई के प्लेयर्स, जिनके पीछे काफ़ी टीम्स यहाँ पे नज़र आएंगी। ग्राउंड टीम्स यहाँ पे पूरा भरा हुआ है एफ ई के प्लेयर्स के साथ, सामने यहाँ पे काफ़ी टीम्स नज़र आएंगी। यहाँ पे ग्राउंड टीम्स में दिखाई बोले तो यहाँ पर नज़र आएंगी E4 के सिंच जाए और यहाँ पर एक नॉक भी किया गया एफ ई के क्रेटॉस को यहाँ पे नेट से। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे एफ ई के प्लेयर्स, ऑरा के प्लेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एच एस के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, एल सी के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एच पे खेलते नजर आ रहे हैं नोवा के प्लेयर्स। नोवा यहाँ पर एल सी के प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं पता हो, माफिया अभी भी जोन के बाहर मौजूद हैं, रोड के यहाँ पर अगेंस्ट में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास व्हीकल नहीं है, बाई फुट अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ब्लीड आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, फिर से वहाँ पर वापस आने की कोशिश करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ HS के यहाँ पर 98 के डाउन होते हुए नजर आएंगे G3 से। एक कंपाउंड यहाँ पर तीन टीम्स मौजूद हैं और 98 के फिलहाल नॉक हुए थे, उनको यहाँ पर रिवाइव दिया जा रहा है। मोहित यहाँ पे दिखाई देंगे AKM के साथ, अमन दिखाई देंगे एंड दूसरी बात करेंगे वॉल्टर यहाँ पे दिखाई देंगे UMP के साथ Level 2 हेलमेट, जिनके जो कि इनका ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, यहाँ पर उतरने ही वाला है और यहाँ पर Level 3 का बेस्ट भी आधा डैमेज हो चुका है। एलिक के यहाँ पर डैड नॉक करते नजर आएंगे, एफ ई के ग्लैड जहाँ पे काउंटर फायर में RSS के प्लेयर्स एंड क्रूसी को ही बाहर कर देंगे और यहाँ पर फाइनली सीख बचे थे ग्लैड जहाँ पर जीते के साथ सीख को ही बाहर कर देंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की एंड जैसे यहाँ पर HS अमन दिखाई दे रहे हैं, इनके पास AKM मौजूद, Level 2 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे क्राइसिस भी एलिक के यहाँ पर प्लेयर्स को नेट से डाउन करते हुए नजर आएंगे।
अननोन वाईटी यहाँ पर एस के प्लेयर्स की ओर से गेम प्ले दिखा रहे हैं एंड वोल्ट के प्लेयर्स फाइनली यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। साइको जो कि अकेले सर्वाइवल यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे थे, सामने टीम्स से भिड़त होगी और देख देख के बाहर करते हुए नजर आएंगे। और चिल क्राइसिस अपने खाते में कितने सारे फिनिशेज ऐड करके गए हैं, यहाँ पर इनके पास MK14 मौजूद थी, उसी MK14 से फाइनल यहाँ पर फिनिश लेते हुए नजर आए थे। तो वेल अभी भी यहाँ पर HS के प्लेयर 0 फ्लेस के साथ ही अपने कंपाउंड के साथ गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। 7 फ्लेस के साथ हमारे एस के प्लेयर दिखाई देंगे, FP के प्लेयर्स विद 4 फिनिश के साथ अपने 4 में एडवांटेज साथ खेलते नजर आ रहे हैं। L4 के प्लेयर्स नजर आएंगे फिर 5 फिनिश के साथ, सुबजेड अकेले बचे थे उनको ही बाहर का रास्ता दिखाया गया है एस के प्लेयर्स के द्वारा। तो वेल एस के प्लेयर्स अपने खाते में और भी फिनिशेज, अपने पॉइंट टेबल में और भी फिनिशेज ऐड कर चुके हैं। LC के प्लेयर्स की बात करेंगे, दो प्लेयर नॉक हैं, स्प्रे बॉय एंड निशांत और रिफ और अना ही गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। और देखते देखते एक यहाँ पर प्लेयर निशांत ओपी फिनिश हो जाएंगे अपनी टीम की ओर से। LC के प्लेयर्स अपने ट्राइयों के साथ 3 फिनिशेज निकाल चुके हैं, निशांत ओपी फिनिश हो चुके हैं, स्प्रे बॉय यहाँ पर नॉक पड़े हैं, एना ओपी एंड रिव ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्प्रे बॉय को रिवाइव दिया गया, स्प्रे बॉय जल्दी से जल्दी अपने आप को हील करके फाइट में एक्टिवनेस बनाने की कोशिश करेंगे, अपने टीममेट को यहाँ पर सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। चिल क्रैसिस यहाँ पर ओवर उनके फिनिशेस देखेंगे भाई, ओह माय गॉड 6 फिनिशेस इस टीम ने, इस पंदे ने यहाँ पर क्रैसिस ने अपनी टीम की ओर से अकेले 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं यहाँ पर इस सेकेंड मैच वेकेंडी के मैप में। तो वेल यहाँ पर 6 फिनिश के साथ क्रैसिस अपने टीममेट को रिवाइव देंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर सामने फिनिशेस को देखते हुए नजर आएंगे और सामने टीम्स को भी यहाँ पर दिक्कत बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। नॉन वाइटिंग की बात करें, इनके पास 1 फिनिश दिखाई दे रहा है, एरिस के पास 2 फिनिश दिखाई दे रहे हैं एंड C9 चीजों के जोजो के पास 1 फिनिश दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारी टॉप 7 टीम्स सामने नजर आ रही है और अगर प्लेयर काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रहे थे, बट अभी फिलहाल कंपाउंड के सहारे थोड़ा सा सर्वाइवल निकालने की कोशिश की जा रही है। जोन यहाँ पर इनसे हटेगा और यहाँ पर काफ़ी दिक्कत देने वाला है, व्हीकल के साथ रोटेशन की तैयारी में नजर आएंगे हमारे ऑरा के प्लेयर्स कुछ ही देर में। बट बात करेंगे FP के प्लेयर्स की एंड चिल क्राइसिस फिर से यहाँ पर NC के क्लाउज जी को फिनिश करते नजर आएंगे। ओह माई गॉड 7 फिनिशेज और अभी भी यहाँ पर रुक नहीं रहे, अपने MK का यहाँ पर कंप्लीटली यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इस टीम ने यहाँ पर अपने 4 में एडवांटेज था, अभी भी इनका सर्वाइवल यहाँ पर निकल रहा है और सर्वाइवल से जो ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेशन निकाला जा रहा है। 11 फिनिश के साथ अपने आप को ऑन 7th प्लेस पे अपने आप को शो करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी यहाँ पर इस पोजीशन को अपग्रेड किया जाएगा। फिलहाल UMP के साथ यहाँ पर रैंपस दिखाई, थॉमसन के साथ रैंपस दिखाई देंगे, एक प्लेयर को नॉक किया है बट यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स यहाँ पर उनको भी नॉक कर देंगे। FE के प्लेयर्स फिलहाल अच्छे फिनिश के साथ थोड़ा सा जोन की यहाँ पर दिक्कतें सहते हुए नजर आएंगे। वेल टॉप 4 टीम्स हमारे सामने नजर आ रही है, मोहित भी यहाँ पर FE के रैंपेज एंड ग्लैडेज को यहाँ पर बाहर करते नजर आएंगे अमन, और दूसरी तरफ बात करेंगे एस के यहाँ पर C9 जो सामने टीम्स को दिक्कत देंगे एंड स्प्रे बॉय जोन से बाहर होते हुए नजर आएंगे। प्ले जोन से यहाँ पर वॉल्टर भी बाहर हो जाएंगे एंड दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर HS वॉल्टर बाहर हो गए हैं और HS अमन भी यहाँ पर फिनिशेस देखे गए हैं। यहाँ पर चिल क्राइसिस अपनी गन्स के साथ अपने यहाँ पर MK के साथ और भी फिनिशर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं G3 के साथ लॉन्ग रेंज में सक्सेसफुली फाइट यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक जनस के प्लेयर 6 फिनिश के साथ अपने एक प्लेयर को खो चुके हैं, सुनिए वाइटी कॉरिगन एंड शिकारी किंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फिश यहाँ पे किंग ने निकाले, 1 फिश निकाला गया है कॉरिगन के द्वारा। दूसरी तरफ बात करेंगे गैलेक्टस की, गैलेक्टस अपनी टीम के अकेले बचे हैं, क्लाउज यहाँ पर फिनिश हो गए थे, सामने इनके नजर आए थे क्राइसिस। तो फिलहाल यहाँ पर क्राइसिस इस व्हीकल पे भी नज़र बनाए होंगे और स्मोक में यहाँ पर लगातार इस व्हीकल की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म करना चाहेंगे, अगर इनके पास यूटिलिटीज़ हो तो इजली यहाँ पर एक यूटिलिटीज डाल करके कंफर्म कर सकते हैं, बट ग्लैक्टस अपनी टीम को सर्वाइवल पॉइंट इजली निकाल के दे रहे हैं और टॉप 3 में फिलहाल यहाँ पर ये टीम तो कम्प्लीटली आ ही चुकी है। बट दूसरी तरफ से एजनेस के प्लेयर्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है सामने सामने दो टीम्स नजर आ रही हैं, एक्जेनस के प्लेयर्स भी यहाँ पर चिकन रन निकाल के ले जाना चाहते हैं। तो वेल यहाँ पर ट्रायो यहाँ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है, सुनियो यहाँ पर नहीं है तो उन्हीं के बगैर यहाँ पर ये ट्रायो गेम प्ले अपना कंटिन्यू करता नजर आएगा विद 6 फिनिश के साथ, 1 फिनिश के साथ यहाँ पर कॉरिगन दिखाई दे रहे हैं, सामने अपने टीममेट को बहुत ही अच्छा UMP के साथ कवर देते हुए नजर आ रहे हैं। किंग यहाँ पर 1v1 फाइट इनिशिएट कर चुके हैं बट दूसरी तरफ से यहाँ पर अननोन शिकारी को बैरल से डाउन कर देंगे।
कॉनिगन भी यहाँ पर इनसे जोन थोड़ा सा खफा दिखाई दे रहा है, और देखते देखते सामने यहाँ पर प्लेयर से नॉक हो जाएंगे और ओवरऑल ये सेकंड मैच का भी रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर विने विने चिकन रनर, ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारे फिनिश के साथ एस के प्लेयर्स लेकर के गए हैं। एट फिनिश के साथ क्राइसिस द वन एंड ओनली यहाँ पर अपनी टीम की ओर से एट फिनिश निकाले हैं। इस मैच को यहाँ पर विने विने चिकन रनर के साथ इन्जॉय करेंगे। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर अननोन वाइटी ने 3 फिनिश निकाले हैं, एरिस ने यहाँ पर 2 फिनिश निकाले हैं, 3 फिनिश निकाला गया जोजो के द्वारा। तो वेल यहाँ पर 21 फिनिश के साथ एस के प्लेयर्स इस मैच को एंड करेंगे बहुत ही यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ फिनिश के साथ। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर एजनेस के प्लेयर्स की सेकंड पोजीशन पर नजर आ रहे हैं, 7 फिनिशेस निकाले गए हैं। सुनियो विद 1 फिनिश के साथ, कॉरियन यहाँ पर 1 फिनिश के साथ, और किंग 5 फिनिश के साथ नजर आएंगे। तो एंड यहाँ पर थर्ड प्लेस पर नजर आएंगे हमारे आरएसएस के प्लेयर्स। आरएसएस के यहाँ पर लैक्टस ने अपनी टीम की ओर से सर्वाइवल भी निकाला है और यहाँ पर एक फिनिश भी निकाला है। तो फिलहाल यहाँ पर 1 फिनिश के साथ थर्ड प्लेस से ही संतोष करेंगे हमारे आरएसएस के प्लेयर्स। एंड फोर्थ प्लेस पर हमारे नजर आएंगे एलसी के प्लेयर्स, जिसमें जिन्होंने यहाँ पर 3 फिनिश निकाले, 1-1-1 फिनिश के साथ इस मैच को एंड किया है। इस बॉय विथ 1 फिनिश, रीफ विथ 1 फिनिश एंड निशांत ओपी विथ 1 फिनिश के साथ। एचएस के प्लेयर्स 2 फिनिश के साथ इस मैच को एंड करेंगे, मोहित 1 फिनिश के साथ, अमन विथ 1 फिनिश के साथ। एंड एफई के प्लेयर्स जो कि अभी यहां पर काफ़ी अच्छा गेम प्ले यहां पर शो करते नजर आ रहे थे, काफ़ी यहां पर फिनिशेस निकाल कर ले गए हैं इस मैच से। 4 फिनिश के साथ रैंपस दिखाई देंगे, 3 फिनिश के साथ ग्लैडिस नजर आएंगे, चॉन्स विथ 1 फिनिश के साथ। ओवरऑल ये टीम 8 फिनिश के साथ ऑन 6 प्लेस से बाहर हुई है। ऑरा के प्लेयर्स 3 फिनिश के साथ, कैप्टन एक्सडी के मैच के फिनिश के साथ इस मैच को एग्जिट करेंगे। आई एम बैक यहाँ पर 3 फिनिश नजर आएंगे एंड 2 फिनिश साथ प्रोटोटाइप के भी। तो वेल यहाँ पर इस मैच से 8 फिनिशेस निकाल के ले गए हमारे ओरा के प्लेयर्स ऑन 7 प्लेस पर। एंड नोवा के प्लेयर्स की बात करेंगे, नोवा के प्लेयर्स ड्रैगर के 1 फिनिश के साथ 8 प्लेस पर इस मैच एग्जिट करेंगे। L4 के प्लेयर्स विद 5 फिनिश के साथ, 2 फिनिश सबजेड एंड अल्ट्रा के 1 फिनिश के साथ, और यस के 2 फिनिश के साथ इस मैच को एंड करेंगे विद 5 फिनिश के साथ। 10th प्लेस पर मैच दिखाई देंगे, ALIG के प्लेयर्स 0 फिनिश के साथ बाहर हो जाएंगे। वोटेक्स के प्लेयर्स भी 0 फिनिश के साथ ऑन 11th प्लेस पर बाहर जाएंगे। गैंग 99 के प्लेयर्स 1 फिनिश के साथ, जो कि हेडशॉट के द्वारा निकाला गया है, ऑन 12th प्लेस से इस मैच में संतोष करते हुए नजर आएंगे। पिछला मैच यहाँ पर इनका चिकन रन था, बट इस मैच में बहुत ही खराब कंडीशन में इस मैच को एंड किया है इन्होंने। E4 के प्लेयर्स 0 फिनिश के साथ 13th प्लेस पर बाहर होंगे। एंड TMNT के प्लेयर्स भी यहाँ पर काफ़ी खराब कंडीशन में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच भी यहाँ पर इनकी ओर से कोई भी फिनिश पॉइंट देखने को नहीं मिला था, और इस मैच में भी कोई भी फिनिश पॉइंट देखने को नहीं मिला है, और सर्वाइवल भी यहाँ पर काफ़ी वीक होता हुआ नजर आया है। ऑन 14th प्लेस पे TMNT के प्लेयर्स अपने 4 प्लेयर्स के साथ एग्जिट कर जाएंगे इस मैच से। यहाँ पर LTG के प्लेयर्स ट्राई खेल रहे थे, 0 फिनिश के साथ 15 प्लेयर्स से बाहर हो जाएंगे। एंड वैक्सीन के प्लेयर 3 फिनिश के साथ, 1 फिनिश यहाँ पे सुहेर ओपी और डी सिंह के 2 फिनिश के साथ इस टीम मैच में यहाँ पर सेकंड एडमिशन होने वाली टीम बनेंगे, और फर्स्ट एडमिशन हमारे सो फेस करते नजर आएंगे X1X के प्लेयर्स। 2 फिनिश निकाले गए हैं शंकर FT के द्वारा, एंड यहाँ पर केरला FT यहाँ पर 1 फिनिश निकाल करके ओवरऑल 3 फिनिश के साथ X1X के प्लेयर्स ऑन 17th प्लेस पर फर्स्ट एडमिशन फेस करेंगे। वह बात करेंगे यहाँ पर एस के प्लेयर्स की, विनर चिकन बहुत ही प्यारे 21 फिनिश के साथ इस मैच में ले गए हैं। एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पता नहीं कहाँ दिमाग है, कैलकुलेशन ही गलत हो गई है, बट फिलहाल यहाँ पर अच्छे फिनिशेस हैं हमारे, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे फिनिशेस हैं एस के प्लेयर्स के, 21 नहीं थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखाई फिनिशेस हैं। बट यहाँ पर चिकन रन तो चिकन रन ही होता है, किंग तो यहाँ पर किंग ही होता है, चाहे यहाँ पर बच्चा किंग हो चाहे यहाँ पर एक यंग किंग हो। तो फिलहाल हमारे एस के प्लेयर्स इस मैच में किंग है, और स्टाफ द मैच में अपने आपको दोबारा यहाँ पर एस के प्लेयर्स शो जरूर करेंगे। एज अ फाइनल एनिमेशन फिनिशर नजर आएंगे एस के यहाँ पर C9G जो इस मैच को एंड करेंगे विथ 3 फिनिश के साथ। एंड यहाँ पर 4 बार रिवाइव दे करके और आके फायर फॉस्ट बेस्ट कंपेयर में अपने आप को शो करेंगे। एंड गोइंग ऑल आउट में यहाँ पर हाईएस्ट फिनिशर निकाले गए हैं चिल क्राइसिस के द्वारा। अगेन एस के प्लेयर्स अपने आप को गोइंग ऑल आउट में शो करते हुए नजर आए, गोइंग ऑल आउट में शो करेंगे क्राइसिस के द्वारा 8 फिनिश के साथ। तो वेल यहाँ पर सेकंड मैच का भी एंड हो चुका है, और सेकंड मैच में हमारे एस के प्लेयर्स, पहला मैच हमारा गैंग 99 के प्लेयर्स ले गए थे और ये मैच हमारे एस के प्लेयर्स ले गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, और इसी मैच को यहाँ पर ऐसे ही दिन अभी
इस दिन को। अभी यहाँ पर दो मैच के साथ और भी कैरी किया जाएगा, तो फिलहाल आज की शाम यहाँ पर दो मैच ख़त्म हो गए हैं और दो मैच के यहाँ पर चिकन रन निकल चुके हैं। तो दो मैच को अभी यहाँ पर कुछ ही देर में उनके भी चिकन रन देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल आप लोगों से लेंगे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर ब्रेक, आप लोगों से मिलते हैं आपके नेक्स्ट थर्ड मैच के साथ। Echoes of your voice.
So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay, won't look away. हमारा लास्ट सेकंड मैच, मतलब कि हमारा थर्ड मैच सामने स्टार्ट हो चुका है और हमारा सामने नज़र आ रहा है वेकेंडी। तो फिलहाल यहाँ पर पिछला मैच वेकेंडी था और ये मैच भी वेकेंडी हमारा होने वाला है। और प्लेन पास हमारे सामने नज़र आएगा विनेरी से होकर के
क्रीचास और डोबरमेस्टो के सेंटर में एंड होगा। तो वेल यहाँ पर ईस्टर्न और सदर्न साइड प्रेफर करता हुआ नजर आ रहा है प्रेमपात, बट टीम्स यहाँ पर इस मैप को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हैंडल करती नजर आएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर व्हीकल के साथ कॉस्मोड्रोम, तो यहाँ पर शायद ही कोई टीम जाए, बट यहाँ पर पोर्ट और जो बाबा जैसे यहाँ पर ड्रॉप जल्द जरूर यहाँ पर प्रीफर किए जाएंगे टीम्स के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी टीम्स उतर भी चुकी हैं और लूट यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज फेस होने को दिखाई दे रहा है और देखते देखते यहाँ पर शंकर FTW नॉक भी हो जाएंगे और फिनिश भी हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर L4 के लॉर्ड पेन अपने यहाँ पर 1 फिनिश के साथ ओपनिंग निकाल यस यहाँ पर निकाल चुकी हूँ ओपनिंग। तो वेल यहाँ पर फर्स्ट ब्लड यस के नाम होता हुआ नजर आएगा एंड दूसरी तरफ X1X के प्लेयर्स अपने एक प्लेयर की बिना ही खेलते नजर आएंगे। यूजी के साथ दिखाई दे रहा है रीतिक FTW FT यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं सामने L4 के प्लेयर्स को स्पॉट एंड नॉक करने की। इनके पास Level 2 का हेलमेट मौजूद है, Level 1 का वेस्ट मौजूद है। दूसरी तरफ बात करेंगे केरला यहाँ पर DBS के साथ हैं, M4 के साथ मौजूद है। तो बीस्ट यहाँ पर लूट हो चुकी है, हेलमेट की अगर थोड़ी सी यहाँ पर कमी पूरी हो जाए तो आई थिंक केरला यहाँ पर सामने L4 के प्लेयर्स को बाहर इजिली कर सकते हैं। लोके की बात करेंगे, इनके पास UZ मौजूद है, Level 1 का वेस्ट यहाँ पर हेलमेट दिखाई दे रहा है। एंड L4 के प्लेयर्स की बात करेंगे अल्ट्रा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शुभ दिखाई दे रहे हैं, यस दिखाई दे रहे हैं, लॉर्ड पेन दिखाई दे रहे हैं और देखते देखते यहाँ पर एक्जेनेस के प्लेयर्स भी डोमिनेट करते नजर आएंगे। कॉरिगन वाइटी ने अपने लिए 1 फ्रिश निकाल लिया है, अपनी टीम से काफ़ी दूर है और ग्राउंड टीम्स में भी कोई शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 फ्रिश साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। सूर्यो खेल रहे हैं, शिकारी खेल रहे हैं, किंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं एक्जेनेस की ओर से। तो पहले यहाँ पर ओपनिंग निकल चुकी, कॉरिगन वाइटी ईजी यहाँ पर फ्रिश अपने टीममेट्स के साथ शेयर करेंगे पॉइंट टेबल में। हेलमेट नहीं किंग के पास, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर हेलमेट की ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, तभी यहाँ पर ओपन में अगर जाएं तो काफ़ी यहाँ पर सही रह सकता है। बट जोन की बात करेंगे, वेस्ट जोन हमारा सदर्न एंड वेस्टर्न एरिया को परफेक्ट करते हुए नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मोस्टली टीम्स जोन से यहाँ पर दूर रही हैं, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी फाइट यहाँ पर लूट वूट को पूरा करके इजली यहाँ पर कुछ ही मीटर दूर जोन है तो जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। बट RSS के प्रेस को देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर जोन को हैंडल किया जाए। तो फिलहाल उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर लूट करके अर्ली रोटेशन देना ही पड़ेगा। और हाँ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे वो एक बात, सब लोग कमेंट चैट में पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट टेबल पॉइंट्स यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा, तो भाई वो उस हमें इस कहते हैं हमें मैनेजमेंट की ओर से कोई भी साइन नहीं मिला है। आप लोग चिंता मत करो, शायद इंस्टाग्राम आपने अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर दो, आपको शायद वहाँ पर अपडेट मिलेगा या तो फिर अरे मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करो ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा। आपने गेम खेला यार, गेम निकाला आपने और यहाँ पर आप लोग अभी भी खेल रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे वही मत हो, आप लोग को पॉइंट टेबल मिलेगा और यहाँ पर जितना रिजल्ट है सब आपको मिल जाएगा। हमें भी नहीं पता है कि अभी यहाँ पर कहाँ पर ये पॉइंट टेबल यहाँ पर कब शो होगा। वेल यहाँ पर मैच में फिर से वापस आएंगे, TMNT के प्लेयर्स को हम देख रहे हैं और TMNT के लिनार्डो लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। UZ Level 2 हेलमेट Level 2 वेस्ट के साथ एंड काफ़ी अच्छी हीलिंग्स के साथ लूट कर रहे हैं। मिकी यहाँ पर Level 2 वेस्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर टीममेट के पास जा करके लूट यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हेलमेट नहीं है रैप के पास, तो फिलहाल यहाँ पर हेलमेट ढूंढें और वेस्ट अपग्रेड करें तो काफ़ी यहाँ पर इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। करण जी की बात करेंगे, 11-1 हेलमेट एंड 11-1 वेस्ट के साथ G3 के साथ ओपन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे एक ग्राउंड टीम भी है जो कि यहाँ पर FE के प्लेयर्स हैं, तो वेल यहाँ पर FE के टॉस दिए नजर आ रहे हैं एंड ग्लैडिच दिखाई दे रहे हैं। SWYL के लकी यहाँ पर SFYL के प्लेयर्स को डाउन करते नजर आएंगे। एक प्लेयर यहाँ पे फिनिश भी हो चुके हैं जो कि किंग विश थे एंड यहाँ पर एक फिनिश भी ले गए हैं SWYL के लकी अपने खाते में ऐड करके। तो फिलहाल यहाँ पर ओपनिंग निकल गई है SWYL के प्लेयर्स की, तो यहाँ पर ये टीम और भी कोशिश करेगी कि यहाँ पर बाकी प्लेयर्स को भी स्पॉट करके बाहर किया जा सके। पेगासस खेल रहे हैं SFYL में एंड शेडो खेल रहे हैं और कैरेकिन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैगमा सर यहाँ पर नजर आएंगे SWYL में SFYY में, यहाँ पर पेगासस शेडो एंड कैरेकिन खेल रहे थे। SWYL में मैगमा सर लकी एंड किंग और रियोपी खेलते नजर आएंगे। मैगमा अपनी गन के साथ अपनी M4 के साथ TPP ले रहे हैं पत्थर के कोर में, तो क्या यहाँ पर स्पॉट करके किसी और प्लेयर को नॉक कर सकते हैं।
सॉरी फॉर स्मॉल इंटरप्शन, उसी यहाँ पर हम देख रहे थे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टीम से फाइट भी देते नज़र आ रही थी, तो जल्दी जल्दी इनको कवर अप करना चाहेंगे। बट उससे पहले एक बार मैप पर नज़र डालेंगे, मैप हमारा नज़र आएगा और यहाँ पर टीम रोटेशन के साथ जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पर गैंग 99 के प्लेयर्स ईजली यहाँ पर एक टीम एग्जनेस के प्लेयर्स के बगल से निकल जाएंगे, बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी एग्रेसिवनेस एंड यहाँ पर कोई गन पावर यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा एग्जनेस के प्लेयर्स के द्वारा। कॉरिगन वाइटी इसमें खेलते हुए नजर आएंगे, वन फ्रेश यहाँ पर निकाल लिया गया था बहुत पहले ही कॉरिगन वाइटी के द्वारा, UMP के साथ खेल रहे हैं एंड इनके पास लेवल 3 हेलमेट लेवल 2 वेस्ट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर विनेरी में काफ़ी सेफ यहाँ पर खेलने की कोशिश थी SFLY के प्लेयर्स की, बट सामने एक यहाँ पर अभी भी टीम इनके साथ भिड़ी हुई है HWYL के प्लेयर्स, जो कि काफ़ी यहाँ पर डाउन डैमेज देते नजर आ रहे हैं। TMNT के यहाँ पर प्लेयर्स पिछले दो मैच काफ़ी यहाँ पर खराब प्रदर्शन शो करते हुए नज़र आए थे और यहाँ पर उसी प्रदर्शन को इस बार थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। अर्ली यहाँ पे फाइट लिया है, दो फिनिशर्स निकाले गए, मिकी ने वन फिनिश निकाला, रैप ने यहाँ पे निकाला है। ग्राउंड टीम्स में एग्जनेस के प्लेयर शो कर रहे हैं एंड एफी के प्लेयर शो कर रहे हैं, तो एफी के यहाँ पर दो प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, ग्लैडेज एंड क्रेटोस। अब रैम्पेज और चॉन्स उनके बिना ही खेलते हुए नजर आएंगे विद डुओ एंड SWYL के RayOPB MP5 के हेल्प से एक नॉक निकालते नजर आएंगे। TMNT के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर टू फिनिश के साथ कोशिश कर रहे हैं कि और ये प्लेयर्स को स्पॉट करें और उनको बाहर का रास्ता दिखाते नजर आएँ। तो वेल यहाँ पर ये टीम जोन के अंदर है और इजली यहाँ पर अपनी फाइट को ऐसे ही कंटिन्यू रख सकती है। एफी के बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है TMNT के प्लेयर्स के द्वारा, मिकी विथ थॉम्सन एंड M4 के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर TMNT के अंदर प्लेयर करण जी की, जो कि पिछले वेकेंडी के मैप में सबसे पहले अपनी टीम की ओर से एग्जिट किया था उन्होंने, यहाँ पर AKM के साथ 11 हेलमेट एंड 11 वेस्ट के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारी एक और फाइट है यहाँ पर जो चल रही थी SFLY एंड HWY, कितना टफ नाम है यार, YL के प्लेयर्स की, वो यहाँ पर दोबारा इनशॉट होती नजर आई है और दोबारा यहाँ पर रिजल्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आया। बट एक नीड आएगा शैडो का, सक्सेसफुली लकी डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर किंग भी डाउन हो जाएंगे। तो वेल शैडो यहाँ पर SFYL के प्लेयर्स अपने दो मैन यहाँ पर खो चुके हैं, बट फिलहाल यहाँ पर उम्मीद रखते हैं वापसी करने की। शैडो यहाँ पर MP5 के साथ एक प्लेयर को पहले ही नॉक कर चुके थे, बट रिवाइव हुआ फिर से यहाँ पर नेट के साथ नॉक कर देंगे इजली और देखते देखते उनका फिनिश भी ऐड कर सकते थे। बट एक स्प्रे आएगा मैगमा सर का और शैडो को भी यहाँ पर धराशायी कर दिया जाएगा। फैक्टर्स भी यहाँ पर कवर देते हुए नजर आएंगे अपने टीममेट का और देखते ही देखते ओह माय गॉड SWYL के प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया। SFYL के प्लेयर्स इजली यहाँ पर फोर फिनिश के साथ इस फाइट को विन कर जाएंगे, बस बट दो यहाँ पे दो प्लेयर्स के बिना ही अपने गेम प्ले को आगे शो करते हुए नजर आएंगे। कैरेकिन एंड किंग विश यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, तो शैडो यहाँ पर दिखाई देंगे, पेगासस यहाँ पे दिखाई देंगे, पेगासस 3 फिनिश के साथ एंड शैडो विथ 1 फिनिश के साथ। MP5 यहाँ पे मौजूद है उसी के साथ, अभी यहाँ पर फिलहाल स्टे करेंगे शैडो अपने आप को हील करके अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ X1X के प्लेयर्स डोमिनेशन करते नजर आ रहे हैं, इनके एक प्लेयर शंकर FT बहुत पहले ही फिनिश हो गए थे। फिलहाल यहाँ पर एक L4 के प्लेयर को नॉक दिया गया जो कि लॉर्ड पेन है, बाकी यहाँ पर ESP काफ़ी डैमेज है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को हील करना चाहेंगे और लॉर्ड पेन को रिवाइव दे करके दोनों ही प्लेयर्स इस मैच में वापसी करना चाहेंगे। शुभ शो में यहाँ पर दिखाई दे रहे PP बाइजन के साथ अपने लॉर्ड पेन को नहीं बचा पाएंगे और देखते देखते यहाँ पर बाहर होते, ओ माई गॉड MG3 भी चलती हुई नजर आ रही है। MG3 भी यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप भी यहाँ पर लूटा गया है टाइटन के प्लेयर्स और लूट ड्रॉप के पास नज़र आ रहे हैं फिलहाल और इजली यहाँ पर दो फ्रेंस के साथ TMNT के प्लेयर्स भी नजर आएंगे ड्रॉप के पास। तो फिलहाल यहाँ पर TMNT के प्लेयर्स ने दो फ्रेंस बहुत पहले ले लिए थे एंड टाइटन के प्लेयर्स ने भी दो फ्रेंस ले लिए थे और इजली यहाँ पर कनेक्शन भी बनाया जाएगा। FP के यहाँ पर चॉन्स टाइटन के स्नाइपर का शिकार बनेंगे एंड मिकी यहाँ पर टाइटन मैजिक को डाउन करेंगे, टाइटन मैजिक को फिनिश भी कर देंगे M4 के साथ। TMNT के रैफ ने अपने खाते में एक फिनिश ऐड कर लिया एंड यहाँ पर इनके पास तो फिनिशर्स था ही था, यहाँ पर एक और फिनिश इन्हेंस करते हुए नजर आए TMNT की मिकी यहाँ पर टू फिनिश खेलते नजर आएंगे एंड रैफ इस वन फिनिश के साथ और लियोनार्डो और करण जी बहुत अच्छा सपोर्ट अपने टीममेट के साथ कंडीशन बनाने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइटन के यहाँ पर इस टाइम पर टू फिनिश निकाले अपनी टीम की ओर से वेनम एंड ZU5 उनके साथ खेलते नजर आ रहे हैं मैजिक, बट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं तो मैजिक के बिना ये टीम अपना गेम प्ले शो करेगी। ग्राउंड टीम्स में हमारे एक लाइन यहाँ पर टीम एक लाइन अप OS की रोटेशन लेती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर
ट्राइव के साथ ये मैच कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनको हाइट का एडवांटेज मिलने वाला है, ऑलमोस्ट जोन के सेंटर में है तो उनको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। बट RSS के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, जो जबावा में मौजूद है काफ़ी यहाँ पर बाहर है जोन के, तो जल्दी से जल्दी रोटेशन डाल करके जोन के अंदर आने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आएंगे भी। वेल गन साउंड आ रहा है OS के प्लेयर्स को, टाइटन की फाइट हो रही है, टीम एंटी की फाइट हो रही है और दूर से यहाँ पर किल स्टील करने के लिए तैयार हो चुकी है। डैमेज यहाँ पर सक्सेसफुली दिया गया है टीम एंटी के मिकी, यहाँ पर थॉम्सन के साथ टाइटन के वेनम को डाउन कर देंगे और यहाँ पर स्नाइपर कोशिश करेंगे बट फिलहाल यहाँ पर नॉक पड़े हैं एंड टाइटन यहाँ पर 05 उनको रिवाइव देने के लिए उनके साथ मौजूद है। बट देखते देखते टीम एंटी के प्लेयर्स उनको ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे और लॉबी से यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मिकी टाइटन ज्यूस का अपने खाते में फिनिश ऐड करते नजर आए थे एंड दूसरी तरफ गैंग 99 के हेडशॉट भी अपने टीम की ओर से फ्रेशर निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉक निकाला गया है और यहाँ पर नॉक को फिनिश में तकदील करने के लिए नेड यहाँ पे किया गया, सक्सेसफुली कनेक्शन बनाया है बट सामने प्लेयर को अभी नॉक नहीं कर पाए हैं। किंग यहाँ पे नॉक पड़े हैं, काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हो चुका है बट यहाँ पर रिवाइव जल्दी जल्दी होंगे और फिर से यहाँ पर मैच में वापस ही करते हुए नजर आएंगे। कॉरिगन वाइट यहाँ पे वन फ्रेस दिखाई दे रहे हैं और इनके सामने नजर आएंगे गैंग 19 के प्लेयर्स, हेडशॉट, डैडी एंड माफिया और अल्टर, सामने यूटिलिटीज का प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। ओपन यहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा गैंग 19 के प्लेयर्स को एग्रेस करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे ओपन में जा करके, यूटिलिटीज़ का यूज़ करते नजर आएंगे। अगर एक नॉक निकला तो ठीक वरना फिर अभी यहाँ पर कवर के साथ ही गैंग 19 के प्लेयर्स को आई थिंक यहाँ पर खेलना चाहिए। नेक्स्ट जोन और यहाँ पर नेक्स्ट जोन भी सभी टीम्स को सपोर्ट करेगा, विनेदी में हमारी SFYL के डुओ को भी और यहाँ पर RSS के प्लेयर्स जोन के बाहर है वो भी जल्दी जल्दी जोन के अंदर आ जाएंगे और सभी टीम्स एज इट इज़ जोन के साथ अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आएंगी। LTG के प्लेयर्स हमारे थोड़ा सा एक टीम यहाँ पर गामा के प्लेयर्स के सामने नज़र आ रहे हैं। गामा के एक्सलेंडर उसमें खेल रहे हैं और यहाँ पर C9 जो खेल रहे हैं, एरिस खेल रहे हैं और क्राइसिस खेलते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर पिछले मैच के विजेता और हार्ड स्कोप के साथ गामा एक्सलेंडर गोस्ट को यहाँ पर स्पॉट करके रखे, तो वेल यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है सामने यहाँ पर अपनी पोजिशन तरवील कर ही दी है एक्सलेंडर ने, सामने गोस्ट रन करते नजर आएंगे और यहाँ पर रन में मिनी भी चलती नजर आएगी एक्सलेंडर की, Level 3 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट के साथ और बैरल और मिनी के साथ अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आएंगे एक्सलेंडर। बात करेंगे यहाँ पर एरिस के प्लेयर्स की, एरिस यहाँ पे नजर आएंगे G3 के साथ, Level 2 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट के साथ, हेडिंग्स इनके पास काफ़ी बढ़िया मौजूद है। यहाँ पर एक मेडकिट है, एक एड्रेनल है और यहाँ पर 4 हेल्थ किट्स हैं और यहाँ पर 5 पोस्टर्स हैं और यहाँ पर 10 बैंडेजेस दिखाई दे रहे हैं एरिस के पास। इसके एरिस सामने कोशिश कर रहे थे कनेक्शन बनाने की बट फिलहाल यहाँ पर खुद ही कनेक्शन ले लेंगे, काफ़ी यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं, अपने आप को हिट करते हुए नजर आएंगे। E4 के प्लेयर्स स्काइपो यहाँ पर खेल रहे हैं, इनके ग्राउंड टीम्स में TMNT के प्लेयर्स एंड OS के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, सामने टीम स्पॉट की गई है OS के प्लेयर्स को, आई थिंक स्काइपो ने ज़रूर यहाँ पर स्पॉट किया है बट ओवरऑल Level 1 हेलमेट एंड Level 3 वेस्ट के साथ TPP लेते हुए नजर आएंगे स्काइपो विद G3 या उनके साथ खेल रहे हैं चर्सी। M4 के साथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर एंगल बनाने की कोशिश की जा रही है बट फिलहाल यहाँ पर इनके सामने अभी कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे दिखाई देंगे प्रज्ञान UMP भी सक्सेस के साथ सामने ADS ओपन करके किसी ना किसी टीम को स्पॉट करने की आस में दिखाई दे रहे हैं। इनके पास Level 2 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट दिखाई दे रहा है। सिंजॉय की बात करेंगे, इनके पास M4 मौजूद है, Level 2 हेलमेट एंड Level 2 वेस्ट और नीचे दिखाई देंगे हमारे यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। वेल टाइम पास तो ठीक है
दूसरी तरफ यहाँ पर एक टीम फाइट भी शुरू कर देगी, एक जन के प्लेयर्स सामने टीम्स को दिक्कत देंगे और यहाँ पर अपने खाते में एक फिनिश के साथ से एज इट इज अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। यहाँ पर गैंग डैटियन के डैडी ओपी को डाउन कर दिया गया है एक जन के प्लेयर्स के द्वारा, फिलहाल यहाँ पर फिनिश करने की भी कोशिश करेंगे बट मिड रेंज की फाइट थी, थोड़ा सा यहाँ पर रेंज जरूर था टीम्स के आमने सामने, तो दोनों अभी यहाँ पर फिलहाल टीम्स शांति से खेलने की कोशिश करती नजर आएंगी। शिकारी एंड कॉरिगन राइट साइड पर मौजूद हैं और सोनियो और किंग थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी खेलते नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनियो स्प्रे के साथ अपने आप को रिवील करेंगे गैंग 99 के प्लेयर्स, उनके ऊपर भी अब एडीएस करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट जोन हमारा मवात्रा और तोवर डायनो पार्क कंप्लीटली अंदर है एंड अबे और मीनार को प्रेफर करता हुआ नजर आएगा। तो वेल यहाँ पर टीम्स हमारी फर्स्ट जोन से ही अंदर है और वैसे ही हमारी अभी भी उनका गेम प्ले चलता नजर आएगा, बट आरएसएस के प्लेयर्स जोन के अंदर रोटेशन कुछ ही देर पहले लेते हुए नजर आ रहे थे, जोन के अंदर आए हैं और यहाँ पर इनका डोमिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सामने यहाँ पर काफ़ी टीम्स नज़र आ रही हैं और एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन भी किया गया है। क्लाउजी यहाँ पे खेल रहे हैं एनएस के थॉमसन के साथ एंड दूसरी गन यहाँ पर M4 दिखाई दे रही है। TMNT के यहाँ पर लियोनार्डो को डाउन किया गया था, तो अभी तो फिलहाल एग्रेस नहीं करना चाहेंगे, इनकी लॉन्ग रेंज की फाइट है, तो एक और यहाँ पर अगर नॉक निकाल पाएँ थोड़ा सा क्लोजिंग करके तभी यहाँ पर एग्रेस करने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। एस के प्लेयर्स पिछले मैच के विजेता चिकेंडर यहाँ पर ले गए थे, विना चिकेंडर बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ ऑलमोस्ट यहाँ पर आई थिंक 16 या 17 फिनिश के साथ इन्होंने मैच को जीता था पिछले मैच को। एरिस खेल रहे हैं, C9 जोजो खेल रहे हैं, एक्सटेंडर खेल रहे हैं एंड क्राइसिस खेल रहे हैं। RSS क्रूसी हार्ड स्कोप G3 के साथ Level 2 हेलमेट Level 3 वेस्ट, TMNT के प्लेयर्स इनके निशाने में दिखाई दे रहे हैं। G3 एंड 3X का यूज किया जा रहा है क्रूसी के द्वारा, बट यहाँ पर हमारा जोन भी श्रिंक होने लगा है, थर्ड जोन है। कुछ ही देर में हमारा ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद हमारा फोर्थ जोन भी बनेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अब वो फोर्थ जोन किस टीम को प्रेफर करेगा। फिलहाल यहाँ पर सभी टीम्स को हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड जोन इजली यहाँ पर सपोर्ट करता नजर आया था, बट ये जोन देखना पड़ेगा और यहाँ पर मोस्टली टीम्स को यहाँ पर मैक्सिमम टीम को सपोर्ट किया है इसने। कुछ टीम्स जोन के बाहर है, जल्दी जल्दी यहाँ पर जो फाइट चल रही हो उसको डिनाई करेंगे और अपने गेम अपने आप को जोन के अंदर ला करके आगे गेम प्ले कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। TMNT के प्लेयर्स दिखाई देंगे जो कि जोन के ऑलमोस्ट एस पे मौजूद है। E4 के प्लेयर्स जोन के बाहर थे, उनकी यहाँ पर यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एस के प्लेयर्स पिछले मैच के यहाँ पर विजेता, उनको भी जोन के अंदर आना पड़ेगा, तो अगर जल्दी जल्दी यहाँ पर अर्ली रोटेशन दे पाएँ तो यहाँ पर उनको जोन के अंदर ईजली यहाँ पर जगह मिल सकती है, बट फिलहाल यहाँ पर सभी टीम जोन के अंदर आ चुकी हैं, तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पर एस के प्लेयर्स को थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ के खेलना पड़ेगा कि सामने कौन सी टीम मौजूद है और कौन सा कंपाउंड खाली है, ये थोड़ा सा उनको यहाँ पर गेस करना पड़ेगा। बट TMNT के प्लेयर्स उनके पर खतरा बन के बैठे हुए थे, यहाँ पर TMNT के प्लेयर्स ईजली आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एरिया मिल जाएगा एस के प्लेयर्स को ईजली जोन के अंदर आने का। फिलहाल यहाँ पर TMNT के पीछे RSS के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे TMNT के प्लेयर्स को ईजली यहाँ पर एक छोटा सा कंपाउंड मिल जाएगा ऑलमोस्ट जोन के सेंटर में। तो वेल यहाँ पर कंपाउंड मिला है और कंपाउंड के अंदर आएंगे ईजली यहाँ पर कवर के साथ अपने गेम प्ले कंटिन्यू करते रहेंगे। MG3 के साथ दिखाई दे रहे हैं TMNT के करण Level 3 वेस्ट के साथ, इनके पास वन फिनिश भी मौजूद है और अपने ओवरऑल यहाँ पर ये टीम ने 6 फिनिशेस निकाल दिए बहुत पहले ही। ओह माय गॉड, 4 फिनिश के साथ मिकी रैप, 1 फिनिश के साथ करण जी यहाँ पर दिखाई देंगे और ओवेस के प्लेयर्स यहाँ पर नेट के साथ डाउन करते हुए नजर आएंगे। ओएस के प्लेयर्स ट्राई खेल रहे हैं, एक सामने यहाँ पर टीम दिखाई देगी उसको यहाँ पर सक्सेसफुली डाउन किया गया। शिवम खेल रहे हैं उसमें एंड जैज ओपी खेल रहे हैं और नियो 98 खेल रहे हैं, नेड यहाँ पर दोबारा पिन आउट किया गया है। सामने LTG के प्लेयर्स मौजूद है, फ्री फायर यहाँ पर नियो का सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्शन बना सकता था बट यहाँ पर एक भी बुलेट हिट नहीं होगी और नियो 98 को इजली यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आएंगे एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रेनेड का भी डैमेज डील हुआ है और उसी डैमेज के चलते यहाँ पर गोस्ट नियो के द्वारा नॉक हो जाएंगे और काफ़ी यहाँ पर
लो एचपी के साथ मौजूद है, ब्लीड आउट होकर के फिनिश होने की कगार पे आ चुके हैं। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे एलटीजी के अंदर प्लेयर्स की, जो कि फिलहाल अभी यहाँ पर जैबजर अपनी टीम की ओर से क्लोज इन करते नजर आ रहे थे, गोस्ट को यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिलहाल अपने टीम्स के साथ अपने टीममेट्स के साथ इस फाइट को डिनाई करते हुए दिखाई देंगे। ओएस के प्लेयर्स उनको भी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, शिवम काफ़ी यहाँ पर डैमेज रिसीव किया है और देखते ही देखते यहाँ पर डीआईएस जैबजेड को भी बाहर कर दिया गया है। तो वेल यहाँ पर अब एलटीजी के प्लेयर्स अपने दो प्लेयर्स के साथ ही खेलते नजर आएंगे, यहाँ पर डीआईएस अर्जुन के साथ और जैबजेड के साथ विथ जीरो फिनिश के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर अब डुओ यहाँ पर अपने टीम के लिए सर्वाइवल निकालता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ बात करेंगे ओएस के प्लेयर्स की, ओएस के प्लेयर्स ने यहाँ पर दो प्लेयर्स को नॉक किया है एंड यहाँ पर फिनिश केवल एक ही प्लेयर का मिला है, नियो वन फिनिश के साथ दिखाई देंगे, बाकी यहाँ पर शिवम और जैज अभी भी जीरो फिनिश के साथ दिखाई दे रहे हैं। गैंग 99 के प्लेयर्स पहले मैच के विजेता थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग रेंज में सभी टीम्स को स्पॉट करके बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर कुछ ही थोड़े से डिस्टेंस में यहाँ पर इन्हीं के पास एक और टीम मौजूद है जिसके साथ आई थिंक जी नहीं, इनके पास तो कोई मौजूद नहीं है और यहाँ पर अपने फोर में एडवांटेज साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर सर्वाइवल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एसीएस के प्लेयर्स ये भी यहाँ पर विजेता रह चुके हैं आज के और सामने दिक्कतें देते नजर आ रहे हैं। इनके पास फिलहाल यहाँ पर जीरो फिनिश मौजूद है, नॉक यहाँ पर लगातार निकाले जा रहे हैं। सामने E4 के प्लेयर्स थे और यहाँ पर E4 के प्लेयर्स तो फिलहाल फाइट को डिसंगेज करके रोटेशन के साथ यहाँ पर दूसरी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे आरएसएस के प्लेयर्स अभी भी ट्रायो के साथ अपने जीरो फिनिश के साथ अपने कंपाउंड के कवर में मौजूद है। एंड एलजी के प्लेयर्स की बात करेंगे, इनके पास भी यहाँ पर अपना कम्प्लीटली स्क्वाड मौजूद है जीरो फिनिश के साथ ऑन टॉप 12 में अपने आप को शो कर रहे हैं। टीम एनटी के प्लेयर्स फिलहाल स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर इनके सामने आ चुके हैं एग्रेस करने के लिए, क्लोज इन करने के लिए एनसी क्लाउजी, तो काफ़ी यहाँ पर टफ सिचुएशन दिखाई दे रही है और देखते देखते यहाँ पर टीएमएनटी के रेनाल्डो भी नॉक हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एस के प्लेयर्स हाई ग्राउंड के साथ खेलते नजर आ रहे हैं और उनके नीचे एक फाइट चल रही है यहाँ पर टीएमएनटी के प्लेयर्स की एंड आरआईसीएस के प्लेयर्स की। तो फिलहाल यहाँ पर क्लाउजी फिनिश करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर एक थर्ड पार्टी होती नजर आएगी। ओ माय गॉड, आरआईसीएस यहाँ पे क्लाउजी एस के यहाँ पे एरिस को डाउन कर चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के रूप में आएगी हमारी एक टीम एस के प्लेयर्स की, जो कि यहाँ पर अच्छे फिनिशेस निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जितनी भी टीम्स हैं जितने भी प्लेयर्स उनको बाहर करने की कोशिश करेंगे। तो वेल यहाँ पर यूटिलिटी का यूज़ किया जा रहा है कंपाउंड में, यहाँ पर जितने प्लेयर्स हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है गामा के एक्सलेंडर एंड क्राइसिस के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारी आरएसएस के प्लेयर्स थे उनको पता चल गया कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है, हमको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए और थर्ड पार्टी यहाँ पर समझ करके इजली यहाँ पर हटते हुए नजर आए और क्लाउजी यहाँ पर इस दी M4 के साथ नॉक भी निकालते हुए नजर आए। करण जी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं और यहाँ पर टीम एनटी के एक और प्लेयर रैप नॉक हो चुके हैं। तो वेल यहाँ पर काफ़ी बुरा टाइम आ चुका है टीम एनटी के लिए, नीचे यहाँ पर दो टीम से खेलती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ यहाँ पर एस के एरिस यहाँ पर नेड के साथ डाउन हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर चिल क्राइसिस अपने टीममेट को बचाने के लिए स्मोक वॉल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, स्मोक करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट भी हो चुकी है और आरएसएस के प्लेयर्स इस फाइट को डिनाई करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हीकल के साथ सीख दिखाई देंगे अपने टीम या यहाँ पर स्ट्रैटेजी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और L4 के यस भी यहाँ पर एक जनस के प्लेयर्स को बाहर करते हुए नजर आएंगे। एक जन के यहाँ पर कॉरिगन वाइटी L4 के यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन करेंगे एंड अल्ट्रा यहाँ पर फिनिशेस करते हुए नजर आएंगे और E4 के यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स एक प्लेयर यहाँ पर UMP के साथ बाहर होते नजर आए हैं एंड अल्ट्रा को यहाँ पर फिनिश दे देंगे किंग ब्लीड होकर के एंड यहाँ पर फाइनली जो कि L4 के अल्ट्रा ने यहाँ पर एक जन के फाइनली प्लेयर को यहाँ पर शिकारी को ही बाहर करके रास्ता यहाँ पर इस मैच के साथ उनके इस मैच को एंड किया है। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे डीआईएस के यहाँ पर अर्जुन भी फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेल यहाँ पर L4 के प्लेयर्स 6-5 फिनिश के साथ अपने लॉर्ड पेन के बिना ही एक टीममेट के बिना ही खेलते नजर आएंगे। एक्सोनस के प्लेयर्स 1 फिनिश के साथ अपने डुओ के साथ अपने गेम प्ले क्वार्टर में करते नजर आएंगे। ओएस के प्लेयर्स यहाँ पर 2 फिनिश निकाल चुके हैं जो कि यहाँ पर नियो ने निकाले हैं। नियो के फिनिश के साथ ट्रायो के साथ अपने गेम प्ले एस कंटिन्यूस दिखाते नजर आएंगे। SFYL के यहाँ पर पेगासस और अनसेड अभी भी अपने गेम प्ले कंटिन्यू करने की कोशिश करें। किंगविश एंड क्रैकन
लेकिन बहुत जल्दी फिनिश हो गए थे। L6 यहाँ पर व्यूक नेट के साथ डाउन करेंगे एंड L4 के यहाँ पर शुभ पीपी बाजन के साथ सामने टीम को यहाँ पर दिक्कतें देते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर टॉप फिनिश LC के प्लेयर्स ने निकाला है, एक नॉक भी निकाला है और OS के प्लेयर्स को यहाँ पर निशाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। L4 के यहाँ पर E4 के यहाँ पर सिंजॉय भी सामने नॉक पड़े हैं तो उनको भी फिनिश करने की कोशिश LC यहाँ पर LC के प्लेयर्स की ओर से जरूर रहेगी। और OS के यहाँ पर शिवम फिलहाल नेट का यूज़ करते नजर आ रहे हैं। सामने स्मोक वॉल देखी है और उसी स्मोक में यहाँ पर लगातार स्प्रे यहाँ पर यूटिलिटीज का यूज़ किया जा रहा है। बट दूसरी तरफ न्यू यहाँ पर अलग ही फाइट लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक टीममेट OS के प्लेयर का डाउन पड़ा है और अर्जुन अपने टीममेट के साथ यहाँ पर जेफजेड के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। OS से यहाँ पर अपने बाकी दो टीममेट्स का बदला लेना चाहते हैं। 3 फिनिशेस इनके पास ओवरऑल मौजूद है, 1 फिनिश के साथ और अर्जुन खेल रहे हैं एंड 2 फिनिश के साथ जेफजेड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट देखते ही देखते यहाँ पर जेफजेड बाहर जाएंगे यूएमपी के साथ स्प्रे क्रिएट करने की कोशिश। बट नियो एक और फिनिश यहाँ पर LTG के प्लेयर्स अपने खाते में ऐड करेंगे। RSS के प्लेयर्स यहाँ पर रिवाइव देते नजर आ रहे हैं। क्लाउजी यहाँ पर नॉक पड़े थे, उनको रिवाइव दिया गया। बट देखते देखते यहाँ पर क्रू सी रिवाइव करने के बाद खुद नॉक हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इनके पास पत्थर का कॉर मौजूद है, स्मोक यहाँ पर चादर भी बिछी हुई है, उसी के सारे रिवाइव यहाँ पर आगे अपना कंटिन्यू रखा जाएगा। सीक यहाँ पे काफ़ी लो एचपी के साथ मौजूद है और एक प्लेयर को यहाँ पर ओवरऑल फिनिश कर दिया गया। सामने TMNT के यहाँ पे रेनाल्डो दिखाई दे रहे हैं एंड TMNT के रैफ और मिकी आगे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। सीक को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। फाइनली यहाँ पर RSS के केवल NS क्लाउजी बचेंगे, उनको भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बाहर तरह सा दिखाया जाएगा। TMNT के प्लेयर्स अब काफ़ी अच्छे फिनिशेस के साथ अपने गेम प्ले को आगे बढ़ा रहे हैं एंड यहाँ पर स्प्रे बॉय G3 के साथ एस कॉन्टीन्यूस अपने गेम प्ले को आगे शो कर रहे हैं एंड यहाँ पर इनके पास फिनिशर्स नहीं है बट फिनिशर्स निकाले जा सकते हैं। इनके पास लेवल 2 हेलमेट एंड लेवल 3 वेस्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर इनके इनके सामने अंदर प्लेयर्स की जो कि L4 के प्लेयर्स हैं, इनके पास 9 फिनिशर्स हो चुके हैं। लॉपेन बहुत जल्दी अपनी टीम की ओर से बाहर हो गए थे। अल्ट्रा खेल रहे हैं उसमें सुबजेट खेल रहे हैं और यस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फिनिश के साथ यस AKM के साथ और लेवल 3 हेलमेट जो कि AK ब्लड का मेहमान है एंड लेवल 3 हेलमेट एंड लेवल 3 वेस्ट के साथ अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। नियो 98 अपने खाते में 4 फिनिशर निकाल चुके हैं। इनके पास भी वेस्ट है जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है और यहाँ पर दिखाई देगा लेवल 2 हेलमेट। तो वेल यहाँ पर लेवल 2 हेलमेट के साथ अपने गेम प्ले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर बाकी इनके तीनों टीममेट्स अभी भी यहाँ पर अलाइव दिखाई दे रहे हैं। तो नियो ने ही अपनी टीम की ओर से फिनिशर्स निकाले हैं, बाकी इनके टीममेट इनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आए। CM एंड JazzOB सामने से यहाँ पर कनेक्शन बनाया जा रहा है और इजी यहाँ पर डैमेज भी डील किया जा रहा है OS के प्लेयर्स के ऊपर। LC के प्लेयर्स 4 फिनिश 1 फिनिश यहाँ पे निशांत अपने टीम की ओर से निकालेंगे। रूक और स्प्रे बॉय इनके साथ एज कॉन्टीन्यूअस खेलते हुए नजर आ रहे। व्हीकल के साथ जोन के अंदर आने की यहाँ पर कोशिश जारी है और इसलिए यहाँ पर चारों टीम जोन के एज पे आ चुकी हैं। टॉप 4 टीम्स हमारे सामने मौजूद है और नेट का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है LC के प्लेयर्स के द्वारा। पत्थर के यहाँ पर पत्थर की दूसरी ओर OS के प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको यहाँ पर बाहर करने की कोशिश की है। बट एक मिनट यहाँ पर जोन श्रिंक होने को आएगा और अब OS के प्लेयर्स को ही बाहर आना पड़ेगा एंड LC के प्लेयर्स को भी बाहर आना पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर LC के निशांत यहाँ पर TMNT के रेनाल्डो को फिनिश ऑफ कर देंगे। TMNT की ओर से केवल यहाँ पर 1 AD रैप बचे हुए। 7 यहाँ पर खेलते नजर आ रहे, काफ़ी यहाँ पर डाउन थे, काफ़ी डैमेज थे। हील बैटल यहाँ पर करने की कोशिश रैप की ओर से नजर आ रही, हील बैटल करेंगे एंड इस मैच को निकालने की कोशिश करेंगे। OS के प्लेयर्स के पास हाइट का एडवांटेज भी है, उनके पास थोड़ा बहुत स्मोक वॉल का भी कवर है और थोड़ा बहुत यहाँ पर पत्थरों का कवर है। तो वेल यहाँ पर स्मोक और पत्थर के कवर के साथ OS के प्लेयर्स हमने ट्राई होकर अभी भी जिंदा करके रखे हैं। फिर 4 फिनिश के साथ और यहाँ पर फिनिश कनेक्ट करने की कोशिश है और यहाँ पर रियो को डाउन कर दिया गया नियो के द्वारा। M4 के साथ यहाँ पर फिनिश भी कन्फर्म किया जाएगा जो कि यहाँ पर JazzOP अपने टीममेट के साथ बहुत ही अच्छे कॉन्टेस्ट के साथ उनका फिनिश कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। वेल यहाँ पर न्यू अपनी टीम की ओर से 5 फिनिशर निकालेंगे अपने टीममेट्स के सपोर्ट के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर अब सामने हमारी टॉप 3 टीम्स नजर आएंगी, जिसमें से हमारी टॉप 3 टीम्स में LC के प्लेयर्स, L4 के प्लेयर्स एंड OS के प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे। OS के प्लेयर्स यहाँ पर स्टार्टिंग से लास्ट तक अपने टीम अपने यहाँ पर अपने ट्रायो को मौजूद यहाँ पर बना के रखे हैं एंड L4 के प्लेयर्स दो प्लेयर्स को खो चुके हैं और डुओ के साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। LC के प्लेयर्स एक प्लेयर को खो चुके हैं अपने ट्राय के साथ अपने गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। 2v3v3 की फाइट मौजूद है और यहाँ पर स्मोक वॉल में थोड़ा यहाँ पर दिक्कतें बनाई सहते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत यहाँ पर देखते देखते नॉक हो जाएंगे और टोकने के साथ
इस पे बॉय अपने टीम की ओर से अकेले ही बचेंगे, जो कि सामने प्लेयर्स को यहाँ पर फिनिश भी कर रहे हैं, बट दे ओवरऑल यहाँ पर इजली विनर विनर चिकन डिनर निकाला जाएगा ओएस के प्लेयर्स के द्वारा अपने ट्रायो के साथ सक्सेसफुली। सेवन फिनिश यहाँ पे न्यू को दिखाई दे रहे। सीओम ने भी अपना टू फिनिश के साथ अपना अकाउंट खोला है एंड जैज ओपी भी वन फिनिश के साथ अपना पॉइंट टेबल में योगदान देंगे ओएस के प्लेयर्स को और अपनी टीम को। तो वेल यहाँ पर टेन फिनिश के साथ ओएस के प्लेयर्स से सेकेंड यहाँ पर वैकेंटी के मैच को एंड करेंगे ऑन टॉप पे। और दूसरी तरफ बात करेंगे हमारी एलसी के प्लेयर्स भी डोमिनेशन अच्छा कर रही थी, बट यहाँ पर सेकंड प्लेस से ही हमको खुशी जाहिर करनी पड़ेगी। निशांत यहाँ पे टू फिनिश दिखाई देंगे, स्प्रे बॉय विथ वन फिनिश, रिक विथ वन फिनिश एंड एना ओपी विथ टू फिनिश के साथ सिक्स फिनिश के साथ ऑन सेकंड प्लेस में मौजूद हमारे एलसी के प्लेयर्स। एल फोर के प्लेयर्स थर्ड पोजिशन पर दिखाई दे रहे, फोर फिनिश निकाले गए हैं यस के द्वारा, अल्ट्रा के द्वारा निकाले गए हैं थ्री फिनिश एंड सुब जेड के द्वारा निकाले गए हैं थ्री फिनिश। तो यहाँ पर टेन फिनिश के साथ हमारी अंदर टीम एल फोर के प्लेयर्स ऑन अपने अपने आप को टॉप थ्री में शो कर रहे हैं। फोर्थ पोजीशन पर दिखाई देंगे हमारे टीम एनटी के प्लेयर्स। टीम एनटी के यहाँ पर मिकी ने टू सेवन फिनिश निकाले हैं और लियोनार्डो ने वन फिनिश निकाला है, करंजी ने वन फिनिश निकाला है, फोर फिनिश रैप ने निकाले। फिनिशेस की यहाँ पे कमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे टॉप थ्री में नहीं है भाई, उनका उसका अफसोस जरूर रहेगा, बट फिनिशेस देखिए माई गॉड यहाँ पर बहुत ही प्यारे टीम एनटी के फिनिशेस। अपना यहाँ पर सक्सेसफुली स्क्वाड का गेम प्ले टीम एनटी के प्लेयर्स दिखाएंगे और टॉप फोर में आकर के इस मैच को एंड करेंगे। तो फिर उनके यहाँ पर एक बार फिनिश यहाँ पर फिनिशेस काउंट कर लें, 13 फिनिश के साथ टीम एनटी के प्लेयर्स ऑन टॉप फोर में इस मैच को एंड करेंगे। एस एफ एल वाई की बात करेंगे जिन्होंने 5 फिनिश निकाले हैं, पेगासस यहाँ पे 4 फिनिश साथ एंड सोडो विथ 1 फिनिश साथ दिखाई देंगे। आर एस एस के प्लेयर्स ट्रायो खेले थे 1 फिनिश साथ, जो कि सिख ने निकाला ऑन 6 प्लेस पे इस मैच को एंड करेंगे। एक्स वन एस के प्लेयर्स 1 फिनिश साथ इस मैच को एंड करेंगे, जो कि केरला एफ टी ने निकाला है एंड यहाँ पर दिखाई देंगे। एल टी जी के प्लेयर्स 2 फिनिश साथ जैपजेट और डी आई एस अर्जुन 1 फिनिश साथ दिखाई देंगे। 3 फिनिश साथ ऑन 8 प्लेस से संतोष करेंगे हमारे एल टी जी के प्लेयर्स। ई फोर के प्लेयर्स जाएंगे 0 फिनिश साथ 9 प्लेस पे एंड यहाँ पर 1 फिनिश निकाला जाएगा गैंग 99 के अल्ट्रा के द्वारा टॉप 10 में आके इस मैच को एंड करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे एस के प्लेयर्स की, 0 फिनिश साथ 11 प्लेस से बाहर हो जाएंगे। दोनों ही यहाँ पर हमारी टीम से 10 एंड 11 प्लेस पे नजर आ रही जिन्होंने पिछले मैच में चिकन रन निकाला था, बट इस मैच में नए चिकन रन के विजेता नजर आएंगे हमारे ओएस के प्लेयर्स। और एजनेस के प्लेयर्स अपने आप को 12th पोजीशन पे शो कर रहे हैं, 2 फिनिश यहाँ पर निकाले गए हैं। कोरिगन वाईटी विथ 1 फिनिश एंड किंग दिखाई देंगे 1 फिनिश साथ। टाइटन यहाँ पर दिखाई देंगे, टाइटन के प्लेयर्स ऑन स्लॉट 13 में 2 फिनिश निकाले गए हैं स्नाइपर के द्वारा। 14 पोजीशन पर नजर आएंगे एफ ई के प्लेयर्स, 0 फिनिश के साथ बाहर हुए हैं एंड यहाँ पर एस डब्ल्यू वाई एल के प्लेयर्स नजर आएंगे 1-1 फिनिश के साथ। रे ओ पी विथ 1 फिनिश एंड लकी विथ 1 फिनिश के साथ 2 फिनिश ओवरऑल 15 प्लेयर्स पे बाहर हो गए हैं एंड यहाँ पे फर्स्ट हेलमेट होने वाले एक सिंगल प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे थे ऑन स्लॉट 16, जो कि इस मैच से बाहर हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ओएस के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ 10 फिनिश से अपने आपको फर्स्ट पोजीशन पर शो कर रहे हैं एंड यहाँ पर एलसी के प्लेयर्स 6 फिनिश के साथ अपने आपको सेकंड पोजीशन पर शो कर रहे हैं। एल4 के प्लेयर्स भी यहाँ पर 10 फिनिश के साथ अपने आपको थर्ड प्लेस पे शो कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा थर्ड मैच भी एंड हो चुका है और टीम एनटी के मिकी गोइंग ऑल आउट में अपने आपको 7 फिनिश के साथ अपने आप को शो करेंगे, जो कि फोर्थ पोजीशन पे इनकी टीम में मौजूद थी। एंड अगेन टीएमएनटी के प्लेयर्स आएंगे बेस्ट कंपनी में 6 बार रिवाइव दे करके मिकी अपने आप को दोबारा शो करेंगे एंड यहां पर नियो 98 फाइनली ओएस के प्लेयर्स से चिकन रन के साथ एक स्टार द मैच में भी उपस्थिति यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे। फाइनल एनिमेशन एज अ फिनिशर 7 फिनिश के साथ नियो 98 इस मैच को एंड करेंगे। तो वेल यहां पर मैच की एंडिंग नियो 98 के द्वारा की गई है और यहां पर हमारा थर्ड मैच कंप्लीटली एंड हो चुका है। तो फिलहाल हम आप लोगों से मिलते हैं आपके नेक्स्ट मैच में। बस उससे पहले आपसे एक थोड़ी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें तो काफ़ी यहाँ पर खुशी मिलेगी हमें भी और मैनेजमेंट को भी। तो फिलहाल लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ अगर आपको स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर करें। फिर आपसे मिलते हैं आपके लास्ट मैच के साथ, जो कि यहाँ पर आई थिंक एरेंगल होना चाहिए, अब एरेंगल या मीरामार होना चाहिए। वैकेंडी दो हुए हैं लगातार, तो थोड़ा सा बोर हो गए उसके जोन ही। यहाँ पर थोड़े से कभी कभी वैकेंडी के इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे कि मतलब कभी कभी मोस्टली स्टार्टिंग में ही यहाँ पर फर्स्ट जोन काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप लेता है, आधा वाटर एरिया आधा लैंड एरिया, बट इस बार यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा यह मैच थोड़ा बोरिंग हुआ, उसको बनाने की कवर करने की कोशिश की हमने, बट यार अकेले ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मैच में। लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ प्लीज़ सपोर्ट बनाए।
Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. Storm's coming, so you better start running. Control, feeling in my bones. I'm coming for the, coming for the. Oh, 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 oh.
say if I don't belong with your nobility? Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. Storm's coming, so you better start running. We can't control feeling up or down. Coming for the, coming for the call. वेल हमारे दिन का ये आज के दिन का आज ये लास्ट मैच है और हमारा प्लेन पाथ हमारे सामने जा रहा है लॉस वेगास के आइलैंड से। प्लेन पाथ स्टार्ट होगा और 13 पॉइंट का और एलेजर के ऊपर जा कर के एंड होगा। तो वेल यहाँ पर टीम्स अपने हिसाब से ड्रॉप लोकेशन चूज़ करेंगी और जल्दी से जल्दी अपने ड्रॉप लोकेशन पर जाने की कोशिश के साथ अपने गेम प्ले का आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगी।
वेल 17 टीम से 66 किलो भी हमारे सामने जुड़ी हुई है, खेलती हुई नज़र आ रही है। ओएस के प्लेयर्स फिर से यहाँ पर अपने ट्राइव के साथ ही गेम प्ले दिखाते हुए नज़र आएंगे एंड गैंग द 99 के प्लेयर्स अपने कंपटीटिव स्क्वाड के साथ दिखाई देंगे। इस बार यहाँ पर जीके नज़र आ रहे हैं, शायद जीके पिछले मैच में नहीं थे और फर्स्ट मैच में भी चिकन रेनर आई थिंक जीके उसमें अवेलेबल नहीं थे। वेल यहाँ पर जीके उतरेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी लूट कंप्लीट करना चाहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम बात करेंगे एचएस के प्लेयर्स की, नज़र आ रहे हैं पेकैडो में यहाँ पर उतरे हैं और इस दिन यहाँ पर अरेना को लूट करते नज़र आ रहे हैं। M4 दिखाई दे रही है एचएस 98K के पास। तो वेल यहाँ पर क्राउन टीम्स में काफ़ी टीम्स मौजूद हैं, नोवा के प्लेयर्स भी ऊपर ग्लाइड करते नज़र आ रहे हैं, SWYR के प्लेयर्स भी कुछ ही दूरी पर मौजूद है एंड एचएस के कंपटीटिव स्क्वाड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि लूट कर रही है 98K के पास। SKS तो यहाँ हो ही चुकी है, मोहित दिखाई देंगे यूएसजी के साथ, इनके पास हेलमेट की कमी है बाकी वरना इनके पास वेस्ट भी मिल चुका है, इनको यहाँ पर डिसेंट गन्स भी मिल चुकी हैं। नोवा के यहाँ पर ड्रैगर दिखाई देंगे, पैनिक दिखाई देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर 99 जी के अपना खाता खोलते नजर आएंगे और यहाँ पर SFYL के प्लेयर्स को डाउन करते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर एक प्लेयर का फिनिश कैरेकिन ने भी दिया है और यहाँ पर शेडो डाउन पड़े, उनको जल्दी जल्दी रिवाइव देकर के अपने गेम प्ले को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी के यहाँ पर एक नॉक निकाले थे बट फिलहाल यहाँ पर खुद भी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। डे टू का पॉइंट टेबल, अरे दीपक भाई बताया हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, वो ये पिछले मैच में ही बताया था कि पॉइंट टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है आप उसकी मतलब फिक्र तो हो रही होगी बट यार मिल जाएगा तो लेट है बट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ओपनिंग निकल चुकी है SFYL के प्लेयर्स की, कैरेक्टर ने निकाला है इजली यहाँ पे बंद के साथ गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आए। विथ M24 के साथ HS के प्लेयर्स के ऊपर भारी पड़ना चाहते हैं, शॉट यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर गैंग 99 के प्लेयर्स माफिया टीपी प्लेयर नजर आए। विथ बोल्ट एक्शन यहाँ पर कार 98 के साथ सामने मौजूद है SFYL के प्लेयर्स, किंगविश कैरेक्टर शेडो एंड पेगासस अल्ट्रा खेल रहे इनके साथ और हेडशॉट भी खेलते नजर आए। तो फिलहाल यहाँ पर पैकेटों में काफ़ी यहाँ पर छोटा सा कियोस बना हुआ है तीन टीम्स के बीच में। बट दूसरी तरफ बात करेंगे जोन हमारा कंप्लीटली यहाँ पर नज़र आ रहा है एल्पेजो में, हैसेंडर पेट्रोल में, लादरिला में, चेरासुमा में, यहाँ पर वेले डेल मार में और माइनस दिलवाले में और लॉस लियोंस में, जहाँ पर जिन ड्रॉप्स पे यहाँ पर मोस्टली टीम्स गई हैं बट एल्पेजो जैसे ड्रॉप्स हमारे यहाँ पर हाई लूट की यहाँ पर मात्रा रखने वाले एल्पेजो जैसे ड्रॉप्स अभी फिलहाल खाली दिखाई दे रहे हैं। मोंटेनोवो भी हमारा कुछ हद तक खाली है बट हमारे वहाँ पर ओएस के प्लेयर से जा करके उसको कैप्चर करना चाहते हैं, वहाँ पर लूट करना शुरू कर सकते हैं। बट थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे एंड नज़र यहाँ पर ड्रॉप क्लासेस की जो कि हमारी एक नज़र आ रही है वेले दलमार में आरएसएस के प्लेयर्स एंड वहाँ पर उनके साथ एक और टीम मौजूद है, उन्हीं के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर डिस्टेंस में दिखाई देगी टाइटन के प्लेयर्स जो कि ब्रिज में यहाँ पर आई थिंक दिखाई देंगे। टाइटन के मैजिक खेल रहे हैं, वेनम खेल रहे हैं और जियो 5 और स्नाइपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। M249 के साथ मैजिक अपने आप को शो कर रहे हैं लेवल 2 हेलमेट एंड लेवल 2 वेस्ट के साथ। दूसरी तरफ यहाँ पर वेनम दिखाई देंगे, उनके साथ लूट करते हुए नजर आ रहे हैं लेवल 2 हेलमेट एंड लेवल 2 वेस्ट के साथ काफ़ी अच्छी हेलिक्स के साथ। और सामने यहाँ पर आर एस के प्लेयर्स को भी एक बार देखना ज़रूर चाहेंगे इनके पास कौन सी यहाँ पर गन्स है, कौन सी इनके पास यूटिलिटीज़ है क्योंकि कुछ ही देर फाइट होगी और यहाँ पर इन्हीं गन्स एंड यूटिलिटीज़ के साथ अब एक दूसरे यहाँ पर आरएसएस के प्लेयर्स और टाइटन के प्लेयर्स आमने सामने दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आरएसएस से सीख पिछले मैच में आई थिंक ट्रायो खेले थे बट यहाँ पर इस मैच में कंपटीटिव स्क्वाड इनकी मौजूद है। सीख यहाँ पर दिखाई देंगे, कार्नेटेड ड्रॉप करेंगे, मार्क करेंगे अपने टीममेट के लिए। M4 के साथ अब कार्नेटेड को स्विच किया है इन्होंने और इनके पास लेवल 2 हेलमेट लेवल 2 वेस्ट है, इनके पास 3 हैंडकिट्स में मौजूद है और बैंडेजेस यहाँ पर ड्रिंक एड्रेनल यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लाउजी को देखेंगे, क्लाउजी के पास लेवल 2 वेस्ट लेवल 2 हेलमेट और हीलिंग्स यहाँ पर डिसेंट मात्रा में। और यहाँ पर क्रूसी की बात करेंगे, क्रूसी के पास भी यहाँ पर लेवल 2 वेस्ट एंड लेवल 2 हेलमेट एज इट इज़ एंड लैक्टस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ खेलते हुए जिनके पास यहाँ पर अपने टीममेट्स की तरह लूट दिखाई दे रही है M4 लेवल 2 हेलमेट लेवल 2 वेस्ट। तो वेल यहाँ पर काफ़ी टीम्स को जल्दी जल्दी यहाँ पर अर्ली रोटेशन डालना पड़ेगा, इजनेस के प्लेयर्स को अर्ली रोटेशन डालना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इनसे काफ़ी दूर जोन है और कुछ ही देर में यहाँ पर श्रिंक होता नजर आएगा बट नोवा के ड्रैगर यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सामने यहाँ पर फाइट इनिशिएट करेंगे, SWYL के एक प्लेयर को डाउन कर देंगे, फिलहाल लकी डाउन है और यहाँ पर फिनिश भी हो सकते हैं। थोड़ी यहाँ पर HP के साथ दिखाई दे रहे हैं और आई थिंक
रिवाइव इनको मिलना शुरू हो गया है। रेओपी के द्वारा रिवाइव के फॉर्म में नजर आए थे रेओपी, और इस इलाके को रिवाइव देकर के रखी को यहाँ पर फाइट में दोबारा एक्टिव कराते हुए नजर आएंगे। लकी भी यहाँ पर अपना हील कर चुके हैं बैरल के साथ, अपने यहाँ पर हाइट के एडवांटेज के साथ में गेम प्ले शो करते नजर आए। नोवा के एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं, सीनियर नॉक हो चुके हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्लोज फाइट में, हेड टू हेड की फाइट में नोवा के यहाँ पर एक प्लेयर को किंग बाहर करते नजर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर गोस्ट भी यूएमपी के साथ बाहर हो चुके हैं, और यहाँ पर पैनिक भी नॉक हो चुके हैं, सीनियर भी बाहर हो चुके हैं बैरल के साथ लकी के स्प्रे के साथ। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे, एक पीछे से यहाँ पर कनेक्शन आएगा जो कि हाइट के एडवांटेज के साथ हमारे ओरा के प्लेयर्स थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। फायर फॉर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इनके पास जीरो फिनिश है, ओवरऑल टीम के पास जीरो फिनिश है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो उनको कुछ ना तो कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। और दूसरी तरफ देखेंगे ड्रैगन यहाँ पर यूजी के साथ सामने एक टीम एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, ड्रैगन में टीम के और से अकेले बचे, इनके ऊपर इनके पास हेलमेट भी नहीं है और वेस्ट के नाम पे केवल 11 उनका वेस्ट मौजूद है। तो वेल यहाँ पर काफ़ी बुरी कंडीशन नज़र आ रहे हैं, और सामने यहाँ पर SWYL के प्रेस लगातार उनको बाहर करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम बैक क्योंकि यहाँ ऑरा के प्लेयर्स की ओर से सामने मौजूद है, थोड़ा सा यहाँ पर उनको आई थिंक माइंड गेम्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं ऑरा के प्लेयर्स। थोड़ा सा यहाँ पर जो SWYL के यहाँ पर बाकी प्लेयर्स हैं उनका यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया गया है आई एम के बैक के द्वारा, और बाकी कैप्टन XD पीछे से आएंगे, और यहाँ पर SWYL के जी गॉड को इजी यहाँ पर डैमेज दिया जाएगा प्रोटोटाइप एंड कैप्टन XD के द्वारा। और सामने से यहाँ पर अब फाइट होती नजर आएगी, 4v4 के यहाँ पर फाइट दिखाई दे रही है। सामने मौजूद है ऑरा के प्लेयर्स, और यहाँ पर दिखाई देंगे डिफेंड करते हुए अपने आप को SWYL के प्लेयर्स। डिफेंड यहाँ पर कर ही रहे थे कि यहाँ पर OP एकिंग के साथ फिनिश होएंगे, प्रे टू प्रोटोटाइप को अपना प्लेस दे करके यहाँ पर फोर फिनिश के साथ ही ये टीम यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें फेस करती नजर आई। लकी भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, किंग भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, एंड जी गॉड ही अपनी टीम की ओर से अकेले बचे। फिलहाल यहाँ पर प्री मॉल्टॉफ करने की कोशिश और यहाँ पर सक्सेसफुली किया भी है, और आई थिंक आप कनेक्शन तो अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्लेयर के ऊपर मॉल्टॉफ का बनते हुए नहीं नजर आया है। IMC खेल रहे हैं, और यहाँ पर सक्सेसफुली M249 के साथ किंग को बाहर किया गया था, शेडो को भी यहाँ पर HSMN बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं, नॉक किया गया है। एंड जी गॉड यहाँ पर मॉल्टॉफ के साथ एक प्लेयर को नॉक कर देंगे जो कि IM बैक है, और लास्ट प्लेयर जो कि बचे थे जी गॉड वो भी यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे, और ओरा के प्लेयर्स थर्ड पार्टी सक्सेसफुली करके फोर फिनिश के साथ अपने बैंड एडवांटेज साथ अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। वन फिनिश निकाला गया यहाँ पर कैप्टन XD के द्वारा, और बाकी यहाँ पर टू फिनिश निकाले गए IM बैक के द्वारा। वन फिनिश निकाला है प्रोटोटाइप ने ओपनिंग अपनी टीम की ओर से प्रोटोटाइप करते हुए नजर आए थे। फायर फॉर्स जीरो फिनिश साथ दिखाई दे रहे, बट लूट करके आगे आने वाली फाइट्स में अपने यहाँ पर अपने लिए फिनिशर निकालते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम के लिए यहाँ पर अपने फिनिश के साथ सपोर्ट जरूर करेंगे। SFIR के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर वन फिनिश के साथ ही पैकेडो में आई थिंक अभी भी मौजूद है, जी हाँ पैकेडो मौजूद है उनके सामने एज इट इज़। यहाँ पर HS के प्लेयर्स, गैंग 99 के प्लेयर्स, और यहाँ पर स्वयं यहाँ पर SFLY के प्लेयर्स मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर HS के प्लेयर्स ने नॉक तो किया था, बट यहाँ पर अभी कन्फर्म किसी भी टीम की ओर से नहीं किया गया। गैंग 99 के प्लेयर्स अपने प्लेयर को यहाँ पर GK को बहुत ही जल्दी खो चुके हैं, और उन्हीं के बिना ही खेलते नजर आएंगे विट ट्राई योर हेडशॉट एंड माफिया और अल्टर। पहला मैच चिकन रेयर था, और दूसरा मैच थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ नजर आया था, तीसरा मैच यहाँ पे थोड़ा सा आया था बैलेंस में, बट यहाँ पर टॉप 3 या टॉप 5 में अपने आप को नहीं शो कर पाए थे। तो इस मैच में कंप्लीट ट्राई करने वाले हैं गैंग 99 के प्लेयर्स। थोड़ा सा यहाँ पर सर्वाइवल भी दिखाया जा रहा है, इस दिन यहाँ पर कोई भी ओपन में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर एक विनर चिकन रेयर हमारे एस के प्लेयर्स से निकाले थे जिनका यहाँ पर लगातार नाम आता जा रहा है, बार बार यहाँ पर नॉक करते हुए नजर आ रहे, फिनिश भी यहाँ पर कंफर्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। वेल यहाँ पर वन फिनिश निकाला गया है जोजो के द्वारा, एंड सामने E4 के एक प्लेयर यहाँ पर जो कि प्रज्ञान थे वो बाहर हो चुके हैं। चर्सियो पे खेलते नजर आ रहे हैं, सिंजॉय खेलते नजर आ रहे हैं, एंड स्काइपो खेलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सिंजॉय की बात करेंगे, M4 विथ 6-6 के साथ सामने प्लेयर्स को स्पॉट किया गया, बट थोड़ा सा इनके पास कवर नहीं था, तो यहाँ पर जाएंगे दूसरे एंगल से फाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं, फाइट लेने की कोशिश करेंगे या फाइट को आई थिंक डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे एक्सेलेंस के प्लेयर्स भी जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। टोरे ओमेदा के ऊपर से व्हीकल के साथ रोटेशन का चालू होते हुए नजर आ रहा है, XIX के प्लेयर्स भी रोटेशन ले चुके हैं, और जल्दी से जल्दी रोटेशन लेकर के जोन के अंदर आने की यहाँ पर सक्सेसफुली कोशिश जरूर करेंगे। AS के प्लेयर्स आज कितना कमाल का गेम प्ले दिखाया इन्होंने, बहुत ही मज़ा आ गया भाई। यहाँ पर फिर से वही गेम प्ले शो करने की कोशिश की जा रही है। SKS के साथ हमारे क्राइसिस मौजूद है जिन्होंने
पिछले कुछ मैच यहाँ पर अपने विनर विनर चिकन थे वाले मैच में इन्होंने अपनी टीम की ओर से हाईएस्ट सेंसर निकाले थे एंड उनके साथ यहाँ पर AS C9 जो खेल रहे हैं और उनके साथ अननोन वाइटी और यहाँ पर एक नए प्लेयर AC डार्क OP खेलते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर स्क्वाड कम्प्लीट है और इसी ये स्क्वाड आगे जाने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है विद्वान फनिस के साथ। फर्स्ट जोन हमारा ऑलमोस्ट श्रिंक होने का है और कुछ ही देर में ये श्रिंक हो जाएगा कम्प्लीटली जोन और कुछ ही सेकंड से हमारा सेकंड जोन मतलब बन जाएगा। अब सेकंड जोन देखना यहाँ पर देखने की बात रहेगी जो छोटा सा हमारा कियोस बना हुआ है पिकेडो के पीछे सेंट मार्टिन के एरिया में है सेंट्रल पेट्रोन के एरिया में वो यहाँ पर जोन के अंदर रहने वाला है या नहीं यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात रहेगी और इसका यहाँ पर कुछ ही देर में कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर जवाब भी कम्प्लीटली मिलने वाला है। श्रिंक हो चुका है जोन और यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा नेक्स्ट जोन बनेगा और थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफर जरूर करेगा उस केओस को जोन एज पे यहाँ पर हमारा ये सेंट मार्टिन के टीम्स एंड यहाँ पर LC की टीम्स और हमारी और हमें सेंट मार्टिन में जो सेंट मार्टिन के एरिया में मौजूद है जो थोड़ा सा यहाँ पर एज पे दिखाई दे रहे कुछ ही मीटर दूर जोन है इसलिए आएंगे जोन के अंदर और गेट कीप करना चाहेंगे बाकी प्लेस को यहाँ पर दिक्कत देना चाहेंगे। बट सेंटर की बात करें सेंटर हमारे एक ही टीम लेके हैं जो कि OS के प्लेयर्स हैं। पिछला मैच यहाँ पर चिकन रेड ट्रायो के साथ इन्होंने निकाला था बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ 10 फिनिश के साथ और इस मैच में भी चिकन रेड की तलाश रख रहे हैं तो क्या ही बात यहाँ रहेगी। नियो 98 का हमें बहुत ही प्यारा गेम प्ले लगता है। एक दिन यहाँ पर हम शायद इनको नोटिस कर रहे थे ये बार बार यार स्विम करते हुए मर रहे थे एक विकेंडी भी यहाँ पर पानी के रास्ते से जा रहे थे जोन के अंदर तब उनको वहाँ पर पकड़ के यहाँ पर टीम से बाहर करती हुई नज़र आई थी और आई थिंक कल की बात है या परसों की बात है यहाँ पर इनको इरेंगल में भी वाटर एरिया पे ही इनको बाहर किया गया था और इनकी टीम से अकेले शिवम ही बच रहे थे वाटर एरिया में जो बार बार सर्वाइवल निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो वेल ये ट्रायो अभी भी यहाँ पर सक्सेसफुली आज एक गेम प्ले दिखाता हुआ नजर आए एक चिकन रनर यहाँ पर सक्सेसफुली मिल चुका है दूसरे चिकन रनर के लिए दूसरे यहाँ पर मैच को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ट्रायो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है सामने यहाँ पर ग्रेट टीम्स के सामने टाइटन यहाँ पर ग्राउंड टीम्स में नजर आएगी। टाइटन की टीम यहाँ पर एवल वेस्ट एंड ड्रिलर खेलते हुए नजर आ रहे स्लॉट 16 के अंदर और OS के प्लेयर्स की ओर ही यहाँ पर इनकी गाड़ी का स्टेयरिंग जाता हुआ नजर आ रहा है। बट फिलहाल यहाँ पर उस कंपाउंड में आई थिंक इन्होंने स्पॉट जरूर किया है क्या यहाँ पर स्पॉट किया है अगर स्पॉट कर लिए जी हाँ स्पॉट किया गया है और व्हीकल को यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही रोक दिया गया सामने गेटेड जरूर खुले दिखे हैं और यहीं पर ही थोड़ी हाइट के एडवांटेज के साथ फाइट करने की कोशिश करें बट हमारी पैकेट वाली फाइट थोड़ी सी यहाँ पर अलग ही एंगल लेती हुई नजर आएगी। HS के अमन फिर से यहाँ पर अपना सब्र खोएंगे और नॉक करते हुए नजर आएंगे और वहाँ पर हमारे मोहित भी M4 के साथ SFYL के शेडो को बाहर कर देंगे। तो फिलहाल पेगासस कैरेगियन एंड किंगविश ट्रायो के साथ अब बचेंगे शेडो के बिना ही खेलते हुए नजर आएंगे। गैंग 99 के प्लेयर्स भी एक प्लेयर्स को अपने खो चुके हैं बट ओवरऑल यहाँ पर ओपनिंग निकाली गई HS के प्लेयर्स के द्वारा जो कि यहाँ पर अमन निकालते हुए नजर आए थे नेड के साथ एक प्लेयर को डाउन करा है उन्होंने और यहाँ पर ईजिली फिनिश भी किया गया है मोहित के द्वारा अपनी टीम कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने टीममेट का फिनिश कंफर्म किया गया है मोहित के द्वारा। सामने मौजूद है SFYL के यहाँ पर बाकी तीन प्लेयर्स किंगविश एंड कैरेकिन और पेगासस अपने एक प्लेयर के बगैर ही अब खेलते नजर आएंगे विथ वर्क फिनिश के साथ। गैंग 99 के प्लेयर्स अभी भी सन्नाटे में बैठे हुए अपने उसी कंपाउंड के साथ पीक एंड पीक यहाँ पर हेडशॉट कर खेल रहे हैं माफिया उनके साथ हैं एंड अल्ट्रा खेल रहे हैं। पंद्रह मिनट हो गए हैं और 15 टीम्स अभी भी लाए हुए लास्ट मैच है टीम्स यहाँ पर पूरी जान लगा देने वाली सर्वाइवल को क्योंकि सबको अब चिकन रन चाहिए। काफ़ी टीम्स ने यहाँ पर केवल 3 ही टीम्स ने चिकन रन निकाला है और यहाँ पर मोस्टली टीम्स बिना चिकन रन के खेल रही हैं बिना यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट के साथ खेल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लास्ट मैच है और लास्ट मैच में टीम्स कम्प्लीटली सर्वाइवल निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट जोन में यहाँ पर बहुत भसड़ मचने वाली है और लास्ट जोन में नहीं अभी यहाँ पर कुछ ही देर में हमारा थर्ड जोन आएगा उसमें भी यहाँ पर भसड़ मचेगी और जिन टीम के पास जोन होगा वो यहाँ पर बूमबाम करते हुए नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर LC के प्लस रोटेशन लेंगे हसन दिल पेट्रोन से होकर के जोन के अंदर आएंगे और उनके सामने यहाँ पर रास्ते में नजर आएंगे हमारे एस के प्लेयर्स जिनका आई थिंक आज बिल्कुल ही मूड नहीं लग रहा है यहाँ पर डिफेंस में खेलने का।
पिछले कल यहाँ पर डिफेंस में खेलते नजर आए थे, बट उससे ज़्यादा आज इनका एग्रेसिव स्टॉन्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आया है एक मैच के अंदर, और यहाँ पर बाकी मैचेस बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ सक्सेसफुली फिनिश के साथ इस मैच को एंड किया गया है। तो वेल यहाँ पर डार्क ओपी खेल रहे हैं एंड जो जो अननोन और क्राइसिस दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ओएसके जैज ओपी अपने एग्रेसिव स्टॉन्स के साथ अपने ट्राइव के साथ फिर से यहाँ पर रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। नेट के साथ एक प्लेयर को डाउन किया गया, फिनिश भी कन्फर्म करने की कोशिश यहाँ पर जैज ओपी के द्वारा रहेगी और इनके प्लेयर्स के द्वारा भी रहेगी। सामने वोल्टेज से प्लेयर्स ग्राउंड में नजर आएंगे एंड यहाँ पर टाइटन के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, टाइटन के हेवन दिखाई दे रहे हैं जिनको यहाँ पर M4 के साथ जिनके ऊपर M4 के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है जैज ओपी के द्वारा। व्हीकल भी यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है, इविल फिलहाल अपनी व्हीकल से थोड़ा दूर है और वो भी यहाँ पर काउंटर फायर में नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखते नियो ओह माय गॉड एक नेड और यहाँ पे दो प्लेयर्स को डाउन कर देंगे। तो वेल यहाँ पर टाइटन के प्लेयर्स काफ़ी दिक्कत में आ चुके हैं, डस्टी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, ड्रिलर डाउन हो चुके हैं, वेर्थ और इविल खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम के साथ अपनी टीम की ओर से। वर्थ अभी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लो एचपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इविल अपनी टीम की ओर से इकलौते बचे हैं M4 के साथ, सॉरी यहाँ पर बचे तो यहाँ पर पूरी स्क्वाड ही है बट यहाँ पर इकलौते हैं यहाँ पर जिनके पास अभी कोई डैमेज डील नहीं किया गया है। वेल AKM के साथ लेवल 3 हेलमेट लेवल 2 वेस्ट के साथ अपने टीममेट को सपोर्ट करना कवर देना जरूर चाहेंगे अपने हाइट के एडवांटेज के साथ अपने यहाँ पर रिचेस के कवर के साथ, बट यहाँ पर ओएस के प्लेयर्स इनको भी पिन डाउन किए हुए हैं। शिवम थोड़ा सा व्हीकल के साथ अलग यहाँ पर एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बट ओवरऑल इविल उनके ऊपर कोई भी बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टॉप 15 टीम्स हमारी एज इट इज़ खेलते नजर आई, डस्टी को अभी भी रिवाइवल नहीं मिला है और बिट आउट होकर के फाइनली यहां पर एक फिनिश निकाला जाएगा नियो YT के पास, ये फिनिश जाते हुए नजर आएगा। अब ये कुछ गलत हो सकता है। नियो 98 स्मोक पर बना के जा रहे हैं, वर्थ ऑलरेडी यहाँ पर AWM के साथ मौजूद हैं तो, और यहाँ पर स्कारलेट स्विच की गई, इनको पता है कि सामने एक प्लेयर आ रहा है, लेवल 3 हेलमेट के साथ यहाँ पर हेड टू हेड फाइट ले सकते हैं और सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ लैक्टॉज यहाँ पर टाइटन के मैजिक को डाउन करते नजर आएंगे और टाइटन के यहाँ पे वर्थ स्कारल यहाँ पर होते हुए भी फिलहाल यहाँ पर डाउन हो चुके हैं और नियो यहाँ पर उनको पंचेस के साथ फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेल यहाँ पर ओएस के प्लेयर्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस और देखते इनके खाते में 3 फिनिशर्स आ चुके हैं। टाइटन के वेनम यहाँ पर दूसरी तरफ फाइट लेते नजर आएंगे, NC क्लाउजी को यहाँ पर नॉक कर चुके हैं और RSS के यहाँ पर सी को नेट के साथ डाउन कर चुके हैं। तो वेल यहाँ पर एनदर यहाँ पर टाइटन के प्लेयर्स बहुत ही प्यारा परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर वेनम 3 फिनिश के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। 2 प्लेयर्स डाउन है, जियो 5 एंड मैजिक, जल्दी से जल्दी यहाँ पर इनको रिवाइव दिया जाएगा और यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स भी अपने आप को हीलिंग्स करके फिर से इस फाइट में एक्टिवनेस बनाते हुए नजर आएंगे। बट एक यहाँ पर लैक्टॉज एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं सक्सेसफुली अपनी टीम के ऊपर अकेले गेम प्ले शो करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज है और यहाँ पर वीक अपनी बग्गी के साथ इस फाइट को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नॉक निकाल करके इस फाइट को यहाँ पर लीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्नाइपर को यहाँ पर वोर्टेक्स के प्लेयर्स के द्वारा डाउन किया गया है। वोल्टेज यहाँ पे स्पाइडर खेलते नजर आ रहे हैं, नोजी बॉय खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ER लॉट खेलते नजर आ रहे हैं एंड साइक खेलते नजर आ रहे हैं, साइको खेलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर दो फिनिश निकाल दिए गए हैं ये ER लॉट के द्वारा और सामने वाली टीम को अभी भी यहाँ पर लगातार कनेक्शन के साथ फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। दो प्लेयर्स थे हमारे मैजिक और स्नाइपर जिनका ER लॉट ने फिनिश लिया है। लेवल 2 का हेलमेट ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है 05 का और सामने अभी भी यहाँ पर वोल्टेक्स के प्लेयर्स उसी हाइट के एडवांटेज साथ टाइटन के दोनों प्लेयर्स को फिनिश करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पर एक और टाइटन वर्सेस टाइटन यहाँ पर देखने को मिलेगा, इविल को यहाँ पर सरप्राइज मिलेगा 05 के द्वारा और एक और फिनिश यहाँ पर एक फिनिश के साथ 05 अपना खाता खोलेंगे इस मैच में। दूसरी तरफ यहाँ पर एक और टीम नजर आएगी, स्लॉट 7 के प्लेयर्स इग्निस के प्लेयर्स आएंगे, ऐलान करेंगे अपनी उपस्थिति का और यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट करेंगे यहाँ पर टाइटन के 05 के ऊपर शॉट्स। तो वेल यहाँ पर 0 फिनिश के साथ है अपने मैन एडवांटेज साथ स्लॉट 7 में हमारे इग्निस के प्लेयर्स इजली अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आ रहे विथ यहाँ पर अपने कंपाउंड्स के कवर्स के साथ। तो वेल यहाँ पर ऑरा के प्लेयर्स सामने नजर आएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर पिक्सल रिवील किया, यहाँ पर कनेक्शन बनाने की कोशिश की सामने टीम ने इग्निस के प्लेयर्स ने, बट फिलहाल यहाँ पर दोनों ही टीम अभी किसी के साथ डैमेज डील नहीं कर पाएंगी। AWM ओह माय गॉड फायर फॉर्स, क्या AWM का एक तमाचा किसी प्लेयर के ऊपर मारेंगे? यहाँ पर
कैसे मारेंगे यहाँ पर, ये जरूर देखना हमको। तो फिलहाल यहाँ पर AWM के सामने ADS में आते हुए नजर आएंगे हमारे इजनेस के प्लेयर्स। और वेल यहाँ पर अभी तो कोई भी नॉक नहीं हुआ है, तो नॉक निकालने की दोनों ही टीम्स की ओर से कोशिश लगातार जारी है। दूसरी तरफ माफिया यहाँ पर M4 के साथ SFYL के प्लेयर्स को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और SFLYVF के फिलहाल यहाँ पर दो ही प्लेयर्स मौजूद हैं, पेगासस और कैरेकिन। और यहाँ पर गैंगनाटेन के प्लेयर्स की बात करेंगे, इनके पास भी दो ही प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेकेडो में इनकी फाइट चली थी। जोन यहाँ पर पेकेडो से भी हट जाएगा और काफ़ी यहाँ पर दोनों ही टीम्स को डैमेज होने वाला है। थर्ड जोन है, यहाँ पर आपको हीलिंग का मौका मिलेगा, बट आपका हीलिंग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में वेस्ट होने वाली है। काफ़ी दूर इनको जोन के अंदर यहाँ पर ट्रेवल करके जाना, ऑलमोस्ट 1200 मीटर्स इनको जोन के अंदर जाना ही होगा। तो वेल फिलहाल यहाँ पर इस फाइट को डिसंगेज करके गैंगनाटेन के प्लेयर्स जोन के अंदर जाना चाहते हैं। 3 फिनिश के साथ ये टीम खेलते हुए नजर आ रही है। ऑल्टर बाहर हो चुके हैं, 99 जी के बाहर हो चुके हैं, जोन के अंदर फिर से चलेंगे और OSCM के यहाँ पर AWM का स्वाद सामने टीम चखती हुई नजर आएंगी। सामने यहाँ पर टारगेट थे क्राइसिस, जो कि SKS के साथ यहाँ पर अनदर स्नाइपर के साथ सामने डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, OS के प्लेयर्स के साथ फाइट ले रहे थे। वेल यहाँ पर नॉक हो चुके हैं और OS के प्लेयर्स 3 फिनिश के साथ आगे व्हीकल के साथ अपने जोन के एज पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर और भी कोशिश रहेगी OS के प्लेयर्स की। वेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं कि आई थिंक हमारे OS के प्लेयर जैसा खेल रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं और यहाँ पर ऐसे ही इस मैच भी इजीली यहाँ पर 3 फिनिशेस निकाले गए। फीस के उधर यहाँ पर नॉक्स को फिनिश करते हुए नजर आ रहे थे OS के प्लेयर्स। तो आई थिंक टॉप 5 में तो आ ही सकते हैं हमारे ये प्लेयर्स। बट जोन की बात करेंगे, लाड्रिला और मोंटोनोवो कंपटीटिव जोन के अंदर नजर आ रहा है। 14 टीम्स हमारी अभी भी लाइव है। सर्वाइवल यहाँ पर जैसे तैसे करके टीम्स निकालते नजर आ रही, काफ़ी टीम जोन के बाहर भी मौजूद है। E4 के प्लेयर्स रोटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जोन के अंदर आने की कोशिश इनकी जारी हो चुकी है। एंड यहाँ पर हमारी एक और टीम खेलती नजर आएगी, X1X के प्लेयर्स, जिनका यहाँ पर जोन के अंदर की जाने की यात्रा यहाँ पर रेडी हो चुकी है। वोल्टेक्स के प्लेयर्स को भी जोन के अंदर आना है, SFYL के प्लेयर्स को भी जोन के अंदर आना है। हेडशॉट यहाँ पर काफ़ी दूर है अपने टीममेट के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर जल्दी जल्दी पेकेडो यहाँ पर छोड़ेंगे और जल्दी जल्दी यहाँ पर जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर एक और टीम यहाँ पर गेट कीप कर सकती है, HS के प्लेयर्स बहुत पहले यहाँ पर जोन के अंदर आ चुके हैं, मतलब अभी आए हैं। बट टाइडन के प्लेयर्स कुछ ही दूरी पर मौजूद है, अगर स्पॉट करेंगे उनके व्हीकल्स को तो यहाँ पर डैमेज ज़रूर देना चाहेंगे। वैनम खेल रहे हैं एंड मैजिक यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, G5 अभी भी उसी कंपाउंड के साथ अपने टीममेट के साथ वैनम के साथ गेम प्ले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोल्टेक्स के प्लेयर्स 3-2 फिनिश के साथ अपने मैन एडवांटेज के साथ अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। ER लॉर्ड जिन्होंने 2 फिनिशर्स निकाले हैं अपनी टीम की ओर से। दूसरी तरफ बात करेंगे HS के प्लेयर्स की, HS के प्लेयर्स भी डुओ खेलते नजर आ रहे हैं। MN यहाँ पर 1 फिनिश के साथ, मोहित भी 0 फिनिश के साथ। सामने ER लॉर्ड आ गया और ER लॉर्ड को यहाँ पर काफ़ी डैमेज दिया जाएगा और सपोर्ट में यहाँ पर मोहित इजी नॉक कर देंगे। अमन फिलहाल यहाँ पर लो HP के साथ मौजूद है, मोल्टोव करके अपने आप को हील करना चाहते हैं। सामने यहाँ पर वोल्टेक्स के प्लेयर्स बाकी अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे और सामने आने वाली टीम HS के प्लेयर्स को बाहर करने की कोशिश से करते हुए नजर आएंगे। साइको खेल रहे हैं एंड यहाँ पर स्पाइडी खेलते नजर आ रहे हैं वोल्टेक्स में, जो कि व्हीकल के साथ अपने टीममेट के पास जाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमन के पास हीलिंग्स नहीं है यार, ओह माई गॉड, यहाँ पे हीलिंग्स चाहिए होंगी। अपने टीममेट्स के साथ आई थिंक हीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, मांग जरूर सकते हैं, हीलिंग्स यहाँ पर मिल जाती तो आई थिंक यहाँ पर अपना फिनिश कंफर्म ही कर लेते। तो वेल यहाँ पर ये डुओ मोहित के वन फिनिश के साथ अपने आप को कंटिन्यू फाइट में यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल इस टीम के पास 3 फिनिशेज हैं, मोहित के पास यहाँ पर छोटे यहाँ पर बैंडेजेस मौजूद हैं, उसी से यहाँ पर हील करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे अमन भी यहाँ पर 19 बैंडेजेस मतलब चेप ही यहाँ पर अपने ऊपर यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट जोन आएगा, नेक्स्ट जोन के अंदर हमारा एक्जेनेस के प्लेयर्स और वोल्टेक्स के प्लेयर्स एंड हमारे
ऑरा के प्लेयर्स दिखाई देंगे। एचएस के प्लेयर्स एच में मौजूद है, अपने आप को हिल करते नजर आ रहे हैं। सामने टाइटन के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं और उनकी फाइट आई थिंक एलसी के प्लेयर से हो सकती है, जैसे अपना कंपाउंड छोड़ते हैं जोन के बाहर ही मौजूद है। और एक्स वन एक्स के प्लेयर्स भी जोन के बाहर अभी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ओएस के प्लेयर्स को काफ़ी यहाँ पर डिस्टेंस तय करना है, तो जल्दी से जल्दी व्हीकल के साथ जोन के अंदर आने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे एलिक के प्लेयर्स की, एलिक के प्लेयर्स कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं, बट यहाँ पर रोड का ओपन एरिया आएगा जिसमें यहाँ पर पीछे एस के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं व्हीकल के साथ हैं। उनका भी यहाँ पर रोटेशन आई थिंक चालू होगा, तो उसी बीच हमारे एलिक के प्लेयर्स से रोटेशन ले सकते हैं और यहाँ पर जल्दी जल्दी स्ट्रेट अंदर जा करके जोन के अंदर अच्छे से कवर के साथ खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट एक जन इसके प्लेयर्स चारों तरफ यहाँ पर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ जो भी टीम्स इनको दिखाई दे रही है उनसे यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बट दूसरी तरफ एस के प्लेयर्स यहाँ पर डोमिनेशन स्टार्ट करेंगे, एक यहाँ पर कार नेटिट का कनेक्शन आएगा और इजली यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन भी कर देगा जो कि डार्क ओपी का कनेक्शन था। एम फोर के साथ सामने प्लेयर्स को यहाँ पर दिक्कतें बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, बट फिलहाल इस टीम के पास जोन नहीं है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जोन के अंदर जाएं तो काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। व्हीकल उठाया है, जोन के अंदर जाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने यहाँ पर खेल रहे डार्क ओपी, जोजो एंड अननोन और क्राइसिस वन फिनिश के साथ अपने गेम प्ले को एज इट इज़ कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोन हमारा श्रिंक होने को आया है, फिफ्थ जोन है, कुछ ही देर में यहाँ पर कंप्लीटली श्रिंक होगा, सिक्स जोन हमारे सामने बनता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पर ALIG के एक प्लेयर को डाउन कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर ट्राई के साथ खेला जा रहा है और गॉड नॉक हिप गॉड नॉक हो चुके हैं, तो क्या यहाँ पर अब नबील और डैड इनको रिवाइव देंगे? जी नहीं, रिवाइव नहीं देंगे। और यहाँ पर हिप गॉड अपने आप को कुर्बान करके अपने टीममेट से कहेंगे भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग अपनी अपनी अपने यहाँ पर यात्रा कंटिन्यू रखो, अपना डोमिनेशन बनाओ। बट यहाँ पर अननोन अपनी टीम की ओर से बहुत पहले यहाँ पर जोन के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर अच्छा रोटेशन, बट यहाँ पर दो प्लेयर्स फिनिश हो गए हैं, डार्की फिनिश हो गए हैं, जोजो फिनिश हो गए हैं और यहाँ पर क्राइसिस भी देखते ही देखते फिनिश आएंगे। ओवरऑल दो फिनिश के साथ ही अननोन अपने गेम प्ले को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। इस कारण के साथ टॉप 10 टीम्स हमारी अभी भी लाइव है। यहाँ पर सोलो डुओ एंड ट्रायो के साथ टीम खेलती नजर आई, डुओ में हमारे एचएस के प्लेयर्स दिखाई देंगे एंड यहाँ पर स्क्वाड के साथ हमारे ओरा के प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे विद 7 फिनिशेस, 3 फिनिशेस प्रोटोटाइप के, आई एम बैक के 2 फिनिशेस एंड ओरा के कैप्टन एक्सजी के पास 2 फिनिशेस दिखाई दे रहे हैं। डुओ के साथ हमारे एलिक के प्लेयर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर डैड विद 1 फिनिश के साथ एंड नबील ओपी विद 0 फिनिश के साथ मेरे गेम प्ले को, ओह माय गॉड हेडशॉट यहाँ पे फायर फेस का ओम का बहुत ही सक्सेसफुली, और यहाँ पर हेडशॉट का शिकार कौन बनता है? वोल्ट के प्लेयर। तो फिलहाल यहाँ पर वोल्ट के प्लेयर्स अपने टीममेट को रिवाइव देंगे और साई को यहाँ पर थोड़ा सा अपने टीममेट को बताना जरूर चाहेंगे कि भाई उधर से मत जाना, उधर से एक ओम का कनेक्शन आया था मेरा, हमको बहुत तेज लगा, उधर से मत जाना, उधर वहाँ पर एक टीम है और AWM के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर AWM का खौफ बनाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे ओरा के प्लेयर्स एंड दूसरी तरफ यहाँ पर इग्नेस के किंग इस कारण के साथ सामने एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं। तो वेल यहाँ पर इग्नेस के प्लेयर्स वन फ्रेंड के साथ अपने ट्रायो को कॉन्टिन्यू करते नजर आ रहे, सोनियो इस टीम से बाहर हो चुके हैं और सक्सेसफुली यहाँ पर एक क्लोजिंग आएगा और क्लोजिंग को यहाँ पर डिनाई करने की कोशिश शिकारी की ओर से रही थी, बट M249 का कनेक्शन यहाँ पर नहीं डिनाई कर पाएंगे और यहाँ पर नीबी ओपन को सक्सेसफुली डाउन करके अपने आप को हील करते नजर आएंगे। तो वेल यहाँ पर 24 प्लेयर्स अलाइव है सिक्स जोन के अंदर और चारों ही तरफ यहाँ पर नॉक एंड नॉक चलता जा रहा है। यहाँ पर अमन व्हीकल बस में एक प्लेयर को डाउन करेंगे, न्यू यहाँ पर M4 के साथ डाउन करेंगे, रुई यहाँ पर M4 के साथ डाउन करेंगे, आई एम बैग भी यहाँ पर एलिक डैड को डाउन करते हुए नजर आएंगे। प्लेयर जोन से यहाँ पर LC एना OP डाउन होते नजर आएंगे, XIS के प्लेयर्स भी डाउन होते नजर आएंगे एंड M4 के साथ SFYL के प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा। स्कारलेट के साथ XIX के प्लेयर्स बदल लेते नजर आएंगे, LC के प्लेयर्स के साथ यहाँ पर LC के प्लेयर्स लास्ट बचे थे निशात OP जो कि जोन से यहाँ पर बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर लूकी भी XIS के प्लेयर जोन से बाहर होते हुए नजर आएंगे और फिनिश भी होते नजर आएंगे। और आके यहाँ पे प्रोटोटाइप खेलते नजर आएंगे, वोल्टेक्स के स्पाइडी को यहाँ पर फिनिश कर देंगे एंड स्कारल के यहाँ पर और आके कैप्टन भी AKM के साथ फाइनली यहाँ पर बाहर कर देंगे अपने सामने अगेंस्ट टीम को। नियो भी स्कारल के साथ XIX के यहाँ पर रिफ FT को बाहर करते नजर आएंगे और केरला FT यहाँ पर स्कार M4 के साथ फिनिश भी हो जाएंगे। नेट से यहाँ पर एक प्लेयर डाउन हो चुका है, देखते ही देखते यहाँ पर केवल और केवल 12 प्लेयर्स बचे, ओ माय गॉड, अभी 24 थे कुछ सेकंड्स पहले, 30 सेकंड भी नहीं बीता और यहाँ पर 12 से यहाँ पर 24 से आधे यहाँ पर केवल प्लेयर्स बचे, ओ माय गॉड।
टॉप 5 टीम्स हमारे सामने खेलती हुई नजर आ रही है। अब हमारे इग्निस के कोरिगन भाई अपनी टीम की ओर से अकेले सर्वाइवल यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका शिकारी यानी अकेले नहीं है यहाँ पर, शिकारी और किंग भी खेल रहे हैं, बट दोनों भी नॉक पड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी रिवाइव देने की यहाँ पर कोशिश कोरिगन की ओर से यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। एच एस के प्लेयर्स की बात करेंगे, डू अभी भी इनका जिंदा है और 5 फिनिश निकाला है, 5 फिनिश के साथ अपने गेम प्ले कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। अमन भी 2 फिनिश साथ, मोहित भी 2 फिनिश साथ और आके प्लेयर्स अभी भी अपने फोर में एडवांटेज साथ अपनी कंप्लीट स्क्वाड के साथ अलाइव है। फायर फिस्ट AWM का यहाँ पे झटका देते हुए नजर आ रहे थे, 1 फिनिश साथ इन्होंने अपना खाता खोला, अपनी टीम को यहाँ पर पॉइंट टेबल में अच्छे 1 फिनिश साथ जगह बनाएंगे और एक हेडशॉट यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, अमन को यहाँ पर डाउन किया जाएगा और अमन को देखते देखते बाहर भी किया जाएगा। और पीछे मोहित मौजूद है काफ़ी लोचपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इनके पास थ्री स्पीड तो बहुत ही कमी थी और यहाँ पर देखते देखते OS यहाँ पर शिवम अपने खाते में फिनिश ऐड करते नजर आएंगे। 1 फिनिश फायर पीस एंड प्रोटोटाइप विद 6 फिनिश के साथ ओवरऑल 14 फिनिशेज और के प्लेयर्स ने निकाल दिया। 3 फिनिश आई एम बैक और कैप्टन XD विद 4 फिनिश साथ OS के प्लेयर्स यहाँ पर एक प्लेयर को खो चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ ही देर पहले ट्राइव के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे, जैसे अभी फिनिश हो जाएंगे एंड 5 फिनिश साथ न्यू अपने गेम पर कॉन्टर रखेंगे, सीओ यहाँ पर 4 फिनिश साथ खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर डाउन हो चुके हैं जैज और सामने से एक पुशिन आता हुआ नजर आएगा और के प्लेयर्स का इजी यहाँ पर बाहर करने की कोशिश की जा रही है। 8th जोन है, टॉप 3 टीम्स हमारे सामने एसटी फाइट लेते हुए नजर आ रही है और नियो को भी यहाँ पर बाहर किया जाएगा। OS के CM अपने टीम की ओर से लास्ट प्लेयर बचे थे उनको भी यहाँ पर M4 के साथ बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो वेल यहाँ पर ओरा के प्लेयर्स अपने 4 में एडवांटेज के साथ लास्ट प्लेयर शिकारी को बाहर करना चाहते हैं M24 के साथ जैसे तैसे करके यहाँ पर बाहर कर देंगे और इजली विनर विनर चिकन डिनर। ओरा के प्लेयर सक्सेसफुली अपने खाते में लास्ट मैच का अपनी थाली में ले जाएंगे। तो वेल यहाँ पर नजर आ रही प्रोटोटाइप हाईएस्ट फिनिश के साथ 8 फिनिश के साथ अपने आपको प्रोटोटाइप शो कर रहे हैं ऑन फर्स्ट प्लेस पे। कैप्टन XD विद 4 फिनिश के साथ अपने आपको शो कर रहे हैं एंड 2 फिनिश के साथ हमारे फायर फॉस्ट और दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे IM बैक विद 3 फिनिश के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पर इस टीम ने 17 फिनिश के साथ अपने आपको इस मैच से विनर विनर चिकन डिनर निकाल के समाप्त करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर नजर आ रहे हैं इग्निस के प्लेयर्स जिन्होंने 1 फिनिश निकाला है, फिनिशेज यहाँ पर फिनिशेज की कमी दिखाई दे रही है इग्निस के प्लेयर्स के पास, बट यहाँ पर सेकंड पोजीशन के जो 12 प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले हैं उसके साथ यहाँ पर पॉइंट टेबल में अच्छी से अच्छी जगह बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। एंड OS के प्लेयर्स पहला मैच पिछला मैच चिकन रेयर था और यहाँ पर ये वाला मैच टॉप 3 में, तो इसलिए यहाँ पर हमारे OS के प्लेयर्स भी अपने फिनिशेस एंड प्लेसमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस जरूर किया होगा पॉइंट टेबल में। 5 फिनिशेस हमारे न्यू खेल इस मैच को एंड करेंगे एंड 4 फिनिश साथ हमारे OS शिवम इस मैच को एंड करेंगे। जैज OP विद 0 फिनिश के साथ ही अपने टीममेट के साथ ऑन थर्ड प्लेस पे संतोष करते हुए नजर आएंगे। HS के प्लेयर्स की बात करेंगे, फोर्थ पोजीशन पे दिखाई दे रहे 1 फिनिश HS 98 के ने निकाला है एंड मोहित ने 2 फिनिश निकाले, 2 फिनिश हमारे अमन ने निकाले। 5 फिनिश के साथ HS के प्लेयर्स ऑन फोर्थ प्लेस पे अपने आपको शो कर रहे हैं। ALIG के प्लेयर्स 1 फिनिश के साथ जो कि डैड ने निकाला है इस मैच को एंड करेंगे ऑन फिफ्थ प्लेस पे। XIX के प्लेयर्स भी दिखाई देंगे जिन्होंने 3 फिनिश निकाला, 6 प्लेस पे नजर आ रहे हैं। 2 फिनिश हमारे लुकी एंड 1 फिनिश दिखाई देंगे ऋतिक FT वोल्ट एक्स के प्लेयर्स, इनका भी यहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिल रहा था और यहाँ पर AWM के कनेक्शन भी इनके ऊपर बनते हुए नजर आ रहे थे। 2 फिनिश के साथ दिखाई देंगे हमारे ER लॉर्ड एंड 1 फिनिश के साथ दिखाई देंगे साइको ऑन 7th प्लेस पे। ओवरऑल 3 फिनिश के साथ ही यहाँ पर ये टीम बाहर हो जाएगी 7th प्लेस पे। LC के प्लेयर्स की बात करेंगे, 2 फिनिश निकाले गए, 1 फिनिश निकाले गए निशान टोपी के द्वारा एंड डिस्प्ले बॉय के द्वारा निकाला गया है 1 फिनिश। और भाई फायर मज़ा आ गया था और आके गेम प्ले भाई बहुत ही अच्छे फिनिशर निकाले हैं और ये तो चिकन रेयर बहुत ही प्यारे यहाँ पर निकाले हैं इन्होंने। SFYL के प्लेयर्स 9th प्लेस पर नजर आ रहे हैं, 1 फिनिश के साथ कैरेकिन इस मैच को एंड करेंगे अपने टीममेट के साथ। दूसरी तरफ यहाँ पर 10th प्लेस पर नजर आएंगे हमारे विनर विनर चिकन रेयर विजेता एस के प्लेयर्स जिन्होंने 2 फिनिशर निकाल करके ऑन 10th प्लेस पर आकर के इस मैच को एंड किया है। जो ने यहाँ पर 2 फिनिशर निकाले अपनी टीम की ओर से। E4 के प्लेयर्स की बात करेंगे, 1-1 फिनिश निकाल करके 11th प्लेस से बाहर हो जाएंगे स्काइपो विथ 1 फिनिश के साथ, सिंजॉय विथ 1 फिनिश के साथ एंड यहाँ पर टाइटन दिखाई देंगे। टाइटन के वेनम ने 3 फिनिशर निकाले, 1 फिनिश निकाला गया जी फाइव के द्वारा। ओवरऑल 4 फिनिश साथ ऑन 12th प्लेस पर अपने आपको शो कर रहे हैं टाइटन के प्लेयर्स। RSS के प्लेयर्स 0-0 फिनिश के साथ 13th प्लेस पर एग्जिट कर जाएंगे। गैंगटन हैटकिंग के प्लेयर्स 3 फिनिश के साथ 14th प्लेस पर अपने इस मैच को एंड करेंगे। पहला मैच चिकन रेयर था बट यहाँ पर ये लास्ट मैच थोड़ा सा प्लेसमेंट पे वीक होता हुआ नजर आया और फिनिश यहाँ पर 14 प्लेस के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ पर माफिया विथ 1 फिनिश एंड 2 फिनिश के साथ हेडशॉट।
15 प्लेस में मौजूद है। हमारे अनदर टाइटन के प्लेयर्स 0-0-0 फ्रेंक के साथ 15 प्लेस से बाहर हो गए हैं। एंड SWYL के प्लेयर्स दिखाई देंगे 4 फ्रेंक के साथ, इस मैच को खत्म किया उन्होंने। जॉर्ड दिखाई दे रहे हैं 2 फ्रेंक के साथ, एंड 1 फ्रेंक के साथ लकी, और 1 फ्रेंक के साथ SWYL के किंग दिखाई दे रहे हैं ऑन 16 प्लेस पे। लास्ट सेकेंड एलिमिनेशन उन्होंने फेस किया है। नोवा के प्लेयर्स 0 फ्रेंक के साथ ही फर्स्ट एलिमिनेशन फेस करेंगे और 17 प्लेस पे बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ऑरा के प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर लास्ट मैच चिकन डिनर।